सर हेलो हेलो आवाज आ रही बच्चों हेलो आवाज आ रही है हेलो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है बच्चों को थोड़ा सा क्लियर करके तुरंत मैं करवा दूंगा ठीक है ना तुरंत करवा दूंगा मैं पहले एक एक बार शेयर शेयर करो करो सब लोग बोर्ड तरफ से बहुत बड़ी बिग न्यूज न्यूज है न्यूज है ब्रेकिंग सभी के लिए बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं शायद गलती अगर सुधारनी है तो इस वीडियो को शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों समझो कि अगर आप सुधरना चाहते हो भाई कुछ गलती नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना हो सके उतना शेयर करेंगे तो मजा आ जावे है ना सर चलिए फटक से ये न्यूज में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार सब लोग शेयर करो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि बच्चों को शायद ये न्यूज बराबर नहीं समझ में आ रही न्यूज डाली थी पहले ठीक है ना न्यूज डाली थी लेकिन बच्चे कंफ्यूज है इस न्यूज के बारे में तो इसी न्यूज को मैं थोड़ा सा ठीक है ना क्लियर करना चाहता हूं गए सभी चलो न्यूज को थोड़ा सा क्लेरिफाई करके देता हूँ बच्चों न्यूज क्या है यहाँ पे न्यूज पढ़ के बच्चों को लग रहा है कि उत्तर पत्रिका पेन नहीं काटता है, है वो बच्चे ध्यान रखना आप लोग पेन से नहीं निकाल पाओगे साइंस मैथ्स और जियोग्राफी का जो पेपर है उसमें पेंसिल से ही निकालनी है यह बात समझ में आ गई आपको जितना भी कंफ्यूजन था फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं कि ये प्लीज रिप्लाई हाँ फर्स्ट टाइम लेक्चर देख सकते क्या देख सकते देख सकते कोई टेंशन मत लेना बच्चों न्यूज समझ में आ गई बच्चों न्यूज समझ में आ गई कंफ्यूज मत होना क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे मैं यहाँ पे न्यूज को थोड़ा सा क्लेरिफाई करके देता हूं सर ठीक है यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ वाले क्लास ट्वेल्थ वाले मतलब यहां पे क्लास ट्वेल्व मतलब एच एस जो बोर्ड की एग्जाम है आपकी बोर्ड की एग्जाम है एग्जाम 2024 की इसमें ध्यान रखना है हमको फिजिक्स केम केम ठीक है बायोलॉजी मैथ्स है ना और जियोग्राफी इसमें से मैं लिख के दे रहा हूं पेंसिल से ही डायग्राम निकालनी है आप कोई मुझे कमेंट नहीं करेगा इसके बारे में मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ठीक है ना यह बात समझ में आ गई पेंसिल ओनली पेंसिल ये सब जो मटेरियल है फ्री मटेरियल है बच्चों एच एस बोर्ड एग्जाम 2024 की जो भी बच्चों को मटेरियल कहां मिलता है पता नहीं है फ्री पीडीएफ है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट सब कुछ ये जो मिलने वाला है डाउनलोड करो याब्ल्यू डब्ल्यू पीजीएम लाइव यहाँ डाउनलोड करने के बाद ये सब मटेरियल मिल रहा है उसके ऊपर लाइन के ऊपर टच करो टच करने के बाद फ्री मटेरियल आएगा उसको टच करो इसके बाद में फिजिक्स आई एम पी ऑल पीडीएफ यहाँ पे दिखाई देगी समझ में आ रहा है कोई टेंशन है बच्चो ऑल इज वेज चलो लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा लेकिन ये पता होना चाहिए बच्चों नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को पता नहीं होता है तो ठीक है आप लोगों को जो भी बच्चे हैं मुकेश सर जो बच्चों को डर लग रहा है छोटे छोटे क्वेश्चन देखना है तो मुकेश सर चैनल पे जाओ जिनको डर लग रहा है कि सर मेरा कुछ हुआ नहीं है कम समय में मैं करना चाहता हूं मुकेश सर चैनल पे मैंने क्या करके दिया है आप लोगों को दिखाते यहाँ पे मुकेश सर चैनल पे मुकेश सर चैनल पे क्या करके दिया है मैंने वो दिखा देता हूं आपको समझ में आएगा ठीक है मुकेश सर चैनल पे जाना पड़ेगा मुकेश सर चैनल ये देखो ये मुकेश सर चैनल पे जाओ आप यहां पर प्ले लिस्ट बना के रखिए छोटे छोटे वीडियो बना के रखिए हर चैप्टर के मतलब कम समय में करना है मुकेश सर चैनल पे जाओ मुकेश सर चैनल पे जाओ इसको सब्सक्राइब भी करना है बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड छोटे वीडियो बना के रखिए

कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर थ्री हंड्रेड के थैंक यू बेटा थैंक थैंक यू थैंक यू बेटा चलिए तो हम लोग रिविजन चालू कर रहे हैं बच्चों इसको जाके सब्सक्राइब भी करना है है आप लोगों को मुकेश सर चैनल कितने बच्चे करने वाले ठीक चालू करते हैं सर चालू हो जाएगा चलो हाँ रिविजन चालू हो रहा है टेंशन मत लेना ले लो ना दस दिन सर प्लीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का देखता हूं कोई मिलेगा तो देख लेना सर <laughs> चलो तो हम लोग आपको क्या रिविजन में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये बताएंगे शायद ये रिविजन से मुझे क्या लग रहा है सर अगर इसी रिवीजन से कौन से कौन सा है सर? हाँ, रिवीजन करने से ये चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा के दे रहे हैं सर मैं भी थोड़ा सा आपके साथ साथ रहूंगा ठीक है ओके थोड़ा सा मैं भी करवा के देता हूं स्टार्टिंग में चलिए तो हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये भी पता होना चाहिए यहां पे यमसी क्यों जा सकता है सर्कुलर मोशन यहां पे ध्यान रखना है इसको बड़ा करो हाँ हां चलिए इसमें करना क्या बेटा ध्यान रखना एक्सरलेशन मोशन में एक्सेलरेशन मोशन में नहीं हो रहे सर ये हा ओकेशन में हम लोगों को ध्यान रखना क्या है कि भले यूनिफॉर्म स्पीड हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है वेलोसिटी चेंज होती है ध्यान ये रखना है हम लोगों को एक मिनट बच्चों ओनली वन मिनट रुकना है न्यूज समझ में आ गई ना न्यूज को कंफ्यूज मत हो जाओ न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट ही न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या करना है पेंसिल से ही डायग्राम निकाल ले है पेंसिल पेंसिल से ही ब्राइटनेस कम करना पड़ रहा है पड़ेगा मुझे लग रहा है ऐसा बच्चे बोल रहे हैं ओके okay. नहीं हो रहा है छोड़ो चलो हाँ जी देखो वेलोसिटी चेंजेस होती है बेटा हर इंस्टेंट पे ठीक है यहां पे एक फार्मूला याद रखना मेरे साथ करोगे फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का ओमे आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर आर वी ओमेगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसको क्या कहते हैं बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक फार्मूला याद रखना है क्या क्या रखोगे वी स्क्वायर बाय स्क्वायर या वी ओमेगा ग जो इंपर्टेंट है वही बताएंगे आगे कैसे जाना भी? पेन को। हाँ, okay, करना। ये थोड़े थोड़े फार्मूले जो बता रहा हूं बच्चों ये याद करना है हम लोगों को आगे बढ़ने वाले हम लोग ज्यादा जहां जहां काम होगा वही बताएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान देखना सेंट्रीपिटल फोर्स में डिस्टिंग्विश करो डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन आते हैं वो अच्छी तरह से करना है इसमें हम लोगों को फोर्स का ध्यान रखना है। है या एक ऐसे भी लिख सकता है सर है ना? या बार या या आर ओमेगा स्क्वायर और या वी ओमेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पीजेगा पे पीजे जाओगे तो डिस्टिंग्विश आपको दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते बस इतना ही याद रखना हम लोग जितना बोल रहे हैं उतना ज्यादा मत करो इसमें क्योंकि रिवीजन होने जा रहा है रिवीजन इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप लोगों को बस वही फार्मूला लिखना है बस ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड मैग्निट्यूडिटिव अभी एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में यह क्वेश्चन हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक करना है ये क्वेश्चन इसको अच्छी तरह से करवा के देता हूं मैं टेंशन मत लो आप ठीक है ये डायग्राम देखो ये डायग्राम में गाडी हमारी खड़ी है भाई तो गड्डी के पास मास है मासे तो वेट है सर मासे तो अभी गड्डी खड़ी है भाई क्या अंदर जा रही है क्या दलदल दल में अंदर जाते हो सर गड्डी क्यों नहीं अंदर जा रही क्योंकि एक फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है इसलिए इस यम इज इक्वल टू यम जी लिखूंगा और ये रोड एक्चुअल में ऐसा बैठा है सर करेक्ट है ना सर तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है कौन कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स यमर बाय बस यहाँ पे दोनों को डिवाइड करते इक्वेशन वन इक्वेशन टू तो यहाँ क्या कर रहा है आपको एफ एस अपॉन यम तो. ये है यम वी स्क्वायर अपन आर और ये है यम जी तो यम से यम को मरवा दो इसको मीवियस कहते हैं करेक्ट है सर तो ये वी स्क्वायर ये आर जी बचा है तो क्या होगा कालिया तेरे साथ तो ये होगा म्यू आर जी ये लिख सकते हो और ये स्पीड होती है बेटा यहां पे मैक्सिमम इतनी स्पीड रख सकते तो रूट तो म्यू आर्ज हो गया रिविजन हो गया क्वेश्चन का रिविजन हो रहा है सर कोई कॉमेंट है तो बता देना उनकी सेवा वो भी कंप्लीट करेंगे ज्यादा नहीं करना ज्यादा नहीं करना हम लोग जितना बोल रहे उतना ही करे फिर विश्वास करे फिर आपके ऊपर भरोसा कर सकते हम लोग है ना सर हाँ जी चलिए आगे बढ़ते मौत का कुआं मौत का कुआं आ गया भैया को में ध्यान रखने हम लोग यहाँ मौत के कुए के ऊपर ध्यान रखना देखो कोई भी चीज मास है बंदा है तो नीचे वेट होगा और बेटा पे ये वाल पे ऐसा चिपका है चिपकली जैसे तो नॉर्मल फोर्स इधर है तो ये बैलेंस कर रहा है सर यम जी और क्या प्रोवाइड कर रहा है राइट है सर कोई टेंशन तो नहीं है ब्राइटनेस कम कर देता है, कमी कर दो ना डायरेक्ट क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, चलिए ब्राइटनेस कम कर दिया बच्चों, चलो, तो हमारे पास F S is equal to muas into n formula याद है मुझे, सही है सर? Yes. ओके, तो F S is equal to हमारे पास जो है muas और n है बेटा yamvies square upon r, कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों, ओके लेकिन एफएस क्या होता है सबको पता है हमारे पास ओके अभी ये देख लो ये हो गया आपका अभी ये देखो यहां पे ठीक है ये यहां पे देख सकते ये फार्मूला हमको इक्वल टू ग्रेटर लिखने की जरूरत तो नहीं है ध्यान रखना अभी नहीं तो इसी को कंटिन्यू करो इसको भी कंटिन्यू कर सकते यहां कंटिन्यू करने के लिए जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था कोई टेंशन करवा देता हूं ये जी है, ये है, तो तो है, है खत्म किस्सा ओके आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है चलिए ओके यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका डायग्राम अच्छी तरह से याद रखनी है डायग्राम को अच्छी तरह से कोई कमेंट है तो बता दो अच्छी तरह से याद रखेंगे क्या बेटा सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा डायग्राम देखो वेहीकल यहां पे वेट होगा मास के कारण नॉर्मल फोर्स होगा परपेंडिकुलर इस सरफेस को सही है इसके दो कॉम्पोनेंट इस तरफ जिसके तरफ थीटा वो कॉस थीटा जिसके पास नहीं थीटा वो साइन थीटा अभी इत, मुझे बताना है कि ये जो यम कॉस थीटा है ये यमजी को बैलेंस कर रहा है और यन sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा बेटा किसको कर रहा है बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स यम्यू स्क्वायर बाय आर yes? चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं तो ये यन sin थीटा करेक्ट है और ये यन cos थीटा करेक्ट है बेटा यहाँ यम वी स्क्वायर बाय r और ये m जी यम से m को हटवा दो यन से यन को हटवा दो tan थीटा मिला मिला, मिला 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 भाई मिला 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 और ये वी है तो ये क्रॉस मल्टीफिकेशन आरजी टैन थीटा ध्यान रखना कि इसलिए रूट में मिला है बेटा? समझ में आ रहा है सिंपल तरीका बता रहे रिवीजन कैसे करना चाहिए बस वही के वही रिवीजन हो गया है ना या थीटा किसी को थीटा निकालना तो निकालो ना कोई टेंशन नहीं किसी को लग रहा है कि सर मुझे थीटा निकालना निकालो भाई आपका ही घर का है खत्म किस्सा ज्यादा टेंशन डायग्राम देखते ही देखते भैया आपका दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए आपका दिल को गार्डन गार्डन करने के लिए ही ये रिवीजन, है बच्चों रिवीजन, बच्चों देखो। रिवीजन करने के लिए बहुत कब तक लेक्चर है ये लेक्चर जब तक आपके साथ हो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं लड़कों के ये, ये क्या देखो इंपॉर्टेंट है डायग्राम डायग्राम जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे बता रहे है ना सर इतना डिप मत लो हाँ बस डिप नहीं जाना है हमको फटाफट बताना है बाकी कुछ नहीं है आप टेंशन मत लो हम लोगों का मकसद है कि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए करेक्ट है ना सर क्या हुआ सेड नहीं हुआ था पीछे वाला ओके कर दो ये क्या के लिए ए, नहीं थी। नहीं। ये फार्मूला क्यों कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं मेरे कलाक तो मैं तिकुन करवा

तो गाड़ी कहां जाएगी ऊपर फ्रिक्शन ऊपर इसके दो कंपोनेंट कंपोनेंट रिजल्ट आना करना चाहिए सिंपल सी बात है ध्यान रखना है हम लोगों को कोई पे, जो चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा अभी फटाक से यहां पे गलती कहां करते बच्चे ठीक है मिनिमम जब स्पीड है ना ध्यान तो रखना बच्चों इस पे। मुझे लगता है कि हमेशा के पहले लिखना चाहिए यहां पे थोड़ी सी गलती होती है वो गलती सुधारो देखो यम जी गलती हो सकती है यन को सिटा पहले लिखना है। हमेशा इसका फायदा एग्जाम में होगा तो आपको ऐसा लिखना है यम जी। और ये बराबर होता है क्योंकि ये कॉम्पोनेंट तो इसको अपोज कर रहे हैं ना ये तो आप लोग देख सकते अगर यहाँ पे भी लिखना है तो मैं यहाँ पे ही इक्वेशंस करवा देता हूँ फटाक से ताकि आपका हो जाए यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते देखो यम जो है ना ये ये यम जी लिखते समय देखो दोनों ऊपर है दो फोर्स कौन कौन से यम कॉस सीता पहले लिखो यन वाले कंपोनेंट कभी भी, भी आर प्लस प्लस क्यों क्योंकि दोनों की डायरेक्शन से में दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यह कंपोनेंट देखो तो इसलिए यमवी स्क्र अपॉन आर ये माइनस होगा बेटा देखो यह अपोजिट में थीटा। बस इनको डिवाइड करो यहां पे क्या करना है सर इनको सिंपल सा डिवाइड करना है ओके डिवाइड करना है बेटा सिंपल है डिवाइड करना है अरे चला गया क्या नहीं करना है बस तो डिवाइड करते हैं दोनों को ध्यान रखना ये ठीक है डिवाइड करते समय पहला इक्वेशन है बार और दूसरा है ध्यान रखना बच्चों बच्चो को थोड़ा सा छोटा लिखता हूं डिवाइडेड बाय बाई एन कॉटा हर किसी को से डिवाइड करना है हर किसी को यहां पे नहीं सॉरी ये सेकंड इक्वेशंस को करना है एक मिनट सेकंड इक्वेशंस को करना है तो सेकंड इक्वेशन ये है कौन सा यन साइंटीटा यन थीटा करेक्ट है सर डिवाइड बाईन हर किसी को करना करेक्ट है हर किसी को करना बाय अब देखो theta, theta, क्या होगा यहाँ पे प्लस थीटा करेक्ट है सर कर दिया आपने खत्म हो गया आपने. देखो क्या क्या करोगे -कैंसल, -कैंसल, कैंसल क्या हो रहा तो है बेटा टैन थीटा ये

खत्म हो गया समझ में आ रहा है ना यहां पे क्या करोगे यही फार्मूला लिख के देने वाला हूं हा यही मैक्सिमम में यही फार्मूला लिखूंगा बस फार्मूला लिखते समय ध्यान रखना है कि ये जब लिखा था अर्जीत यहां पे टैन थीटा प्लस मीएस डिवाइड बाय वन माइनस मीएस टैन थीटा करेक्ट है सर ओके समझ में आ रहा है ना सर कोई टेंशन तो नहीं बच्चों समझ में आना चाहिए ओके फटाफट लेते थोड़ा सा फास्ट लेता हूं थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे ज्यादा समय देना पड़ा जहां समय ज्यादा दे रहा हूं समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां समय ज्यादा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा यहां पे देखो कोनिकल पेंडुलम ये टेंशन होता है अवे फ्रॉम यहाँ पे एंगल बन रहा है टेंशन के दो कंपोनेंट टी कॉ थीटा यहाँ थीटा होगा है ना वेट के कारण एम जी और ये टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा देखो ये टेंशन है टेंशन के एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट इधर जिसके साथ थीटा ये प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है बेटा यम आर ओमेगा करेक्ट है? दोनों को डिवाइड करो तो ओमेगा मिलेगा मुझे यहाँ पे ओमेगा जो भी है देख लेते हैं यहां पे ओमेगा मिलेगा मेरे साथ यहां परिटापन मुझे पीरियड निकालना है पीरियड का फॉर्मूला टू अपॉन ओमेगा होता है और इसी के कारण पीरियड का फार्मूला ये मिल रहा है देखो टी टू पा रूट ऑफ रहा है ओमेगा की वैल्यू पुटअप की देखो यल कॉटाबाइजी ओमेगा की वैल्यू पुटअप की हो रहा है रिविजन अच्छी तरह से हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये कोनिकल पेंडुलम दोनों में से कोई भी डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग जो डायग्राम अच्छी लगती है वो करनी है ठीक है जो डायग्राम अच्छी लगती है यहां पे बहुत ही इजी, मुझे लगता है है, है है ये सवाल बहुत इजी है। टेंशन टेंशन है पे बेटा, द सेंटर होता है और ये दोनों ये इसलिए ऐड करो टी ए प्लस ये टेंशन ऑफ ए पोजिशन निकालना है तो यमवी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी समझे टेंशन निकाला निकाला क्या इसका टेंशन कैसे निकाले सर टी बी आ, निकालना है मुझे है ना तो पहले काम करते हैं कि यहां टी माइनस एम जी सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा हूं तो यमवी स्क्र तो टेंशन ऑफ बी पोजिशन स्कूर अप ऑन आर ये माइनस का प्लस समझ में आ रहा है ओके टेंशन ऑफ बी पोजिशन निकाला कैसे निकाला है डायग्राम क्योंकि ये है ना देखो ना टी को माइनस एमजी क्यों क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है

आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नहीं किया तो चलते हैं जो मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट एंड सवाल के जी मीटर स्क्वेयर और डायमेंशन होगा यम वन यल टू ठीक है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आता है ध्यान रखना इसको अच्छी तरह से ध्यान रखो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालते हैं सिंपल क्वेश्चन है मैं पहले समझा देता हूं कॉनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा यहां पे हाफ यम वी स्क्र वी क्या रिलेशन आर ओमेगा कर रहा हूं एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू यम स्क्र ओमेगा इसी को आई बोलते बेटा आई बोलते वन बाय टू आई है ना आई ओमेगा स्क्वेयर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ना बेटा यम आर स्क्र बात समझ में आ रही है हो गया वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वेयर मिला है खतम, बस ज्यादा नहीं लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे बस इसको इसको पार्टिकल, पार्टिकल, पार्टिकल बोलना है, खत्म खत्म, हो गया ही क्या बोलेंगे? पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलेंगे, बाद में ऐसे करेंगे खत्म कि चलिए फटाफट करते हैं अभी रिंग आती है तो रिंग का जो मोमेंट हमारे बुक्स में डायरेक्ट याद करने के लिए बोला है यमार ओके कैनेडिक एनर्जी का फार्मूला एम स्क्वायर है ठीक है ना ओके चलिए डिक्स रहा तो डिक्स का सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते बेटा मास पर यूनिट एरिया क्या है इसका फोर सॉरी टू पा यहां पे पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था है ना सर्कल है ना तो तो पाई आर स्क्वायर ओके okay? सिग्मा का फार्मूला है और छोटी एलिमेंट का कैसे निकालोगे वैसे ही है ना तो dm डिवाइड बाय इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई थिकनेस होगा है ना तो 2 पाई आर r dr ऐसा होगा बेटा सिग्मा तो dm क्या मिलेगा यहाँ पे 2 पाई आर r dr सिग्मा बस अभी क्या करोगे इंटीग्रेशन में डालोगे आय निकालना है तो है ना dm मास डिस्टेंस का स्क्वायर बस इसी का इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये सिग्मा को बाहर निकालता हूं क्या बेटा मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे भी टू पाई बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर समझ में आ रहा है बेटा ये पाई पाई गेड भी कैंसल तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना हाँ यहाँ पे हमारे पास टू एम अपॉन r, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा आर क्यूब आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान से देखना पार स्क्वेयर था ये भी पायर स्क्वेयर ये भी पायर स्क्वेयर तो सिंपल सी बात है बेटा सिंपल क्या करोगे अभी बताओ ये टू टू जा तो यम आर स्क्वेयर बाय टू रहा है देखो यम एज इट इज

आई निकालना है तो मास मास क्या बेटा इसका मास डीएम लेना है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर एस सीडी बेटा तो सीडी अंतर ही सीडी इनटू डीएम सीडी स्क्वायर इनटू डीएम अंतर का स्क्वायर सीडी स्क्वायर इनटू डीएम आई और क्या बेटा तो यहां से अंतर मास का ओ सी स्क्वायर ओडी स्क्वायर इनटू डीएम खत्म बस पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके आईओ इज इक्वल टू आपको आईसी प्लस एम एच स्क्वायर मिलता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि मतलब एकदम जंप ही नहीं मारेंगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं देखो आईसी होता है ठीक है, है ये आईओ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है मैंने ओडी स्क्वायर डीएन स्क्वायर लेकिन ओडी कौन है क्या है पता होना चाहिए डीएन इसका मतलब लिखा है यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा देख लो क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं ठीक है बेटा ओके okay, दिखाई दे रहा है ना हाँ, हाँ, चलिए बढ़ते आगे सेम टू सेम बेटा अभी यहां पे भी इसका जो थ्योरम है बस इसका थ्योरम में हम लोगों को प्रूफ क्या देना था आईओ इज इक्वल टू आईसी इसका स्टेटमेंट कैसे पढ़ना है एज द मोमेंट ऑफ इनर शॉफी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज इक्वल टू को आईसी कौन है बेटा Moment of मुझे वो कैसे बताता हूँ पहले अलॉन्ग दोमेंट ऑफ इनर्शन ये इस छोटे से मास का अंतर कितना है सिंपल फॉर्मूला क्या है बेटा? समझ में आ रहा है ना आपको बाद में जेड़ एक्सिस को बेटा झेड ही एक्सिस होता है दिख रहा नहीं है क्योंकि ये एक्सिस ऐसा पास किया है, ऐसे बस इक्वेशन वन और टू को एड कर रहा हूं मैं करो सर Ix plus Iy. और इंटीग्रेशन में ये जगह दोनों को ऐड किया किया लेकिन देखा गया कि भैया ये है। ये y है और ये है सरम, y z तो हो गया नहीं? क्या नहीं भाई समझे क्या इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्टूडीएम को हमने आई जेड बोला है हो गया क्या अगर ये चीज समझ में आए तो थम होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए देख रहा हूं भाई ठीक है लाइक और थम होने चाहिए दोनों भी चीजें होने चाहिए ठीक है सर बहुत फास्ट हो रहा है रिवीजन नहीं हो रहा है ठीक है आराम से करता हूं आराम से करता हूं मुझे लगा कि आराम से करता हूं और दूसरी बात अभी थ्री हंड्रेड नाइनटीन के है क्या इसको भी कंप्लीट करोगे बोलना पड़ता है भाई ट्वेंटी के है ना थ्री कौन करेगा आपकी जिम्मेदारी है हम लोग तो हमारा काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी है करवा के देना ठीक है ना भाई आपकी जिम्मेदारी है कौन कौन करके देते देखते थोड़े से बाकी है थोड़े से बाकी है देख रहा हूं भाई वन के भी कंप्लीट करना है लाइक को भी ठीक है चलो आगे बढ़ते कितने इजी लैंग्वेज में बता दिया बताओ बता दिया ना ओनली एक्स एक्सिस ऐड करना है अभी हमको टॉर्क निकालना है बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा टॉर्क क्या होता है देख भाई टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तेरे को फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या बेटा आर इनटू अल्फा क्या तेरे को आ रहा है ये आ रहा है क्या भाई कोई टेंशन ओके ए इज इक्वल टू आर अल्फा चलो तो यहां पे मैं लिख रहा हूं यम ए की वैल्यू आर अल्फा लिखा यहां पे भी देखो फोर्स की वैल्यू यम

शॉर्टकट में ये डायग्राम है और ये टॉर्क का एक्सप्रेशन देना है ओके okay, लाइक like तो बनता है भाई। <laughs> आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तो बहुत इजी है ध्यान देना है बस थोड़ा सा ध्यान देना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर हमारे पास यल इज इक्वल टू क्या बेटा आर क्रॉस पी डेरिवेटिव okay, बना देखो डी एल d/dt r cross p तो r को कांस्टेंट p का डेरिवेटिव p कांस्टेंट r का डेरिवेटिव लेकिन dp/dt कौन है बेटा कौन है फोर्स है फोर्स है ना फोर्स और dr/dt v a करेक्ट है ना देखो फिर इसी को मैंने क्या रखा है सिंपल सी r इसको यब बोला है लेकिन ध्यान रखना इटसेल्फ खुद का खुद के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता आंसर जीरो होता इसलिए बेटा ये पूरा जीरो होने वाला है ये तो बचा है आर देखो ये आर क्रॉस एफ बचा है लेकिन आर क्रॉस एफ किसको कहते हैं किसको कहते हैं टॉर्क को कहते बेटा टॉर्क ठीक है टॉर्क को कहते तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग दिखाई देंगे यहां पे डीएल बाय डीटी लेकिन मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है क्या रे डीएल तो कॉन्स्टेंट है ना यल कॉन्स्टेंट क्यों है सर वेक्टर जितने भी है है तो टॉर्क जीरो बच्चों थैंक यू वन के कम्प्लीट करने के लिए लाइक like, अभी थ्री ये भी कंप्लीट कर दो ना यार उसमें क्या है दिक्कत क्या है थ्री ट्वेंटी के फॉलोअर करने भाई क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या आ? प्रॉब्लम है भाई प्रॉब्लम है कहीं चलिए ओके हाँ, आप रोलिंग रोटेट होते समय ध्यान रखना कोई भी चीज आगे जा रही है तो इसका जो सेंटर है वो ट्रांसलेशन मोशन करा सेंटर ट्रांसलेशन मोशन करा भाई सेंटर ठीक है सेंटर कर रहा तो सेंटर के ट्रांसलेशन मोशन की जो फार्मूला है हाफ एम स्क्वायर बैठा और ये बाकी के गोल घूमने वाले समझो ए वाली चीज बी पे आएगी बी ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा आएगा उसको रोटेटिंग बोलते हैं, हाफ आई ओमेगा समझ आ रहा है? इसका मोमेंट ऑफ इज इक्वल टू आर ओमेगा तो omega is equal to v by R. सही बेटा तो हाफ एम स्क्र वन बाय टू देखो आई की वैल्यू और इसकी वैल्यू e. तो यहां पे हमारे पास हाफ एम कॉमन निकाला तो यहाँ पे वन है बचा क्या के स्क्र बाय स्क्र खत्म किस्सा कानेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन है ये रोलिंग मोशन है बेटा सिंपल है सिंपल है अरे भावड़ा नो अरे भावड़ा नो समझते कर बाबा चलो सामने आगे बढ़ते हैं यहां पे देखो कोई इंक्लाइन प्लेन पे रोटेट कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं मैं रोटेट जब करेंगे तब कन्वर्जन होने जा रहा है किसमें से किसमें हो रहा है

और ये नीचे देखो ये वी स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ इसको नीचे लाया मैंने वन प्लस अपॉन आर v स्क्वायर गया तो ये रूट में आ रहा बेटा देखो रूट में आ रहा है इसका खत्म किस्सा सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगा ज्यादा लेंथी नहीं है ठीक है आगे बढ़ते बेटा जो ऑनेस्टली कर रहे हैं उनको समझ में आएगा बेटा हाँ ऑनेस्ट नहीं करोगे तो पछताओगे कैनमेटिकल इक्वेशंस पता है टू एस वीस्यूर माइनस लिखा होगा आपने इसके पहले टू एस तो की वैल्यू क्या बेटा है? है, है तो यह साइन थीटा होगा ये साइन थी है, है, है. ठीक है ना तो यस की वैल्यू डालनी है मुझे तो ये साइन थीटा डाला मैंने समझे ना

यहां पे टू यहां पे जी है बेटा ये साइन इधर क्या जा रहा है और ये जो है ऑलरेडी डिवाइड है स्क्वेयर बाय आर स्क्र खत्म किस्सा एक्सरिशन सर सेकंड चैप्टर लेंगे हमारे सर भी आएंगे अभी ये थोड़ा सा देख लेना डायमीटर रहा तो रिंग का क्या होता है क्या नहीं है सर अगला चैप्टर उड़ाएंगे सर ज्यादा नहीं लेना मतलब बिल्कुल उनको लगना चाहिए कि रिविजन हो रहा है बोल के yes, एकदम बढ़िया तरीके से रिविजन बस जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट चीजें उसके ऊपर फोकस करना है कुछ करना नहीं है बाकी ये मार्कर आपका आपको के देता हूं फोन मुकेश सर चैनल पे भी भाई सब्सक्राइब करो यार मुकेश सर जो चैनल है अपना मुकेश सर मुकेश सर चैनल है ना मुकेश सर चैनल है नहीं तो यही चैनल के नीचे जाओगे तो आपको चैनल मिलेगा इस पर भी सब्सक्राइब करो भाई क्योंकि इसमें भी मेहनत लिए जा रही है छोटे छोटे क्वेश्चन डाल रहे हैं हम लोग

<laughs> चलिए ध्यान दीजिए अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स ये कंटिन्यू करेंगे आदित्य

डायनेमिक्स में वो फ्लू मोशन में आ जाएंगे तो देखो सबसे पहले प्रेशर मतलब क्या होता है देखो प्रेशर मतलब क्या होता है प्रेशर प्रेशर मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इसका आपको टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि फोर्स डिवाइडेड प्रेशर डिफाइन करो उसका यूनिट लिखो और उसका डायमेंशन लिखो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया देन प्रेशर का यूनिट आप लोगों को पता है प्रेशर का यूनिट आप लोगों को पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है और उसके डायमेंशन भी पता है हमें वही न्यूटन पर मीटर स्क्वेर को हम लोग क्या कहते हैं पास्कल कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को यस yes. हाँ. उसके डायमेंशन 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 क्या होते हैं डायमेंशन होते हैं एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू जैसे कि हमें फोर्स के भी पता है डायमेंशन और एरिया के भी पता है चलो ये हुआ प्रेशर का टर्म देन <coughs> ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम वाला अगर कोई लिक्विड कॉलम रखा गया है तो उस लिक्विड कॉलम के वजह से बॉटम पर कितना प्रेशर आएगा यह हमें निकालना होता है तो इसमें आपको डेरिवेशन में सिंपली कुछ नहीं करना होता है यूज करते हो आप लोग जो अभी हमने फॉर्मूला देखा देन एफ मतलब फोर्स किस वजह से लग रहा है लिक्विड के वेट के वजह से जो कि होता है एम जी और इस चैप्टर में याद रखना एम जो है मास उसके डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है इस चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट सभी जगह पर मास इज टू डेंसिटी वॉल्यूम यूज करेंगे क्योंकि मास नहीं दिया जाता है लिक्विड का तो यहाँ पे वही यूज किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो डेंसिटी तो रो है यहां पर F इक्वल टू क्या डेंसिटी तो रो है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू एच और इंटू जी तो इसको ये P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये पुट कर दीजिएगा रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए ये फॉर्मूले वाला एरिया से एरिया कैंसल आपको पी का फॉर्मूला मिलता है रो एच जी जो कि होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये फॉर्मूला बहुत जगह पर यूज होगा आपको न्यूमेरिकल्स में भी चलो देन आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर प्रेशर एक टर्म आता है है मतलब कुछ नहीं होता प्रेशर जो कि एटमोस्फीयर में गैसेस लगाते हैं मोस्ट अबली हमें एयर होता है तो इसलिए हम लोग एयर के वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग एटमोस्पिर प्रेशर कह देते हैं ठीक है देन एप्सुलूट प्रेशर और गेज प्रेशर एप्सिल्यूट प्रेशर मतलब कुछ नहीं एप्सिल्यूट प्रेशर मतलब एक्चुअल प्रेशर एट दैट पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअल कितना प्रेशर लग रहा है उसे हम लोग एप्सिल्यूट प्रेशर कहते हैं देन नेक्स्ट आता है गेज प्रेशर गेज प्रेशर ये डिफरेंस होता है कोई भी एक पॉइंट पर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं देन आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है

कितना प्रेशर होता है प्रेशर होता है रो एच जी यहाँ पर ना रो चेंज हो रहा है ना जी चेंज हो रहा है ना एच चेंज हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर भी सेम रहेगा ये पॉइंट ए बी सी और डी सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा अगर हाइट सेम है लिक्विड लिक्विड का और लिक्विड सेम है ये है है था पैराडॉक्स वाला देन आता पास्कल्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशंस पर भी कभी टू टू मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है इफ प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड अगर कोई भी एक कंटेनर है जो कि एनक्लोज्ड है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसमें आप अगर प्रेशर अप्लाई करो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक पॉइंट पर ठीक है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक पॉइंट पर देन पास्कल्स लॉ आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पास्कल्स लॉ का फार्मूला कैसे याद रखना है

मैंने अभी बताया पास्कल्स लॉ के दो एप्लीकेशन होते हैं एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब जैक वाला सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा और हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी पता होगा आप लोगों को तो दोनों जगह पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन यूज किया जाता है Then. अभी आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर बैरोमीटर क्या करता है पता है क्या एटमोस्फिरिक प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपली मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज किया जाता है ठीक है ध्यान दीजिए कहीं पर भी आपको डाउट आ जाए तो तुरंत पूछ लीजिएगा चलिए ओके देन आगे बढ़ते हुए मर्क्यूरी बैरोमीटर बोल रहा था बैरोमीटर कहा यूज होता है जहां हमें एटमोस्पिर प्रेशर यूज करना होता है टोरिसले ने यह डिवाइस इन्वेंट किया था कुछ नहीं मर्क्यूरी भरा हुआ था तो उसने सिंपली हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था जिसमें सेम लेवल पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसने एटमोस्फिर प्रेशर फाइंड किया था ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ देन दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर या उसे आप ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हो देखो ये यूट्यूब मैनोमीटर में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर ये एक साइड में ओपन होता है ये एंड क्या होता है ये एंड ओपन होता है ये एंड ओपन होता, 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 होता है देन इधर क्या है ना बी और सी पॉइंट सेम लेवल पर होते हैं तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट बीज इक्वल मुझे पॉइंट पर प्रेशर प्रेशर निकालने बोलता है है वो अभी इधर इधर वैक्यूम होता है, तो से निकालना बहुत डिफिकल्ट होते जाता है तो प्रेशर एट सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग तो देखो प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी सेम होता है तो प्रेशर एट बी कितना है वो देख लेते हैं पहले प्रेशर एट बी कोई भी पॉइंट पर आपको अगर प्रेशर फाइंड करना तो ये डेरिवेशन आए या कोई भी क्वेश्चन आए तो जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर देखिए जितना भी ऊपर चीज दिख रही है उसका प्रेशर लगेगा बी पॉइंट पर आप आ चुके हो बी पॉइंट पर आए उसके ऊपर आपको लिक्विड दिख रहा है और ये ओपन है ओपन है मतलब एटमोस्फिर प्रेशर लगेगा और ये लिक्विड का प्रेशर तो सबसे पहले एटमोस्फिर प्रेशर पी नॉट प्लस वो ओपन है ये लिक्विड का प्रेशर रो एचजी होता है तो इसका डेंसिटी रो इसका हाइट एच और ये जी ये हुआ आपका प्रेशर एट आप बी और यही होगा आपका प्रेशर एट आप सी क्योंकि सेम लेवल पर लिक्विड अगर सेम हो तो प्रेशर भी सेम होता है ठीक है ये हुआ आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर देन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में क्या देखना है हमें देखिए मॉलिक्यूलर थ्योरी इसमें कुछ बेसिक बेसिक से डेफिनेशन है जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अंदर अंदर मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं उसमें आता है अगर सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उसे हम लोग कोहेजिव फोर्स कहते हैं और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उसे हम लोग एडेजिव फोर्स कहते हैं देन रेंज क्या होता है हर एक मॉलिक्यूल का उसका फोर्स का एक रेंज होता है पर्टिकुलर उसे हम लोग रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं ऑफ अच्छा एक इमेजिनरी स्पीयर होता है लो ये मॉलिक्यूल को, को सभी डिरेक्शन के अट्रैक्ट करेगा और ये जब मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक स्पीय ड्रा कर दू तो इसे आप लोग कहोगे स्पियर ऑफ इन्फ्लुएंस ठीक है देन सरफेस फिल्म है यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो ये डायग्राम है मॉलिकुलर थ्योरी

Then. इसके बाद हमारे पास आता है सरफेस टेंशन देखो सरफेस टेंशन मतलब कुछ नहीं होता है ये कोई भी सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ कितने लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन और वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ठीक है फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका यूनिट निकालने आपको बोलता है इसका यूनिट न्यूटन फोर्स का और लेंथ का यूनिट मीटर तो पर मीटर इसके इंपॉर्टेंट चीज है, है।, मतलब है? मतलब, है लेकिन कौन सा लेंथ होता है एल मतलब वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एल मतलब ऐसा लेंथ होता है जो लिक्विड के कांटेक्ट में है पिन वगैरह वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं पिन अगर एक लिक्विड में ऊपर फ्लोट कर रही है तो पिन का मुझे एक सरफेस दिख रहा है और आपको एक सरफेस दिख रहा है ऐसे दो सरफेस में है। तो यहां पर लेंथ को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वो कब किया जाता है जब दो सर्फेसेस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसके ठीक है तो इसका डायमेंशन भी पता है हमें इसके डायमेंशन होते हैं m1 वन टी माइनस टू एम वन चलो देखो यहाँ पर दिया होगा एल जीरो भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ये न्यूमेरिकल है देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा था आपको वही फॉर्मूले पर ये सरफेस टेंशन के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है याद रखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में दे देता है या अगर फाइंड करना हो तो फोर्स दे देगा तो ये जस्ट आपको समझने के लिए थे आपको याद रखना है तो बस वाटर का वैल्यू आप याद रखिए इसमें से बाकी कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है देन आता है चीज सरफेस एनर्जी अच्छा जो लिक्विड का सरफेस होता है ना एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करता है तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेव करता है तो उस टाइम पर उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना अगर यहाँ पर एक ब्लैंकेट ले रहा हूँ चादर पतली सी चादर उसको आपको खींच कर पकड़ना है खींच कर पकड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी हाँ तो वैसे ही सरफेस पर सरफेस पर टेंशन होता है उसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी देन इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का कैसे निकाला जाता है बहुत ईजी है देखो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली जाती है ये 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 क्या क्या है 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 ना ये एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम फ्रेम ली जाती है। ये में वाला वाला जो Q और ये वाला जो और मूवेबल है।, है? है तो यहाँ पे इसको एकदम आराम आराम से मूव किया जाता है कितने डिस्टेंस तक इसको मूव किया जाता है एक्स डिस्टेंस तक इसका लेंथ जो है इसका लेंथ एल होता है देन इसको बस फ्रेम को नाम दे दिया गया है अभी हमें सरफेस सरफेस एनर्जी और टेंशन चाहिए होता है ठीक तो है? अच्छा, है।, है चलेगा तो वो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं यहां पर वर्क डन कितना करना पड़ा है मुझे यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना डीएक्स होता है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाता है तो एल के जगह लिख देते हैं हम तो एफ हाँ तो पता चल गया आपको क्या होता है देन वो अगर मैं डी डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या बता रहा था मैं आपको अभी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिसमेंट तो यहाँ पर छोटा सा वर्क डन होगा जिसमें फोर्स एफ लगेगा इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स रहेगा तो और वो एफ और एफ डैस सेम होते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है डी डब्लू एफ का फॉर्मूला अभी देखा हमने टी इंटू टूवेल्व पुट कर दिया वो टूवेल्व इंटू डीएक्स जो है ना टूवेल्व इंटू डीएक्स टूवेल्व इंटू डीएक्स क्या देता है आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये डीएक्स ठीक है ये डीएक्स ये dx और यहां पर ये यह एल और ये एल आपको एरिया देगा एरिया जिसे आप लोग डी कहते हो तो यहां पर आपको मिल जाएगा सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सरफेस टेंशन को ऐसे भी लिख सकते हो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऐसे भी आप सरफेस टेंशन को लिख सकते हो ठीक है चलो समझ में आ रहा है मजा आ रहा है बस थम्सअप करो तो लाइक करो यार वीडियो को जल्दी से चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थम्सअप कर रहे हैं बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये हमारा रिलेशन हो गया देन नेक्स्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आप कहीं भी भी कोई भी लिक्विड अगर किसी ग्लास प्लेट पे डालो या किसी सॉलिड सरफेस पे डालो तो उसका शेप अलग अलग होता है शेप अलग अलग होता है मतलब कभी कोई लिक्विड ऐसे फैल जाता है उसके ऊपर या कभी कोई लिक्विड ऐसे ड्रॉप बना के बैठता है तो इस इसपे क्या जरूरी होता है क्या होता है इसमें सरफेस टेंशन का भी हाथ होता है बट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग इसमें मेजर करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब होता क्या है देखो सिंपल वर्ड्स में यहां पर अगर आपको यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड का शेप ऐसा है देखो ये आपका कैपिलरी ट्यूब था ये लिक्विड का शेप ऐसा है और इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है ठीक है देन यहां पर मैं क्या करता हूं ना यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो एंगल होता है ना इसे मैं थीटा कहता हूं और वही होता है मेरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यस यही एंगल मेरा क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है तो चलो ये था मेरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दो तरीके से होता है मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा या तो एक्यूट होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूस होगा

जो ग्लास और लिक्विड का कांटेक्ट होता है फिर वो कौन से शेप का हो सकता है कौन केव हो सकता है कौन वेक्स हो सकता है या प्लेन हो सकता है तो ये तीनों भी शेप्स पॉसिबल है ठीक है चलो देन आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखिए हाँ

एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को अफेक्ट कर सकता है nature of liquid and solid. अच्छा मैं अभी बता रहा था आपको अगर solid वही है, glass plate रखा है 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 आपने आपने और glass plate रखने के बाद आपने उसके ऊपर डाला है, water डाला है, तो अलग चीज होगा। डाल डाल रहे हो, honey मतलब डाल रहे हो हो मतलब क्या मध मध वो तो अलग चीज होता है मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सॉलिड लिक्विड के सरफेस पर भी डिपेंड करता है उसके इंटरफेस पर भी देन इम्प्यूरिटी पर डिपेंड करता है आप जो लिक्विड और सॉलिड में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेक कर रहे हो उसका इंप्यूरिटी कितना है उसमें देन टेम्परेचर ऑफ दी लिक्विड कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उस केस में सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होता है तो ये एक हुआ देन हमें देखना है इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी ऑन एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन अभी इंप्यूरिटीज का इफेक्ट देखने से पहले इंप्यूरिटी सोल्यूबल होती है स्पैरिंगली सोल्यूबल होती है और इनसोल्यूबल होती है अच्छा इसका मतलब क्या होता है सोल्यूबल मतलब पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब थोड़ा डिजोल्व होगा थोड़ा डिजोल्व नहीं होगा और इनसोल्यूबल मतलब कुछ भी डिजोल्व नहीं होगा तो अगर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है तो सरफेस टेंशन जो है ना वॉटर का वो इंक्रीज होता है ठीक है स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर है स्पैरिंगली सोल्यूबल का एग्जाम्पल डिटर्जेंट पाउडर

द सरफेस टेंशन इन केस ऑफ मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम द सर्फेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर देन सरफेस टेंशन जो है ना एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सरफेस टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाए उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेंपरेचर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है पर सरफेस टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाता है क्योंकि हम लोग कहते हैं ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सरफेस टेंशन कम कम होता है तो एक पॉइंट पे आके जीरो भी तो हो जाएगा ना मेरे भाई यस yes. देन चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग प्लेन सर्फेस ये शेप तो आपको पता है कि शेप कब बनता है वो मैंने बता दिया अच्छा अभी ध्यान दीजिएगा अभी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स ड्रॉप बबल पर आपको भर भर के क्वेश्चन आते हैं न्यूमरिकल्स आ सकते हैं न्यूमरिकल्स आ सकते हैं डेरिवेशन आ सकते हैं कुछ भी आ सकता है अच्छा देखो इसमें करना क्या होता है आपको फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स में पहले ड्रॉप और बबल का डिफरेंस समझ लो ड्रॉप मतलब पानी का ड्रॉप अंदर से पूरा भरा हुआ होता है बाहर से उस पर एटमोस्पिर प्रेशर लग रहा होता है और बबल बबल में क्या होता है अंदर से एयर होता है बाहर से भी एयर का प्रेशर लग रहा होता है इसलिए वो दोनों भी सर्व दोनों भी सर्फेस उसके एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो होता क्या है इसका डेरिवेशन करने के पहले हम लोग करते क्या है पहले हम लोग रेडियस आर मान लेते हैं अच्छा इसके अंदर प्रेशर होता है पी अच्छा जब भी भी आपका कर्व शेप बनता है कोई लिक्विड का ड्रॉप हो बबल या और कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है लिक्विड से तो जहां सरफेस होता है वो तो कर्व वाले सरफेस के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बाहर वाले सरफेस पर प्रेशर कम होता है यहाँ पर कर्व ऐसे बन रहा है इसलिए मैं बोल सकता हूँ पी इन इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड मतलब इसे ही आप लोग कहते हो जो कि इन में प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड तो इसे ही आप लोग कहते हो एक्सिस प्रेशर इसे ही आप लोग कहते हो एक्सिस प्रेशर ठीक है तो ये एक्सिस प्रेशर ही आप लोगों को फाइंड करना होता है एक्सिस प्रेशर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग एरिया फाइंड कर लेते हो एरिया क्या होता है फोर पाए स्क्वेयर ये ए वन ले, ले लेते हो आप लोग फोर पाएर स्क्वेयर बाद में क्या होता है वो जो ड्रॉप है उसको मैं ब्लो करता हूं मतलब पहले रेडियस आर था तो बाद में डेल्टा आर से उसका रेडियस बढ़ा देता हूँ डेल्टा आर बहुत कम होता है ये याद रखना डेल्टा आर इन कंपेरिजन टू आर कम होता है ठीक है चलेगा सर देन यहां पर देखो ए टू क्या लेता हूं मैं ए टू में लेता हूं फोर पाए फोर पाए आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वेयर क्योंकि बाद में क्या हो चुका है फोर स्क्वायर कैसे आया सरफेस एरिया होता है ठीक है चलो देन यहां पर इसको एक्सपांड कर लीजिए ए प्लस बी ब्रैकेट इसको एक्सपांड करने के बाद आपको यह मिलेगा ये वाली टर्म मैं निगलेक्ट कर देता हूं क्यों निगलेक्ट कर देता हूं इसका रीजन मैंने आपको इधर ऊपर बताया था कि डेल्टा आर का वैल्यू कम होता है अगर डेल्टा आर कम है मतलब वन से कम है मतलब जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट फोर ऐसे है तो उसका स्क्वेयर करोगे ना तो वैल्यू और कम होता है इसलिए हम लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं चलो देन डीए फाइन करना होता है आपको डीए क्यू फाइन करना होता है देन डी डब्ल्यू का और एक फॉमुला होता है मेरे पास वर्क डन का डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसमेंट फोर्स इंटू डिसमेंट एफ इंटू डेल्टा आर हो जाता है ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं देन उसको इक्वेट कर दो तो आपको याद रखना पी आई माइनस पीओ जिसे आप लोग कहते हो डेल्टा पी एक्सिस प्रेशर उस एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है टू टी डिड बाई आर ठीक है उसका फॉर्मूला आ जाता है टू टी डिड बाय आर ठीक है ये ड्रॉप के लिए हुआ बबल के लिए कहाँ चेंज होगा पता है क्या बबल के लिए यहां पर चेंज हो जाएगा बबल को आपको इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो एट पायर डेल्टा आर आया है ना बबल में सिर्फ यहाँ पर कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है क्यों करना है उसको मल्टीप्लाई पता है आपको क्योंकि बबल में मैंने अभी बताया आपको दो सर्फेसेस में होते सर्फेसिस और इन साइड सर्फेस भी एक्शन कैपिलरी एक्शन कैपिलरी ट्यूब पता है आप लोगों को ब्लड टेस्ट वगैरह करते होते तो एक नीडल लगाया दबाया जाता है उसमें एक एक ट्यूब होता है कांच का वो रख दिया जाता है उसमें तुरंत से ब्लड राइस कर जाता है बस उसी को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं कैपिलरी एक्शन मतलब क्या जब भी कैपिलरी ट्यूब आप कोई लिक्विड में डाल दो तो उसमें लिक्विड राइज होने के लिए स्टार्ट हो जाता है इसीलिए आपको राइस आपको क्यों होता है, की होता है ये आपको पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट चीज है, ये, की होता है, की होता है। Then, आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर इसके डेरिवेशन जो कि किया जाता है यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस और एक किया जाता है यूजिंग फोर्सेस आपको अगर एग्जाम में फाइंड करने मतलब दिया है कि डेरिवेशन डिराइव करना है आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए

ये छोटा सा ये आपको आर का रिलेशन बता देता हूं यहां पर मैं चलो देखो ध्यान दो देखो ये ऐसा बन जाता है ये शेप ये मैंने थोड़ा ज्यादा कर्व बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है देन ये जो होता है ना ये रेडियस कैपिलरी ट्यूब का होता है और ये सॉरी यहाँ पर ये जो रेडियस होता है ना ये कैपिटल आर ये मेनिस्कस का होता है और ये स्मॉल आर होता है अच्छा ये एंगल कितना तो वो पुट करने के बाद हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला मिलता है एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर रोजी इस फॉर्मुले में कैपिटल आर क्यों नहीं आता है क्योंकि आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दे दिया जाता है इसीलिए उसमें स्मॉल लेते जाते है देन नेक्स्ट उसी का यूजिंग फोर्सेस फोर्सेस यूज करके कैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इस पॉइंट पर ये यह यहां पर ऐसे एक फोर्स लग रहा होता है देखो ये यह यहां पर आपको ये सरफेस ऊपर जा रहा है ना इसका मतलब ऐसे ऊपर की तरफ कोई तो खींच रहा है टेंजेंशियली उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स एफ टी और

प्रेशर मिलेगा उसके बाद राइस फाइन करोगे आप तो वो वही रहेगा h 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r रो g ठीक है चलो कोई डाउट नहीं है किसी को वीडियो का ड्यूरेशन कोई नहीं है जब तक आप लोग बने हो पूरे चैप्टर्स खत्म ना हो तब तक हम भी बने हैं यहां पर आपके साथ ठीक है चलो ये राइज़ या फॉल हुआ इस पे क्वेश्चन आता है याद रखना ठीक है देन अभी हमारा ये स्टैटिक्स वाला पार्ट हुआ अभी डायनामिक्स वाले पार्ट में हमारे फ्लूड्स मोशन में आ जाएंगे ठीक है जस्ट एक मिनट का ब्रेक लेते हैं चलो ध्यान दीजिए अभी यहां पर

अगला वाला पार्टिकल पिछला वाला पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल की पात अगर फॉलो करे और ऐसे स्ट्रेट लाइन में चले तो उसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं देन लैमिनार फ्लो होता होता है होता है टर्बुलेंट फ्लो फ्लो लैमिनार मतलब एकदम स्मूथ फ्लो उसे आप टर्बुलेंट स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कह सकते हो टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या वो वेरी हाई फ्लो रेट होता है फ्लो रेट हाई मतलब पानी का वेलोसिटी भी फिक्स नहीं होता है कॉन्स्टेंट नहीं होता है कोई भी पॉइंट पर कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा होता है

ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे Next, आपको है ये वाला फॉर्मूला है, है, है? है जितना लिक्विड का एरिया ज्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा देन एफ और एक चीज पर प्रोपोर्शनल होता है डीवी बाई डीएक्स पर dv बाई पर प्रोपोर्शनल होता है मतलब DV by dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब ऐसा चीज

देखो ऑफ विस्कोसिटी कैन बी विस्कस फोर्स पर पर यूनिट यूनिट एरिया वेलोसिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा अच्छा और टेम्परेचर चेंज होता है तो कोई ऑफ विस्कोसिटी भी चेंज होने लगता है देन आता है स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है पता है क्या Stokes... <coughs>

भी मतलब क्या जिस वेलोसिटी से वो स्पीयर उस लिक्विड में जा रहा है चलो देन ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा R और V पर होता है तो ये डायरेक्टली लिख देते हैं एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इटा R V और यहां पर एक कांस्टेंट दे दिया जाता है प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम लोग सिक्स पाई कहते हैं बस ये इतना ही है टू मार्क्स के लिए आ सकता है लिखने के लिए तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है देन एक चीज होता है टर्मिनल वेलॉसिटी टर्मिनल वेलॉसिटी मतलब क्या होता है पता है क्या टर्मिनल वेलॉसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी अगर एक कंटेनर है बहुत बड़ा सा उसमें आप कोई एक स्पियर डाल दो स्पियर डालने के बाद स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी तो वह वेलोसिटी हमें निकालनी होती है तो उस स्पियर जो है हमने डाला है उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं पहले तो इस स्पीयर का डेंसिटी हम लोग रो मानते हैं और जो लिक्विड है लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा मानते हैं इस पर सबसे पहले तो उसका वेट एक्ट कर रहा है एम जी देन ऊपर के डायरेक्शन में एक एफवी विस्कस फोर्स होता है विस्कस फोर्स के साथ-साथ एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स भी कहते हैं बॉयंट फोर्स कब आता है पता है क्या जब कोई भी अगर एक सॉलिड है वो वॉल्यूम उसका कुछ ना कुछ लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर दे तब बॉयंड फोर्स आता है तो इसी के साथ एक एफयू भी होता है अपथ्रस्ट फोर्स तो बस अपथ्र यह एम जीवल टू ये प्लस ये इक्वेशन तो ये आप जब एड यहां से आ जाएगा आपको पता होना चाहिए एम जी के जगह पर हम लोग एम के जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेते हैं तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम फोर बाय थ्री पायर क्यूब इंटू जी देन एफ पी का तो फॉर्मूला जस्ट अभी देखा है एफ जी कैसे एफ यू मैं बॉय फोर्स कह रहा था वो कैसे लिखा जाता है

इसका मतलब बेसिक क्या है सर डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसका इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं एक पाइप कंसिडर कर लीजिएगा एक पाइप कंसिडर करने पर एक पर्टिकुलर टाइम में जितना मास एंटर करेगा लिक्विड का जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास करेगा उतने पर्टिकुलर टाइम में ये दोनों चीजें अगर आप इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा ए वन बी वन टू ए टू बी टू चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद आता है बर्नॉलीज इक्वेशन इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन के डायग्राम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो देखो डायग्राम बना के देता हूं मैं आपको पहले देखिए डायग्राम में कुछ नहीं है बर्नॉलीज इक्वेशन के ऐसे एक पाइप ड्रॉ करना है आपको पाइप ड्रॉ करने के बाद ये पाइप के दो सेक्शन कंसिडर करने हैं यहां पर ये एक सेक्शन जिसका एरिया ए वन होगा ये एक सेक्शन जिसका एरिया ए टू होगा इसका डिस्टेंस d1 इसका डिस्टेंस d2 और ये अगर मैं डेटम ले रहा हूं तो यहां से इसका हाइट हम लोग h1 लेंगे और इस चीज का हाइट हम लोग h2 लेंगे यहां से ठीक है देन इसमें क्या किया जाता है बर्नौलीस इक्वेशन मतलब कुछ नहीं होता है सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन जैसा ही यूज करते हैं आपको याद रखने के लिए बताता हूं मैं अभी बर्नौलीस इक्वेशन में आप पहले क्या करते हो वर्क डन फाइंड कर लेते हो वर्क डन कितना लगेगा आपको ये लिक्विड को यहां से या ऊपर भेजने में देन काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये तीन चीजें आप लोग फाइंड कर लेते हो ये तीन चीजें फाइंड करने के बाद फाइनल आपको एक इक्वेशन मिलता है उसे आप लोग कहते हो इक्वेशन बर्नर इक्वेशन देखो वर्क डन कितना लगेगा जितना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है उतना ही लगेगा उतना ही लगेगा वर्क डन तो बस उसे हम लोग इक्वेट कर देते हैं एड कर देते हैं वर्क डन का अभी हमने देखा क्या आया फॉर्मूला वर्क डन का पी वन माइनस पी टू इंटू डी क्या आता है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी एम हम लोग पुट नहीं करते डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखते हैं वॉल्यूम यहां पर होता है एरिया इंटू डिस्टेंस तो बस वही चीज कर ली यहां पर देन आपको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है एम जी एच होता है वापस यहाँ पर वही चीज है देखो एम जी एच है ना M को वॉल्यूम तो की जगह पे हम लोग अभी वी ही रख सकते हैं तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा सॉल्व डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया अभी हमें डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया तो फिर क्या किया जाता है उसको वो डन वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया जाता है और डन निकाल लिया जाता है ये इक्वेशन आता क्या है इसमें टर्म्स कौन से कौन से होते हैं प्रेशर हेड ये रो वन मतलब ये होता है ये P1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी हेड होता है इसमें कैसे याद रख सकते हैं प्रेशर हेड काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हाफ एमबी होता है m के जगर, बस बोल याद रखने के लिए रो आएगा पोटेंशियल एनर्जी में भी एमजीएच होता है एम के जगह इधर भी रो लिया था तो यहाँ पर भी रो ले लीजिए आपको पूरा बर्नॉलीज इक्वेशन याद रहेगा ठीक है चलिए ये हुआ बर्नॉलीज इक्वेशन देन बर्नॉलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है बर्नॉलिस इक्वेशन के एप्लीकेशन में क्या क्या होता है पहला एप्लीकेशन आता है बर्नॉलिस इक्वेशन में स्पीड ऑफ इफ्लक्स स्पीड ऑफ इफ्लक्स इफ्लक्स मतलब क्या अगर कोई एक कंटेनर भर दो और उस कंटेनर को होल कर दो उस होल में से पानी बाहर आएगा वो लिक्विड बाहर आएगा तो वो कितने वेलोसिटी से बाहर आएगा तो देखो यहां पर बर्नॉलिज इक्वेशन ही है कितना था H1 और जहां से हाइट मेजर कर रहे वहीं पर होल कर दिया गया है तो H2 टू यहां से जीरो हो जाएगा तो बस बर्नोलिज इक्वेशन जैसे यूज किया है यहां पर बस सेकेंड वाले इसमें हाइट जीरो करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आया है देन कहाँ कहा यूज कर सकते हैं जहां पर जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड अगर एग्जिट करेगा तो वहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं तो equation of continuity यूज किया है यहाँ पर Then, आपको निकालना क्या था आपको निकालना था वेलोसिटी वीटू वी टू इसे ही कहते हैं इफ्लक्स इफ्लक्स मतलब क्या कितने वेलोसिटी से वो एग्जिट करेगा ये याद रखिए अंडरू टू जी एच होता ही है ये कुछ नहीं सिंप्लीफिकेशन ही किया है देन वेंचुरी ट्यूब होता है वेंचुरी ट्यूब में क्या किया जाता है ऐसे एक ट्यूब बना दिया जाता है जिसका एरिया एरिया इधर इधर ज्यादा होता है 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 देन देन कम कर दिया जाता है area, देन भी कम कर कर दिया दिया जाता जाता भी पर प्रेशर मेजर करने के लिए दो ट्यूब्स लगाए जाते हैं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा मिलता है यहाँ पे कम मिलता है देखो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ भी एक चीज होता है जो कि बर्नालिस इक्वेशन में होता है प्रेशर और वेलोसिटी दोनों भी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पर देखिए पर पर वही चीज हो रहा है यहाँ पर क्या है प्रेशर है क्या प्रेशर ज़्यादा मतलब वेलोसिटी कम था और भी यूज किया गया अभी देखिए लास्ट के बस सुन लीजिए क्या क्या होता है लिफ्टिंग एन एरोप्लेन होता है आपको कभी भी हॉरीजोंटल नहीं दिखेंगे कर्व होते हैं क्यों क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वही वापस चीज आई है velocity, तो प्रेशर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी तो बढ़ाकर उसे लिफ्ट कर दिया जाता है Then, atomizer. Atomizer मतलब है देन एटमाइजर एटमाइजर मतलब आप बार, -बार के शॉप में जाते हो फुसफुस होता है पानी मारने वाला बस वही एटमाइजर होता है एटमाइजर में भी वही प्रिंसिपल यूज किया जाता है जब आप इसको प्रेशर अप्लाई करते हो यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है एयर बाहर निकलने की वजह से और वेलोसिटी बढ़ जाता है तो वो स्प्रे से पानी बाहर आ जाता है। यह का होता है। Then, क्या है ये देखो एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं बाहर वेलोसिटी ज्यादा होता है अंदर वेलोसिटी कम होता है जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा और जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम अंदर प्रेशर बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया, गया तो वो छत को ऊपर फेंकने का ट्राई करेगा इसीलिए वो छत बाहर निकल जाता है उखड़ जाता है वो तो ये था आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स का ठीक है अभी तक हमारे दो चैप्टर्स हो गए अभी देखिए मैं केटीजी लेकर तो है ना ओके चलिए तो मैं अभी केटीजी उड़ा मोह दूंगा ज्यादा नहीं पंद्रह-बीस मिनट में ज्यादा नहीं सर का नाश्ता होने वाला है तब तक <laughs> सर का नाश्ता होने वाला है तो सब तो नाश्ता करके जल्दी आना लेकिन यस सर डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज यू नो ऑलरेडी टाइम इज मनी चलिए तो फटाक से उड़ा देते दे बच्चों हम लोगों को अभी कैसे कैसे उड़ाना बता देता हूं मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो लॉ है खाली बस लॉ के बारे में बता के खत्म कर दूंगा ठीक है ना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं एक तो बॉइज लॉ है बच्चों पहले सिलेंडर का एग्जाम्पल ध्यान रखे सिलेंडर सिलेंडर में क्या होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं वैल्यूम कम करते हैं प्रेशर वैल्यूम कम करते हैं याद है बच्चों देखो ओके इज़ प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? का याद है दूद, दूद, प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट है प्रेशर लॉ ही बोलो को प्रेशर लॉ बोलना है। प्रेशर देखो प्रेशर कुकर याद है प्रेशर कुकर खिचड़ी खाते हो खिचड़ी किसके किसके घर पे खिचड़ी भाई मुझे बुला लो यार घर पे आज भूख लगी है पता है ना आपको बजे 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 से से हम लोग <laughs> रात के तक क्या मालूम लेकिन करेंगे काम करेंगे ठीक है भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है तब वो जो होता है कितने लीटर का पूछते हैं पता है आपको कितने लीटर का मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तीनों इसी से पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी देखो पी को और वी को टी प्रोपोर्शनल है इसीलिए पी वी इज इक्वल टू आर लिखा जाता R है आर इज कॉन्स्टेंट है यन नंबर्स ऑफ मोल चलिए ज्यादा नहीं यहाँ पे आगे भागेंगे भाई आगे भागेंगे हम लोग रुक जाए दिल दीवाने देखो इसके बाद में हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना इसके ऊपर एमसीक्यू ज्यादा आ रहा है आजकल ये फ्री पाथ का है ना वन बाय रूट पाई डी स्क्वायर है ना बाई वी देखो, वन टू पाई डी बाई वी। इसको भी दुआ में याद रखना हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही के वही आप लोगों को ज्यादा क्लियर करके देने की कोशिश करूंगा ध्यान देखना बच्चों ये जा रहा है इधर मतलब मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा बी इनिशियल जो होगा मास वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स लिखो और फाइनल जो मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स क्यू सर जाके टकरा के वापस आएगा भैया वॉल पे जाएगा गैस मॉलिक्यूल वापस आएगा चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल है एम वी एक्स और ये माइनस इनिशियल तो ये हुआ बेटा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या -2 एम वी एक्स आ गया खत्म के साथ अभी वेलोसिटी है और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस होता है बेटा यल। जाने का यल, आने का आने यल, ये यल वेलोसिटी समझ में आ रहा है तो मुझे फोर्स फोर्स निकालना है फोर्स होता है होता क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिटी रहा है प्रेशर क्या है फोर्स पर यूनिटी रहा है फटाक से बोलो भाई बोलो 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 फोर्स क्या होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टी तो इज इक्वल टू ध्यान देते हैं टू एम वी एक्स फॉर्म में लिखना है मैग्नेट्यूड माइनस से अब बोलेंगे माइनस कहाँ गया और t क्या बेटा टू एल बाई वी एक्स का स्क्वायर टू टू गेट वी कैंसल तो मेरे पास इसका फार्मूला मिल रहा है एम वी एक्स है ना स्क्वायर डिवाइड बाय टू एल लेकिन अलॉन्ग द बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं ना बेटा ये वी एक्स वन स्क्वायर वी ए वी एक्स स्क्वायर ऐसे कहाँ तक हो सकते हैं ये वी एक्स स्क्वायर तक इसका एवरेज निकालना है पहले तो हम लोगों को प्रेशर निकालना है प्रेशर होता है एवरेज फोर्स पर यूनिट साइडो एरिया जो भी होगा है ना तो इसके हिसाब से हमारे पास तो यम बाय होगा कैसे बेटा देखो ये यम यल और ये ए वैल्यूम हो जाएगा और इसी को बेटा हम लोग लिख क्या सकते हैं एवरेज निकालना है तो यहां पे यम वी स्क्वायर होगा सही है लेकिन यह अलॉन्ग सकता है अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है अलॉन्ग दू वी बार स्क्ता है तो इसीलिए इसको पी इज इक्वल टू यहा इक्वेलिटी होती है जैसे कि ये वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू वी ऐसा लिख सकता हूं ना तो ये वन बाई थ्री अलॉन्ग द तीन एक्सिस इसलिए वन बाई थ्री यहां पर एन एम अपॉन वी और ये वी स्क्वायर बात समझ में आ रही बेटा ओके okay. शायद आप लोग कभी कभी कोई बुक में वन बाई थ्री रो वी स्क्वे भी लिख सकते हो गया तीन चार मार्क के लिए फिक्स क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं इसको ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता रहा हूं जिनको एवरेज नहीं निकालने आता है देखो ये यहां पे यहां एवरेज निकाला होगा उन्होंने ठीक है यहां पे एवरेज निकाला था देखो ये ओके ये. ये 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 देख सकते

सवाल आता है बेटा हमेशा सवाल जो आ रहा है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूं यह सवाल ज्यादा आता है दो मार्क के लिए सवाल आता है आ रही स्पीड निकालने के लिए बोलते हमारे पास जो भी प्रेशर का इक्वेशन था वन बाई थ्री अभी, अभी वी स्क्वे ये वी स्क्वायर ऐसे वी स्क्वायर निकालना है तो थ्री पी वी देखो ये डिवाइड बाई एन एम लेकिन एन क्या बेटा कैपिटल एन डिवाइड बाई एन ए है चलिए डाल दिया देखो एन की जगह पे एन तो तो ये, 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 ये कैंसिल हो गया बेटा बचा थ्री टी है ना थ्री टी यान्यम। तो यान्यम को इसको लिख सकता हूं मैं मास लिखा। तो मैंने मतलब किसका वी का देखो वी लिखा मैंने उसका रूट क्या मीन यस इसी को वी आर एम एस कहते वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा सवाल भी आएगा ऐसा सवाल भी आएगा बेटा ठीक है समझ में आ रहा है चलिए पढ़ते आगे सिंपल सिंपल बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वही फार्मूला देखो बस इधर लाया इसको इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाफ आएगा बाकी देखना यहां पे है ना देखना टू से मल्टीप्लाई ये टू ये टू कैंसिल कर यही इक्वेशन है लेकिन इसको कानेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा कॉनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो बचा है मेरे पास 2 by 3 e. समझ में आ गया ओके okay? मुझे ई निकालना है तो क्या कर सकता हूं बेटा ये इधर आएगा 3 by 2 PV. मिला इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको ओके okay? इसी को एनकेबीटी भी बोल सकते हो इसी को एनकेबीटी भी बोल सकते हैं ठीक है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बाकी कुछ नहीं है ओके okay. नेक्स्ट यही करनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखो मोनो एटॉमिक गैस रहा मोनो एटॉमिक गैस रहा तो क्या हो सकता है x सक्सेस से मॉलिक्यूल जाएगा y जाएगा या जेड से जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री हो गया ठीक है और डंबल्स हो गए ये मोनो मोनो ही मोनो 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 एटॉमिक ये मोनो एटॉमिक बेटा ठीक है डाटमिक रहा तो x y z और डंबेल जैसे ज रहेगा तो f 5 डंबल्स ऐसा घूम सकता है? नहीं ऐसा घुमा तो एक्सिस जिसमें से पास होती उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो अलॉन्ग द एक्सिस या जेड एक्सिस जा सकता है इसलिए लिखा मैंने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रोटेशन दो ये लिखा यहाँ पे देखो यहाँ पे डम्बेल्स रहा तो ट्रांसलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द वाई एक्सिस अलॉन्ग द जेड एक्सिस समझ में आ रहा है रोटेशन दो हो सकते हैं अलॉन्ग क्योंकि के नहीं रहेगा जिस एक्सिस से रहता है उसका मोमेंट ऑफ इन जीरो रहता है। ठीक है? आगे देखते। हमारे मेर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले क्या करना है इसका वैल्यूम कॉन्स्टेंट है देखो और मैं टेम्परेचर दे रहा हूं बच्चों तो क्या बढ़ेगी हीट दे दी डी क्यू वन तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ओनली बढ़ गई लेकिन वॉल्यूम कैसा है, वर्क नहीं हो रहा है CV heat, बेटा बाद में इसको heat, मैंने इसका देखो वॉल्यूम बदल गया तो हीट दी थी डी क्यू टू डी डी एनर्जी और थोड़ा सा पिस्टन यहां था तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या इक्वेशन लिखो डी क्यू टू ये होगा सर डी प्लस डन होगा कि नहीं होगा लेकिन डी क्यू टू यह कौन है सीपी इंटू डेल्टी क्यू सर कांस्टेंट प्रेशर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर चेंज करने से डी की वैल्यू क्या है मेरे पास सीवी इंटू डेल्टी डन क्या होता है पी इंटू डी वी होता है पता है ये इधर लाऊ तो क्या होगा सीपी माइनस सीवी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आइडियल गैस में हम लोगों ने टी को पढ़ा था मतलब तो किस्सा हो गया तैयार okay. हो रहा है ना अच्छे तरह से हो रहा है बेटा हो रहा है क्या था? देखो मुकेश सर चैनल की लिंक दी है मैंने बोला था भाई वहां पे भी जाके कुछ फॉलो कर सकते हैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें थी सीटी में भी पढ़ना चाहते हो तो काम आने वाले चैनल सीटी में भी वहां पे धमाल होते रहता है कुछ ना कुछ और बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुकेश सर चैनल को फॉलो नहीं किया अरे अरे भगवान क्या दिन आ रहे है ठीक है चलिए आगे बढ़ना है चलो देखता हूं मैं सिंपल मैरिज रिलेशन समाप्त तो हो चुका है ठीक है अगर आपके पास मोनो आटॉमिक गैस है, मोनो आटॉमिक गैस है, उसके लिए क्या इक्वेशन मिला था? 3 by 2 R लिख सकते या Y K B T मुझे बताओ, अभी-अभी हमने लिखा था कि C V is equal, C V into delta T is equal to dE सही है, सही लिखा बेटा, तो C V क्या बनेगा? d by dT तो इसका डेरिवेटिव बना बोला? क्या बनेगा बेटा? T खात ना पड़ेगा कारण

गामा निकालो बस गा अभी क्या होगा बेटा फाइव बाई थ्री होगा आता है ना रेशो गामा क्या है बेटा cp बाय सी कर दो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ओके सिंपल क्वेश्चन से टेंशन मत लेना यहां पे भी डायटोमिक में भी क्या होगा बेटा थ्री डिग्री ऑफ तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस दो रोटेशनल हो रहा है तो थ्री प्लस टू फाइव बाई टू एन के है ना इसी को थ्री बाय फाइव बाई टू आर लिख सकते हो और सीवी क्या होगा दोबारा ये हो रहा बेटा देखो सीवी हो रहा फाइव बाई टू आर कैसे मैंने बोला ना अभी वो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तो डी बाई डी टी इक्वेशन से एक टेम्परेचर उठ जाएगा इसी को तो आर कहते थे और सीपी कैसे लिखोगे बस इससे एक बड़ा के लिखना है सर कैसे सेवन बाई टू आर एक बड़ा के बस अभी ज्ञामा करो सीपी सीवी सेवन बाई आर। तो आर, आर, टू, टू, ध्यान रखना क्या सेवन बाय टू आर नाइन बाय टू इसीलिए यहां पे नाइन बाय सेवन होगा देखो इन दोनों का रेशियो सेवन बाई टू डिड बाय नाइन बाय टू तो नाइन बाय सेवन आएगा पोलियोटामिक में हम लोगों को जब करना है तो ध्यान रखना है यहां पे थ्री जेड एक्सिस थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं। ठीक है थ्री एक्सिस बेटा थ्री रोटेशनल और ये है हमारा वाइब्रेशन तो थ्री प्लस तो एक ऐड करो फोर प्लस एफ तो फोर बाय फोर प्लस एफ डिवाइड बाय थ्री बाय एफ ओके ये इजी था उसके बाद में आगे बढ़ते बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अभी हम लोगों को सिंपल क्वेश्चन से जो कि कोई भी मटेरियल रहा या ग्लास ही हमारे पास समझो ग्लास का स्लैब है ऐसा मान के चलिए इस ग्लास के स्लैब पे बैठा ये टेम्परेचर समझो हीट आ गए क्या क्या हो सकता है एक तो रिफ्लेक्ट होगा सर एक तो ऑब्जर्व होगा सर एक या ट्रांसमिट हो सकता है तीनों चीज हो सकती है मतलब क्यों हीट है होगा ये, ये? तो होगा होगा? या Q -T हो वैसे ही क्या देखो Q -A, Q -R plus Q -T. जी आ गई उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होगी मैंने सबको डिवाइड बाय किया तो तो ये वन मिलेगा Q by Q, Q -R by Q. बच्चों इसी को तो हमने क्या बोला है ये ऑब्जर्वेशन इस रेशियो को ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, और इसको बोला है. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफिनेशन बोल रहा हूँ जिसमें से हीट पास नहीं होती है जिसमें से हीट पास ट्रांसमिट नहीं होगी जैसे उड़े आरोन है ठीक है ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अथार्मसमस लिख के लो बाद में बच्चे बोलते सर हमको आपने बताया नहीं था ये नहीं होना चाहिए द द थर्मल रेडिएशन इतना भी लिखा does not transmit the heat radiation incident on the इसी को इन और जिसमें से हीट ट्रांसमिट होती है इसमें से नहीं होती है ठीक है समझ में आ रहा है आपको ये दोनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुकेश सर आपने बताया नहीं तो हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए इसकी डेफिनेशन ऊपर है मेरे ख्याल से डायथर्मस सब्सटेंस देखो फॉर डायथर्मस बॉडी नाइदर गुड ऑब्जर्वर नॉट गुड ये दिया है यहां पे देखो द तो ऑब्जेक्ट सेट विल कंप्लीटली ट्रांसमिट द रेडिएशन कंप्लीट ट्रांसमिट करता है इसी को हम लोगों ने क्या कहा है देखो T इज इक्वल टू वन पूरी हीट ट्रांसमिट होनी चाहिए इसको डायथर्मस बोलना है है ना

97 करता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है और जब सब्जेक्ट रहता है तब हम लोग इसको हाँ ये डायग्राम करनी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कोई भी बच्चा देखो यार इसके ऊपर ड्रॉ द लेबल डायग्राम आ सकता है फिर इज परफेक्ट पर क्या आएगा बेटा यहां से इंसिडेंट रेडिएशन लेबलिंग इंपॉर्टेंट है लेबलिंग नहीं करोगे तो भैया आपका कुछ खरा ही नहीं है और ये पेंसिल से ही कर रहा है आज ही न्यूज आ चुकी है

ज़्यादा से ज्यादा हीट ऑब्ज़र्व हिट ऑब्जर्विटेड मतलब हीट ट्रांसफर ना करना इंपॉर्टेंट डायग्राम है ठीक है और एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रहा हूं बेटा मैं ठीक है एक ये कहा गया भाई गया गया तू कहां गया? अरे डायग्राम कहा गई वो हाँ ये डायग्राम करो अच्छी तरह से डायग्राम करना है सब बच्चे करेंगे उम्मीद करता हूं ये डायग्राम मतलब है ना इसी को रेडिएशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया ये इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर ध्यान रखना तीन हजार चार हजार पांच बाद में साढ़े पांच है तीन चार पाँच हजार लेकिन बाद में साढ़े पांच हजार सीरियज में दाते हैं बच्चे और इसी से बहुत बड़ा लॉस होता है सर तुम्हें सगे कई समझत नहीं है तुम्हें सोता बोलता सर तुम्हें सगड़े काय झालं बेटा तुला मला सांग तरी एकदा हा टाइमपास करायला तू आला का भाऊ इथं मॅसेज टाकायला काय बेटा आम्ही कशासाठी येतोय बाबा ज्यांचे रिव्हिजन ज्यांचे चॅप्टर झाले त्यांना रिव्हिजन करायसाठी येतोय हे एक डायग्राम येतात हे बेटा आम्ही सांगायला आलो ठीक आहे ना रेडिएशन पॉवर आहे चार हजार ती, तीन हजार चार पाच और येडे पाच ध्यान रखना ये बराबर पिक पॉइंट आहे लॅमडा मॅक्स यहाँ पे याद रखना ये ठीक थोड़ा सा मैं आप लोगों को रेडियंट पावर की डेफिनेशन बता देता हूं और आगे बढ़ता हूं रेडिएशन पावर की डेफिनेशन है ऑफ हाँ, की याद रखना ये रेडियंट पावर ऑफ ऑर्डर बॉडी बाय ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी जब होती है तब इमि पावर वन होता है क्या बोला मैंने परफेक्ट ब्लैक अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो रिफ्लेक्शन कर रहा तो कोई पेश ऑफ इमिशन इक्वल टू जीरो इंपॉर्टेंट है इसके बाद में इसके ऊपर डेफिनेशन और यूनिट पूछ सकते पावर है बेटा अमाउंट ऑफ हीट पर पर यूनिट यूनिट एरिया हम लोग जूल में टाइम को सेकंड में लेकिन इसको वैट में गिनते इसीलिए इसको वैट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते डायमेंशन के ऊपर सवाल आ सकता है इसके ऊपर जूल के डायमेंशन एम वन

और पावर जो होती है हमेशा याद रखने वाली चीज है ये ऑर्डर कोई भी बॉडी रही तो इमिसिविटी उसकी जीरो से बड़ी और वन से छोटी रखना है, आ सकता है पूछते हो ना आप मुझे हमेशा यही एमसीक्यूज है बेटा यही एमसीक्यूज है यही एमसीक्यूज है ध्यान रखना है ओके चलिए ये भी अप्रूव करके दिखाना था ई इज इक्वल टू ए है ना कोशन ऑफ इमिशन इज इक्वल टू तो कोशन ऑफ ऑब्जर्शन जितना लोगे उतना दोगे जितना लोगे उतना तो ये ऑर्डरी बॉडी के लिए और ब्लैक बॉडी रही तो क्या लिखोगे क्या लिखोगे Q इज इक्वल टू जो था वो इसी को बेटा इसी को ऐसा लिख सकते हैं R A Q और ब्लैक बॉडी रही तो ओनली Q रहेगा दोनों को डिवाइड कर सकते हैं दोनों को डिवाइड तो Q Q सॉरी क्यू क्यू गेट भी कैंसल इसी को बेटा ई e लिख सकता हूं मैं आर बाय आर बी को और ए बचाए हो गया प्रूफ ये ब्लैक बॉडी में कोई क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वेशन वन होता है ओके okay? चलिए बढ़ते आगे बढ़ते आगे ये भी हो गया डायग्राम हमारा हाँ जी चलो आगे बढ़ना है हाँ ये विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ अच्छी तरह से करो दुआ में याद रखना बाकी कुछ नहीं मैक्स जो होता है बेटा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है अभी डायरेक्टली क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट लॉ जब आता है तो लैमडा मैक्स इसी को डेफिनेशन में भी लिखना है बी बाई टी कैसे लिखोगे देखो वेवलेंथ फॉर वेवलिन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज या बस इतना ही लिखना है लैमडा मैक्स है ना वेवलेंथ तो

एमसीक्यूज का सवाल हो सकता है ये ये एमसीक्यूज हो सकता है आपके लिए ये एमसीक्यूज हो सकता है ध्यान देना बेटा एमसीक्यूज हो सकता है ये ओके क्या लिखा है यहां पे ध्यान रखना दिस लॉ यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस सन एंड मून ठीक है और यहां पे गेंद कलर ये ये थोड़ा सा टेम्परेचर याद रखना है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये न्यूमेरिकल भी करो बहुत इजी है एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं देख के जाओ ना देखने में क्या खासियत है दे भाई देखने में थोड़ी पाप होने वाला है देखते ही देखते कोई फार्मूला चलो वॉल्समन कॉन्स्टेंट मैं सिंपल करवा के देता हूँ सिंपल करवा के देता हूँ क्या से लिखना है बेटा मैं बोल देता हूँ लिखो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे द रेडियंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटरेचर बस इतना ही लिखना है या ऐसे बोल द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी क्यू आर का मतलब क्या देखो क्यू बाई एन बस ऐसा पढ़ो नहीं तो देखो रेट ऑफ ऑफ इमिशन एनर्जी पर 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 यूनिट 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 है ना टाइम पावर है ना और परफेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर की वैल्यू होती है सेकंड और इसके डायमेंशन देख लेना बेटा इसके ऊपर सवाल आ सकता है कैसे डिफ स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेफन लॉ यूनिट एंड डायमेंशन लिख के लो भाई जो बोर्डा वो लिख के लो एग्जाम से आने की बात बोल देना ठीक है फिर आर की वैल्यू लिखी बस ओके अभी ये कंपैरिजन ये करके देखना एक न्यूमेरिकल भी देख लो ये बाकी का रहा तो नेट लॉस कितना होगा वो भी देख लेना

सत्यम सर सत्यम सर ठीक है बच्चों तो थर्मोडाइनामिक्स जो है वो सर लेंगे अभी उसके बाद में मैं ऑक्सुलेशन लूंगा ठीक है वन बाय वन करते रहेंगे मजा आना चाहिए बस बच्चों देखो जिसकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए जिनकी नहीं yes. हो चुकी है, उनको लगता है कि सर इंपॉर्टेंट बता रहे जैसे मैंने बोला डायग्राम दो इंपॉर्टेंट है एक डायग्राम थी सर फिर इस परफेक्टली इंपॉर्टेंट और वो जो ग्राफ है वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो वो भी बता बच्चों को ठीक है सर yes. यस yes. चलो तो अभी हम लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है थर्मोडायनेमिक्स चलिए थर्मोडायनेमिक्स इजी है बहुत और स्कोरिंग है मतलब अच्छे से मार्क्स देगा आपको यह चैप्टर चलो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पूरा हीट रिलेटेड स्टडी करने वाले हीट रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम आता है थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या अगर दो बॉडीज रख दिए जाए दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम है तो मैं बोलूंगा कि वो दोनों भी बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है ठीक है देन एक होता है लॉ लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स के पहले आपको बता दू कि हीट जो है या टेम्परेचर जब भी डिफरेंस आता है दो बॉडीज में तो हीट फ्लो होता है और हीट फ्लो होता है तो हीट ऑलवेज फ्लो, फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू तो लो टेम्परेचर ठीक है सर देन <coughs>

हीट मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से दिखाते हैं हीट को हम लोग डेल्टा क्यू से दिखाते हैं और वर्क डन को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं अभी डेल्टा यू मतलब क्या इंटरनल एनर्जी जो गैस हो या कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ इंटरनल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी उसे कहा जाता है वर्क डन मतलब कुछ वर्क डन जब हम लोग कोई भी चीज पर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है या कम करना है तो हम वर्क डन करना पड़ता है तो वो वर्क डन होता है हम लोग बहुत जस्ट वेट कमेंट्स देख लेता हूं और पीछे जब मेरा लेक्चर चल रहा था मैंने देखा नहीं विशाल नाम के स्टूडेंट है उन्होंने सुपर चैट दिया था थैंक यू विशाल चलो आगे बढ़ते हुए इंटरनल एनर्जी हीट का कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया मैंने अभी अगर कोई सिस्टम है फर्स्ट लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी होता क्या है देखो इंटरनल एनर्जी मतलब इट डिफाइंड एस द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के पास जो मोशन होता है डिसऑर्डर्ड मोशन उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं देन अभी एक चीज होता है सिस्टम सराउंडिंग देखो अगर ये पानी का बॉटल है इसमें क्या कर रहा हूं मैं इस वॉटर पर मुझे स्टडी करना है जिस चीज की मुझे स्टडी करना है वो होता है सिस्टम सिस्टम देन देन अदर जो भी चीजें है सभी की सभी है, then, और को जो कर रहा है ये बाउंड्री यस yes, उसे बाउंड्री कहते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है देन हीट तो क्या है पता है आपको हीट मतलब क्या होता है देन तीन टाइप के सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम ओपन सिस्टम चाय का तो मतलब well ट्रांसफर हो वही चाय के कप कर प्लेट रख दो मैटर तो का ट्रांसफर नहीं होगा वो वेपर्स ऊपर लग के वो वापस उसमें ही गिरेगा तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है और आइसोलेटेड सिस्टम में किसी चीज का ट्रांसफर नहीं होता है <coughs> देखो अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है दो चीजों के एक तो हीट का और वर्क डन का देखो हीट अगर आप गैस को दे रहे हो अगर आप गैस को हीट गिवन गिवन टू द सिस्टम हो तो हीट बढ़ेगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे इसको ठीक है देन हीट एक्सट्रैक्टेड अगर है एक्सट्रैक्टेड मतलब आपने अगर हीट निकाल लिया है किसी से तो उसे निगेटिव लेंगे हीट निकाल रहे मतलब माइनस देन वर्क डन वर्क डन वर्क डन में दो चीजें होती है एक बाय द सिस्टम होता है वर्क डन सिस्टम करेगा और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है बाय द सिस्टम सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है इसे हम लोग पॉजिटिवली लेंगे और ये नेगेटिव लेंगे ये साइन कन्वेंशन याद रखना है इन साइन कन्वेंशन से आप एनर्जी फ्लो पढ़ सकते हो आराम से देन आगे बढ़ते हुए

हीट दे रहे हो तो होगा क्या सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स को हीट जाएगी तो वो मॉलिक्यूल्स अपना इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे अच्छा इंटरनल एनर्जी को चेंज किया उसके बाद वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के बाद उस वर्क डन वो पिस्टन को पुश करेंगे पिस्टन को पुश करेंगे मतलब वर्क डन करेंगे तो ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये हुआ आपका स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यस yes. हाँ इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो आप लोग ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट चलिए ये रीअरेंज किया गया इक्वेशन वो सारी चीजें वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्क डन इक्वल्स टू पी इंटू डी वी होता है लेकिन स्मॉल वर्क डन अगर मैं ले लू तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डी वी होता है ठीक है ये हम लोग और प्रोसेसेस में डेप्थ में देखने वाले हैं ठीक है देन अभी आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है एक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल ठीक है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिवरिए क्वेश्चन टू एनआरटी तो पी होता है वी होता है टी होता है मास होता है डेंसिटी होता है ये सारी चीजें वेरिएबल कहलाती है तो ये वेरिएबल अगर कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट है साइज पर किसके साइज पर सिस्टम के साइज पर

ठीक है कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसे हम लोग कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है परफॉर्म तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में एंड देन थर्मल इक्विलिब्रियम तो आपको पता है अगर टेम्परेचर सेम है कांस्टेंट है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे आप लोग कहोगे थर्मल इक्विलिब्रियम तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे थर्मोडाइनेमिक स्टेट वेरिएबल्स वही मैं बता रहा था प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है देन इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पूछा जाता है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इज इक्वल टू nRT ओके ठीक है, okay, है सर चलेगा Then, अभी आगे बढ़ते हुए टिपिकल पी वी डायग्राम ठीक है अभी पीवी डायग्राम पीवी डायग्राम ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पीवी डायग्राम का जो भी एरिया होगा पीवी ग्राफ का जो भी एरिया होगा वो एरिया आपको वर्क डन देगा उसका एरिया क्या देगा आपको उसका एरिया आपको वर्क डन देगा अच्छा तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था पी इन टू डी वी होता है प्रेशर भी अगर वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं वी आई टू वी एफ का ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है वर्क डन का जो हम लोग आगे प्रोसेस में यूज करेंगे अभी चलो देन आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव कब वर्क डन निगेटिव कब ये याद रखिए वर्क डन अगर आपको ग्राफ में, ग्राफ में में वर्क डन पॉजिटिव कब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ही होता है और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तब उस केस में वर्क डन निगेटिव होता है ये आप ध्यान में रखिए ये आपको पता होना चाहिए देन थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोकोरिक आइसोकोरिक ये सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन से तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा आपको कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा कि कहां पर डाउट है आप लोगों को चलो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पर जाना है तो वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मो प्रोसेस में आपको कभी भी अगर वर्क डन फाइंड करना है ना तो देखो वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको पीवी डायग्राम चाहिए होता है पीवी डायग्राम और ये पी टू वी मतलब ए से लेकर बी तक जाना है तो मुझे बताइए ये जा कैसे सकता है इसके पास ऐसे जाने का एक रास्ता है ऐसे भी जा सकता है सीधा ये फर्स्ट ये सेकेंड वे और ये थर्ड वे ऐसे बहुत सारे वेज है तो किसी भी वे से जा सकता है ये हम लोग ग्राफ में देखेंगे अभी प्रोसेस इसके चलो अभी आएंगे प्रोसेसेस पर तो सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस मतलब क्या <coughs> एक प्रोसेस होना इसका मतलब क्या होता है इनिशियल स्टेट से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चले जाना कोई भी सिस्टम का तो अगर वो जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जा रहा है जिस पाथ से वो इनिशियल टू फाइनल स्टेट में जाएगा उसी पाथ से अगर वो रिवर्स बैक आ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। इसका मतलब क्या डायग्राम बता सकते हो सर यस, yes. देखिए पर देखिए, उसी तरीके से आया तो उसे हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस ओके ए टू बी ऐसे गया और वापस ऐसे आया तो ये सेम पाथ नहीं हुआ सेम तो पाथ नहीं हुआ तो ये हमारा इसिबल प्रोसेस हो जाएगा ठीक है सर चलेगा देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है रिवर्सिबल प्रोसेस का देन अजमशंस assumptions... <coughs> चलो अभी स्टार्ट होते इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस देखो आइसोथर्मल प्रोसेस आइसो मतलब क्या सेम थर्मल मतलब क्या टेम्परेचर जहां पर भी जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छा हर प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको सेम चीज है सेम सीक्वेंस है हर प्रोसेस में ये आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा q डेल्टा u w चलो यहाँ पर डेल्टा यू निकालो डब्ल्यू निकालो और फिर डेल्टा ये हर प्रोसेस में सेम स्टेप्स रहेंगे तो यहां पे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले डेल्टा यू का फॉर्मूला ना आप याद रखिए डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीबी इंटू डेल्टा टी होता है डेल्टा यू का फॉर्मूला होता <laughs> है एनसीवी इंटू डेल्टा टी ठीक है एनसीबी इंटू डेल्टा टी याद रखेंगे सर चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी जनरल फॉर्मूला इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि यहां पर ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है पी इंटू डी ठीक है अच्छा अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ पी अच्छा पी

ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में ये ग्राफ याद रखिए जो कि ये पीवी एक ही ग्राफ याद रखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का बाकी सभी प्रोसेस के पीवी आप निकाल सकते हो इसका कर्व इस तरीके से होता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेरिएशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी कर्व को हम लोग आइसोथर्म भी कहते हैं सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी कर्व को ठीक है चलो देन <coughs> आती है नेक्स्ट आइसो बारिक प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी पढ़कर जाइएगा आपको अगर प्रोसेस पर नोट वगैरह लिखने आता है ना तो नोट लिखने के लिए आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सभी ठीक है अच्छे से पढ़ लेना इजी पॉइंट्स है वो हर प्रोसेस में दिया हुआ है ऐसे पॉइंट्स चलो तो अभी मन बढ़ते हैं आइसो बारीक प्रोसेस के ऊपर आइसो बारिक बार मतलब क्या होता है प्रेशर इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट

वर्क डन का तो हो गया सर डेल्टा यू डेल्टा यू का फॉर्मूला है हमारे पास एन डेल्टा टी टी एफ माइनस टी आई तो <coughs> इन दोनों का जो टी एफ वाला फॉर्म था उसी को मैं ऐड करूंगा ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो ये वाला स्टेप देन इसमें एन कॉमन है और टी एफ माइनस टी आई कॉमन है वो कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है सीवी प्लस आर सी प्लस आर बचता है और अभी आप लोगों ने देखा सीपी माइनस सीवीक्वल टू आर होता है तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा सीवी प्लस आर तो जहां भी सीवी प्लस आर आएगा वहां पे आप सीपी पुट कर दोगे तो आपको ये क्यू इक्वल्स टू मिला एनसीपी टी एफ माइनस टी आर ये हो गया आपका आइसो बारिक प्रोसेस देन नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट भी पढ़कर जाना आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बाद पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी देखो क्या क्या कांस्टेंट है आर और एन कांस्टेंट है भी कांस्टेंट है तो पी बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा आपका इस प्रोसेस में देन आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ देखना है पीवी कर पीवी कर देखना है मैं आइसोकोरिक प्रोसेस का तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊ तो वर्क डन मतलब क्या पीवी कर में पीवी कर में जो एरिया होगा वो आपको वर्क डन देगा यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि इस कर्व के नीचे इस वर्टिकल लाइन के नीचे कुछ भी एरिया छुपा हुआ नहीं है इसलिए वो जीरो रहेगा देन इसमें डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो आ जाएगा अरे मेरे भाई वर्क डन जीरो है तो क्यू तो डेल्टा यू जो है वही रहेगा और डेल्टा यू हमें पता था कितना है एनसीबी इंटू डेल्टा टी तो बस बात खत्म डेल्टा यू डायरेक्टली मिल जाता है ये सबसे इजी वाला प्रोसेस था अभी ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस आपको अगर इन प्रोसेसेस का अच्छे से डेप्थ में चाहिए होगा वीडियो तो आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो जो चैनल पे अपलोडेड है चलो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है हीट एक्सचेंज नहीं होता है मतलब डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू इस केस में जीरो हो जाएगा डेल्टा क्यू जीरो इसका मतलब सर फिर जीरोक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये करेक्ट तो वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा या आपको डेल्टा यू निकालना है तो वो माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगा ये चीज सही है तो वर्क डन डनते उसके पहले जैसे आइसोथर्मल में होता था आइसोकोरिक में पी बाई टी कॉन्स्टेंट होता था इस प्रोसेस में पी वी टू गामा एक चीज होता है वो कॉन्स्टेंट होता है वेयर गामा मतलब होता है हीट कैपेसिटी रेशियो जो आपने अभी लास्ट केटीजी वाले चैप्टर में पढ़ा है हीट कैपेसिटी रेशियो जिसे आप लोग कहते हो गामा इक्वल्स टू सी पी डिडेड बाई सी वी ठीक है चलो आगे बढ़ते हुए इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लेते हैं इंटीग्रेशन पी डी वी यार यहाँ पर लिमिट्स वॉल्यूम के आएंगे वी आई टू वी एफ अच्छा पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पर v रेस्ट तो गामा हमें अरेंज करना पड़ेगा कर दिया अरेंज पी वी रेस टू तो गामा कॉन्स्टेंट होता है पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट होता है वो कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए फिर अंदर इतना ही बचता है देखो इंटीग्रेशन मा डी वी तो वन बाय में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन एक्स रेस्टू एन डी एक्स का जो कि होता है एक्स रेस्टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय प्लस वन ये फार्मूला यूज कर लीजिए आपको ये मिल जाएगा स्टेप ठीक है यस yes, चलो देन आपको बस आगे सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये आप एक बार देख लीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ठीक है बहुत ज्यादा चांसेस है आने के क्वेश्चन इस इस पॉइंट प्रोसेस पर देन बाद में यहां तक अगर मैं आके छोड़ दू आपको तो इसके बाद आप पीवी के जगह एनआरटी भी यूज कर सकते हो बस वही यूज करके इसका और एक फॉर्म बना दिया गया है बाकी इसमें कोई भी अलग चीज नहीं की है ठीक है देन न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा ये देन <coughs> आता है साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पर खत्म हो गया है तो उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस देन आता है फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन मतलब क्या बहुत कम एडियाबेटिक होता है ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस कौन से होते हैं जो बहुत सडनली हो जाते हैं सडन प्रोसेस होना मतलब वो हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम नहीं देते इसलिए हम लोग उन प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं फ्री एक्सपेंशन भी एक टाइप का एडियाबेटिक प्रोसेस ही है ठीक है देन ये कुछ डेफिनेशंस अभी इंजन वाला एक पार्ट है लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट इंजन वाले पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो हीट इंजन क्या करता है हीट का कन्वर्जन वर्क में करता है हीट का कन्वर्जन वर्क में कर देता है उसे हम लोग कहते हैं हीट इंजिन में क्या क्या होता है हीट इंजिन में तीन चीजें होती है वर्किंग सब्सटेंस होता है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर होता है और एक गैस सिलेंडर होता है जिसमें ये सब हो रहा होता है वर्किंग सब्सटेंस मतलब वो आइडियल गैस भी हो सकता है जो गैस परफॉर्म करवाएगा हीट का कन्वर्जन वर्क में अच्छा देन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर दो टाइप के रिजर्व होते हैं हॉट रिजर्व मतलब जिससे हम लोग हीट ले रहे हैं उसके पास इन्फाइट अमाउंट ऑफ हीट है तो हम लोग कितना भी हीट उसमें से ले तो उसमें हीट की कमतरता नहीं आएगी देन आता है कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर मतलब क्या वो बहुत कूल होता है ठंडा होता है एकदम अगर हमने हॉट रिजर्व से हीट ली उस हीट का कन्वर्जन हम लोग अगर वर्क डन में कर रहे हैं और कुछ हीट फिर भी हमारी बच रही है तो वो हीट कहा देंगे तो वो हीट हम लोग कोल्ड रिजर्व को देंगे क्यों क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर को कितना भी हीट दो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है चलो ये हुआ आपका हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर देन सिलेंडर तो मैंने बताया जिसमें पिस्टन वगैरह होता है और सब वर्किंग वगैरह उसमें वर्क करते हैं चलो हीट इंजिन आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स दो बेसिक टाइप्स के होते हैं वर्किंग सब्सटेंस जैसे वर्क करता है एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन 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 हीट हीट इंजन इंजन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ठीक है देन आगे बढ़ते हुए ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये हॉट रिजर्व वायर है हॉट रिजर्व वायर से आप हीट ले रहे हो और कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो उसका कन्वर्जन आप लोग वर्क में अगर कर रहे हो क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो उसका कन्वर्जन आप वर्क में कर रहे हो वर्क में करने के बाद जो हीट बच जाएगी वो हीट आप कोल्ड रिजर्व वायर को दोगे क्यूसी तो ये हीट इंजन का प्रोसेस है वर्क करने का जहां पर हमें इफिशियंसी होता है efficiency होता है आउटपुट ओपी मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मतलब आपको कितना आउटपुट मिल रहा है देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है वर्क डन हमारा इनपुट क्या है अमाउंट ऑफ हीट जो लिया अच्छा वर्क डन क्या होता है क्यू एच माइनस क्यूसी मॉड में QH QC ओके डिवाइडेड बाय क्या होता है QH तो ये हमारा हुआ एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है TH होता है यहाँ पर टेंपरेचर TC होता है तो हम लोग QH के जगह TH पुट कर सकते हैं और QC के जगह TC पुट कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को देन ये फार्मूला भी बता दिया मैंने आपको एफिशिएंसी वाला देन हीट इंजन PV साइकिल होता है यहाँ पर देखो ये डायग्राम किस चीज का है हीट इंजन का है इसमें यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो वर्क डन किया जाएगा अच्छा देन सी टू डी जाएंगे तो हीट रिजेक्ट हो जाएगा और देन डी टू ए जाएंगे तो वापस से वर्क डन होगा ये वर्क डन बाई गैस था ये वर्क डन ऑन द गैस अच्छा डिफरेंस क्या है सर ये प्रोसेस

तो वो गैस ठंडा हो जाता है ये याद रखिएगा गैस सिलेंडर जो होता है आपके घर में उसमें से अगर गैस निकल रहा है थोड़ा सा तो हाथ रख के देखिए वहां पर वो कूल महसूस होता है ठंडा होता है तो वही इसमें यूज किया जाता है क्या होता है रेफ्रिजरेंट और हॉट रीजन होता है क्या होता है गैस कॉम्प्रेस कर दिया जाता है कॉम्प्रेसर नाम की एक चीज होती है रेफ्रिजरेटर में उसमें गैस कॉम्प्रेस कर दिया जाता है फिर वो कॉम्प्रेस गैस पास कराया जाता है और उस गैस को तुरंत फ्रिज के अंदर खोल दिया ओपन अप कर दिया जाता है तो सडन एक्सपेंशन होने के कारण वो गैस ठंडा हो जाता है

गैस इसमें से पास होगा यहाँ पर एक्सपांशन वॉल्व है गैस एक्सपैंड करा दिया जाएगा ये ठंडा गैस इसमें से जाएगा तो वो साइड का हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पूरा एरिया ठंडा हो जाएगा देन हाँ इसके डायग्राम में यहाँ पर हॉट रिजर्व है इसका टेम्परेचर टीएच है ठीक है यहाँ पर कोल्ड रिजर्व है जिसका टेम्परेचर टी है यहाँ पर वर्क डन किया जाता है उधर वर्क डन कराया जाता है हीट लेकर हीट का कन्वर्जन वर्क में यहाँ पर क्यू ऐसा होता है वहां पर हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो हो रही होती है हीट जब भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होती है तब याद रखिएगा नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यहाँ पर लो से हाई फ्लो कराते हैं हम लोग इसीलिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है ये क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट लिया और ये हीट हम लोग क्यू एच दे देते हैं हॉट रिजर्व को तो इसमें एरोज उल्टे हो जाते हैं देन एक टर्म होता है कोविशेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो मैं बोल रहा था इवशेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर तो ये होता है क्यूसी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू मतलब हमें पता है क्यूसी माइनस क्यू एच होता है बस ये यही चीज था ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा ऑफ परफॉर्मेंस हो गया देन यहाँ पे हीट पंप आता है मैंने बताया आपको हीट पंप सेम टू सेम रेफ्रिजरेटर जैसा वर्क करता है उसका फॉर्मूला भी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो वही यूज करना है एयर कंडीशनर का क्या काम है एयर कंडीशनर का भी काम वही है अभी एयर कंडीशनर लगा हुआ है यहाँ पे एयर कंडीशनर का काम क्या है अंदर से हीट लेगा और उस हीट को बाहर भेज देगा अंदर से हीट लेगा उस हीट को बाहर भेज देगा ओके देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स अच्छा

हायर से लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है हीट का उसने कहा था कि लो टू हाई भी स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है तो ये गलत था देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा का पूरा कन्वर्जन हीट का वर्क में किया जा सकता है ऐसा कहा था बट हमें पता ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हंड्रेड परसेंट यह पॉसिबल नहीं है देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स में फर्स्ट होता है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यूएज फ्रॉम हॉट रिजर्व एंड यूज इट टू डू ऑल दी वर्क ये कहीं पर भी यूज करना वर्क डन के लिए ये पॉसिबल नहीं है ये इम्पॉसिबल सी चीज है ठीक है देन और एक स्टेटमेंट था जिसे लॉ ऑफ के फॉर्म भी कहा जाता है देखो दिखाता हूं आपको किधर गया किधर गया हाँ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिट फ्लो फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन विदाउट एनी वर्क अच्छा हीट को कोल्ड रीजन से वार्म रीजन में फ्लो कराना है आपको तो ये एक्सटर्नली बिना वर्क डन किए पॉसिबल नहीं है यही था उसका कहना

यहां पर भी के है वही ऑफ़ रेफ्रिजरेटर कहलाता है रेफ्रिजरेटर बताओ एक बार रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं होता है रेफ्रिजरेटर क्या करता है? है, है। से पे जाता तो होता लेकिन हम लोग लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पास करवाते हैं तो एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ता है स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है ठीक है चलो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स उसके स्टेटमेंट कार्नोट साइकिल ये हुआ आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर ठीक है चलो ये थर्मोडाइनेमिक्स हो गया चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अगले चैप्टर के ऊपर ऑसिलेशन चलो ऑसिलेशन पर जाते हैं हम लोग ऑसिलेशन पर ऑसिलेशन मतलब क्या होता है पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं मीन पोजिशन कहते हैं ठीक है ठीक है सर चलेगा इसमें देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेशन का ही एक टाइप है देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट जिसे हम लोग मेन लीनियर है मान लो एक स्प्रिंग लगाया हुआ था मैंने ठीक है ये स्प्रिंग लगाया हुआ था इसको और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया था इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पर प्रेस कर दू और छोड़ दू तो वो ऐसे ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा इसे हम लोग कहेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें देखना क्या था यही जो मैं बता रहा था आप लोगों को यहां पर स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं होता होता है F <coughs> ma होता है वेयर तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स आया था ना तो माइनस के एक्स इसको अगर मैं एम से डिवाइड कर दू बाई एम टू माइनस के बाय इन टू एक्स में ए लिख सकता हूँ ए मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन होता है ए मतलब ए मतलब एक्सेलरेशन होता है तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ऑलवेज डायरेक्टेड होता है, ठीक है? चलो देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसेम ये आपको बहुत बार आता है ये याद रखिए आपको एंगुलर एसेचम में भी काम आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसेम एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है एफ की जगह पर आप एम ए पुट कर दीजिएगा एफ के जगह पर एमए पुट कर देते हो तो आपको पर लिख दिया अभी एम से डिवाइड कर दो इक्वेशन को एम को से डिवाइड कर दिया तो मुझे ये वाला फॉर्म मिलेगा और ये वाले फॉर्म में एक फॉर्मुला याद रखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ओमेगा इक्वल्स टू बोल सकता हूँ अंडर रूट के बाई एम ओके okay. ये ओमेगा मतलब क्या होता है पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना कि एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल डायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट अलग था यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट अलग है चलो यहां तक क्लियर है चलो क्लियर है यहां तक सभी लोगों को चलो तो ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम के बाद इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो देन

बस उसी तरह से सॉल्व करो सी कॉन्स्टेंट आता है इंटीग्रेशन का जब उसमें लिमिट्स नहीं होते तो ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम पोजिशन मतलब क्या अगर ये ऐसा था स्प्रिंग और ये ब्लॉक का सिस्टम तो ये अगर इसको प्रेस कर दो तो ये इधर भी एक्सट्रीम हो गया इधर भी एक्सट्रीम हो गया और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं तो यहाँ से यहां तक का भी एम्पलीट्यूड है ये भी है ये ये एम्पलीट्यूड कहते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं बस इतना ही डिफरेंस है तो ये वी का फॉर्मूला आता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है सर चलेगा देन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग वो बताता हुआ आपको देखो यहाँ तक तो आ चुका था ना वेलोसिटी का देन उसे वेलोसिटी को मैं डीएक्स बाय डी टी लिख सकता हूँ और मुझे क्या फाइंड करना होता है मुझे ये एक्स फाइंड करना होता है एक्स फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको इधर लेके आ जाओ और ये डी टी को इधर लेके आ जाओ तो आपको ये एक्स का इक्वेशन मिल जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर फाइव मतलब कॉन्स्टेंट दिया जाता है इंटीग्रेशन का यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं निकाला तो भी चलेगा क्योंकि ये फाइव आपको आगे फेज करके एक टर्म आएगा ठीक है

यहाँ पर क्या आता है पता है क्या इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन अच्छा वो देखिए वो क्या थे सर वो भी यूज होंगे जहां पर फाइव का टर्म आता है वहां पर ये यूज होंगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो वी इक्वल्स टू मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस Just wait. चलो Then, आगे बढ़ते हैं देख लेना ये ये आपको एक्सट्रीम वैल्यूज दिया है extreme values मतलब मैं वही बोल रहा था मिनिमम भी हो सकता है एक्सट्रीम मैक्सिमम भी हो सकता है मैक्सिमम में प्लस ए माइनस ए हो सकता है और मिनिमम में जीरो हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम चल क्यों नहीं रहा है सेकंड

ए बायस मैंने लिख दिया है ठीक है ये आपको एंगुलर एस एच एम में भी काम आएगा जो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपको उसमें भी काम आएगा चलो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम कैसे निकाला जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम कैसे निकाला जाए टाइम पीरियड को वन बाय टाइम पीरियड कर दो और इसका और एक फॉर्मुला होता है ए बायस टू टू पाई अंडर हो जाता है ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए देन आगे बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम फ्रीक्वेंसी मेथड बहुत इजी है रेफरेंस सर्कल मेथड देखो यहां पर करना क्या है आपको रेफरेंस सर्कल मेथड में आपको जो मैंने इक्वेशंस निकाले हैं ना वो ग्राफिकली देखने है. वो जो वो सारे आपको ग्राफिकली देखने, ग्राफिकली देखने ये सर्कल के थ्रू देखने परफॉर्म पर कर रहा है एक motion, तो, पार्टिकल ऐसे तो जब मैं इसकी शैडो देखूंगा यहाँ पर देखो ध्यान दो ये ऐसा परफॉर्म करेगा तो जब मैं इसकी शैडो देखूंगा यहाँ पर तो उसकी शैडो ऐसा ऐसा पाथ फॉलो कर रही होगी जिसे हम लोग एस कहते हैं इसीलिए हम लोग रेफरेंस सर्कल मेथड यूज कर सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि उसका शेडो हमें एस एच एम ही दे रहा है ठीक है देन ये आप देख लेना देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है जिसका ये एंगल थीटा है एंगल थीटा थीटा मतलब क्या होता है ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे इनिशियल फेस फाइव ले लिया मैंने और बीच में वो कुछ टाइम टी में चला तो वो ओमेगा टी एंगल चल रहा है तो इसे मैंने कह दिया ओमेगा ओमेगा थीटा इक्वल्स टू हो जाता है देन प्रोजेक्शन वेलोसिटी का कैसे लेते हो आप लोग प्रोजेक्शन एक्सेलरेशन का कैसे लेते हो इतना थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बट ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है देन फेज इन एसएचएम अभी फेज इन एसएचएम जो आप थीटा थीटा कर रहे हो ना फेज तो या तो 0 हो सकता है या तो हम लोग 180 लेते हैं या तो 90 लेते हैं ये स्टैंडर्ड केसेस है आपको कोई और एंगल भी दे दे तो आप लोग वो देख सकते हो चलो देन आपको क्या देखना है ये टेबल याद रखिए आप लोग ये टेबल में क्या क्या दिया है देखो यहां पर आपको टाइम दिया है जीरो कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है तो थीटा जब जीरो जस्ट वैल्यूज दी है वो एक्स के इक्वेशन में पुट करो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा तो वो ये आंसर रखा है टेबल रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है वी आप निकाल सकते हो ई भी आप निकाल सकते हो उससे बस बात खत्म देन आप जो भी ग्राफ्स बनाने वाले हो उन ग्राफ से कंक्लूजन क्या क्या आएंगे देखो ग्राफ से कंक्लूजन क्या क्या आएंगे ग्राफ, ये ये डिस्प्लेसमेंट का का ग्राफ है। Then, ये का ग्राफ है है देन वेलोसिटी क्या डिफरेंस है सर इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी का ग्राफ प्लस ए ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है इसका मीनिंग इतना ही है और एक्सेलेशन का ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो एक्सेलेशन का ग्राफ यहाँ पर उल्टा स्टार्ट हो रहा है क्यों पता है

यस yes. इसका मतलब आप देख सकते हो डिप्लेसमेंट और एक्सेलेशन का ग्राफ का वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम है बट जब डिसमेंट पॉजिटिव में होगा एक्सेलेशन निगेटिव में होगा डिसमेंट पॉजिटिव में तो एक्सेलेशन निगेटिव में क्यों क्योंकि ऑलवेज इधर डिरेक्टेड होता है एक्सेलेशन टुवर्ड्स मेन पोजिशन और इधर जाएगा एक्स इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मेन पोजिशन इधर रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा Then, अभी नेक्स्ट चीज़ आता है है कंपोजिशन ऑफ़ अच्छा SHM का इक्वेशन क्या होता है? X A sin omega t. तो फर्स्ट का बोल दूंगा ए वन साइन ओमेगा सेकंड का हो जाएगा एक्स टू इक्वल्स टू ए टू साइन ओमेगा टी फाइव टू तो ये इक्वेशन कंपोजिशन मतलब आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा एंड देन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको उसको डिराइव करना पड़ेगा देखो यहां पर ये जो डेरिवेशन है ना ये डेरिवेशन आप इस चैप्टर में तो देखोगे ही देखोगे अगला जो चैप्टर है सुपर पोजिशन ऑफ वेव उसमें भी आप ये टाइप के डेरिवेशन देखोगे चलो देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पार्टिकल जो एस परफॉर्म कर रहा है उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी या तो काइने एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है square, और वी का फॉर्मुला तो मेरे पास है ही वी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क् वो यहाँ पर पुट कर दो देन के पुट कर दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पर इजीली लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा जो कि होता है हाफ के एक्स स्क् स्प्रिंग में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एनर्जी कितनी स्टोर होती है तो हाफ के एक्स होता है देन ये तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों? भी, भी है अभी जो हमने निकाला उनको एड कर दीजिए तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी मिल जाएंगे ठीक है ये हुआ देन उसके स्पेशल केसेस भी देख लेना आप एक बार देन ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स के कंक्लूजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ जब काइनेटिक एनर्जी ये ग्राफ किसका है पता है ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का और ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का जब पोटेंशियल एनर्जी पीक पे होता है तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है जब काइनेटिक एनर्जी पीक पे होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है इसका मतलब क्या है पता है एनर्जी कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड है बाकी एनर्जी टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है हर बार ठीक है ये ग्राफ यही बताता था देन सिंपल पेंडुलम एक आता है कोनिकल पेंडुलम हमने देखा अभी रोटेशनल डायनेमिक्स में बस सिंपल पेंडुलम का भी वैसा ही फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू टू पाई इसमें cos नहीं आता है, होता है. अच्छा, इसके डेरिवेशन में आपको ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, root, x, वो वाला फॉर्मूला यूज करना आपको टी का यह फॉर्मूला मिल जाएगा देन एक चीज होता है सेकेंड स्पेंडुलम सेकेंड स्पेंडुलम मतलब क्या नाम में ही है जिसका टाइम पीरियड टू सेकंड हो उसे आप लोग सेकेंड स्पेंडुलम कहते हो जिसका लेंथ अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूलाता है एल इक्वल टू जी डिडेड बाई पाई स्क्र

जो आपको एनालॉगी पता है ना रोटेशनल डायनेमिक्स वाली बस वही एनालॉगी यहाँ पर यूज कीजिए आप लोग वो एनालॉगी आप अगर यहां पर यूज कर लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा देखो उधर क्या होता था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता था इधर एफ जगह और एक्स के जगह थीटा आ जाएगा उधर के आता था, था तो इधर माइनस सी थीटा आ जाएगा बस बाकी कुछ भी नहीं है बाकी सारे फॉर्मूलाज भी वैसे ही है देखो आपको दिखा देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम उधर क्या था उधर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम था डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क् प्लस के बाय के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो तो बस यहाँ पर भी वैसा ही है देखो बस एक्स के जगह थीटा आएगा K के के जगह सी आएगा और एम के जगह तो एम ही आएगा देन मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी देख सकते हो ये आपको फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा ये आपको मैग्नेटिक वाले पार्ट में आगे आएगा ही आएगा इसका टाइम पीरियड निकालना होता है आपको बस मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि आएगा टाउ इक्वल तो मतलब क्या पता है आपको बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है बस देन एक चीज आता है डैम टॉसिलेशन डैम टॉसिलेशन मतलब क्या देखो ये स्प्रिंग है उसको एक ब्लॉक लगा दिया था ये ब्लॉक जब यहां पर वेन कनेक्टेड है इसको मूव कराओगे तो ये वेन भी मूव होगी ये वेन मूव होगी तो ये वेन की जो मोशन है उस मोशन को कौन अपोज करेगा यहाँ पर जो लिक्विड है ना ये लिक्विड उस वेन की मोशन को अपोज करेगा ठीक है ये उसकी वेन को मोशन को अपोज करेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा उसका स्पीड कम हो जाएगा तो ब्लॉक का भी स्पीड कम हो जाएगा यस सर ब्लॉक का भी स्पीड कम हो जाएगा चलो देन डैम टॉसिलेशन डैम टॉसिलेशन का ग्राफ कैसे होता है डैम टॉसिलेशन मतलब क्या जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कम होते जाता है ठीक है जिसका डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कम होते जाता है उसे हम लोग डैम्प्ट ऑसिलेशन कहते हैं देखो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको विद टाइम कम होने होते, होते, होते दिख रहा है तो इसलिए इसको हम लोग डैम्प्ट ऑसिलेशन कहते हैं डैम्पिंग मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कम 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 होते जाना देन एक चीज आता है फ्री ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन और एक होता है रेजोनेंस फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या अगर झूला वगैरह खेलो उसको एक बार अगर फोर्स लगा दो और छोड़ दो तो वो बॉडी फ्रीली ऑसिलेट करता है बार बार उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज को हम लोग कहते हैं फ्री ऑसिलेशन देन फोर्स ऑसिलेशन मतलब क्या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑसिलेशन होने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी को उसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन देन रेजोरेंस हम लोग आगे देखने वाले हैं ठीक है चलो ये हुआ आपका ऑसिलेशन मजा आ रहा होगा तो बस थम्सअप कर दो यार जल्दी से मजा आ रहा होगा तो बस थम्सअप कर दो वीडियो को लाइक करो जल्दी से यस चलो तो ये हुआ आपका ऑसिलेशन अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स आदित्य ठीक है चलो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स अभी ध्यान दीजिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है डेरिवेशन ज्यादा इसमें ऐसे लगता है डेरिवेशन ज्यादा लगते हैं बस स्टेप सेम है देखो इसमें सभी में साला। चलो सुपर पोजिशन ऑफ वेव देखेंगे अभी हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव में देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टीज प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या जो वेव ऑलवेज हमेशा ट्रेवल करती है फॉरवर्ड डिरेक्शन में उसे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं जो हमेशा प्रोग्रेस करती रहती है चलो देन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना आप इजी है इसके प्रॉपर्टीज देन यहां पर क्या होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स

हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव की अगर बात करें तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में अगर डेंसर मीडियम है इधर रिजिड वॉल है तो कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन ही आता है उधर उल्टा होता था उल्टा याद रखिए आपको याद रह जाएगा देन इधर वेव अगर रेयर फ्रैक्शन जाता है और मीडियम में तो वो कॉम्प्रेशन से रिफ्लेक्ट होता है इसका मतलब रेयर मीडियम से जब लॉन्जिट्यूडनल वेव टकराती है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है ठीक है देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या दो वेव जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका एक पॉइंट पर हम लोग इफेक्ट देखते हैं उसे हम लोग ऑफ वेव्स कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आकर मिलते हैं तो देखो इक्वेशन ऑफ वेव हमें पता है इक्वेशन ऑफ वेव वाई वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा और एक दूसरा वेव लेंगे हम लोग जिसका इक्वेशन होगा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अच्छा इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एड कर देते हैं एड करने के बाद सिंपल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैथमेटिक्स यूज कर कर हम यहां तक इस स्टेप तक अगर पहुंच जाते हैं देखिए इस पर हम लोग y का हमें फॉर्मूला टी प्लस फाइव जो था ना उसका स्पेशल केस होता है फाइव जीरो भी हो सकता है देन a का फॉर्मूला हमें मिलता है वहां से अंडर रूट ये किसके साथ या आप कंपेयर कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ था उसके साथ ए वन स्क्र प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू स्क् फॉर्मूला आपको मिलता है इसमें आप एम्पलीट्यूड देख सकते हो सेम अगर है तो कैसे मिलेगा यहां पर कुछ नहीं फेज में फाइव के वैल्यूज पुट करना होते हैं देन एक चीज होता है इंटेंसिटी एक चीज होता है इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या होता है पता है एम्पलीट्यूड के स्क्र को डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसे हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं अगर एम्प्लीट्यूड मैक्स तो इंटेंसिटी मैक्स एम्प्लीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी भी मिनिमम ठीक है चलिए ध्यान दीजिए अभी नेक्स्ट अभी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था ठीक है देन स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव मतलब क्या अगर कोई स्ट्रिंग है जो दो दो सपोर्ट्स में आप उसको दो और उसको बांध और ऐसे प्लग करो तो वैसे waves form करेगा एक ही जगह पर उसे हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं ठीक है देन उसमें भी नोड नोड एंटी बनता है है ठीक इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर सकता है नेगेटिव एक्स में भी ट्रैवल कर सकता है पॉजिटिव में अगर है तो हम लोग लेते हैं ए साइन टू पाई एंटी माइनस एक्स बायडा और निगेटिव में अगर है तो वाई इक्वल टू ए साइन टू पा एन टी प्लस एक्स ये होता है हमारे दोनों वेव्स के इक्वेशन अच्छा इधर भी वही सेम स्टेप से उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो देन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला यूज करो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन आने के बाद यहां पर एक चीज होता है जिसे मैं ए मान लेता हूं देखो यह आपका इक्वेशन इधर भी वही आता है y equals to A sin omega t, omega की जगह टू पाई एन पुट कर दिया है अच्छा ये जो आता है ना एम्पलीटूड टू एस टू पा एक्स बास टू टू एस टू पा एक्स बायडा तो इसमें तो इस हम लोग एम्पलीटूड के अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं condition for anti -node और कंडीशन फॉर एंटीनोड और नोड बनाते हैं अभी नोड एंटीनोड क्या होते हैं ये आपको पता है ये ऐसे अगर वेव बन रहा है तो ये जो है ये आपका एंटीनोड है ये आपका नोड है आपका नोड है यह आपका एंटीनोड है

बार बार वो सीरीज याद ना करनी पड़े हम लोग वो फॉर्मूला याद रख सके चलो देन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा इसको देन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उसके जैसे कि उसने कहा है पॉइंट बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोट जो होता है वो जीरो और ए एम्प्लीट्यूड के बीच में ही वाइब्रेट करते हैं देन दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैमडा बाय टू होता है दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी लैमडा बाय टू होता है ठीक है नोड और एंटी नोड के बीच में लामा बाय फोर होता है बस वैसा ही है ये कंपैरिजन जो है ना ये कंपैरिजन अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बीच में चलो देन एंड करेक्शन क्या होता है देखो पाइप जब भी होता है ना ये ऐसा एक पाइप है तो पाइप में जब नोड एंटीनोड फॉर्म होते हैं पाइप के ओपन एंड पर हमेशा एंटीनोड फॉर्म होता है और क्लोज एंड पर नोड फॉर्म होता है तो ये एंटीनोड यहाँ फॉर्म होना चाहिए तो वो एंटीनोड यहाँ फॉर्म हो जाता है थोड़ा सा पाइप के बाहर उसी को हम लोग कहते हैं एंड करेक्शन जिसका फॉर्मूला होता है e 0 .3D. 0 .3D से हम लोग इसको निकाल लेते हैं देखो यहाँ पर दिखेगा आपको फॉर्मूला हाँ ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री डी वेर डीज द डायमीटर ऑफ पाइप ठीक है देन अगर पाइप एक ही एंड पर ओपन है तो एंड करेक्शन ई ही लगेगा अगर पाइप दोनों एंड्स पर ओपन है तो l प्लस टू ई लगेगा क्यों दोनों एंड्स पर एंड करेक्शन लगाना पड़ेगा आपको इसीलिए टू ई e लग जाएगा चलो यहां तक तो ठीक था देन आपको ये वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज दैट वन एंड सिंपल ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा आपको क्योंकि okay, आपको डिस्टेंसेस वगैरह का मैंने आपको अभी बता दिया था डिस्टेंसेस वगैरह का मैंने आपको बता दिया था ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस कितना बस और आपको फॉर्मुला यूज करना पड़ता है हो जाएगा आपका वी बायड़ा वेयर लैमडा मतलब क्या वेवलैंथ होता है और यहाँ पर कितना आएगा वह वेवलैथ एल के टर्म्स में वो आपको लैमड़ा का वैल्यू लिखना पड़ता है ठीक है पाइप ओपन और क्लोज ये अगले वाले में भी सेम चीजें आएंगी एक क्या करना है बेसिक सा चीज लेना है देखो अभी यहाँ पर क्या था क्लोज एट वन एंड था पाइप एक एंड पर क्लोज है मतलब ऐसे इसमें कम से कम क्या फॉर्म हो सकता है ऐसे हो सकता है देन और थोड़ा अगर आगे चला जाओ तो ऐसे फॉर्म हो सकता है और अगर आगे चला जाओ तो यहाँ पे दो लूप्स बन सकते दो लूप्स बन सकते और दो लूप्स बनने के बाद ये ऐसे बन जाएगा ये एकदम सिंपल सा चीज है यह आपको बेसिक से एडवांस पता होना चाहिए कि मिनिमम इतना चाहिए फिर यह होगा फिर यह होगा तो आपको डेरिवेशन बहुत ईजी जाता है ठीक है ये सेम चीज आपको किस में करना होता है पता है ये सेम चीज आपको करना होता है पाइप ओपन एट बोथ दी दी एंड्स एंड्स पर बोथ पर पाइप ओपन है तो कम से कम ऐसे फॉर्म होना चाहिए मतलब यहां पर एक एंटीनोड यहां पर एक एंटीनोड और यहां पर एक नोड ये मिनिमम कंडीशन है पाइप ओपन एट बोथ वाला कंडीशन में एक लूप तो बनेगा ही बनेगा भाई देन यहां पर ओपन बन जाएगा ये इसके बाद वाला कंडीशन इसके बाद कितना और एक अंदर दो सर्कल बनेगा और ऊपर हाफ नीचे हाफ बनेगा चलो समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करो जल्दी से अप कर दो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे भी स्टार मार्क कर दीजिएगा प्लीज इसमें भी सेम स्टेप से आप अगर एक डेरिवेशन अच्छे से कर लो ना तो दूसरे डेरिवेशन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है देन ये प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है ध्यान रखिए न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो इसमें पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स और पाइप क्लोज एट बोथ दी एंड्स। ये दोनों भी चीजें दी हुई है यहाँ पर देन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं ना तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने के कारण कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉर्म होती है तो मिनिमम देखो स्ट्रिंग अगर है तो सबसे पहले यार देखो यहाँ पर ध्यान दो सबसे पहले स्ट्रिंग अगर दो जगह पर फिक्स है तो ये मिनिमम है इतना तो लूप बनेगा ही बनेगा उससे ज्यादा आगे चले जाओ तो ये ऐसा लूप बनेगा उसके और आगे चले जाओ तो आपको ये ऐसा लूप मिलेगा इसका मतलब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको जैसे आप पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोर्ड एंड जा रहे हो चलो इसमें वही सेम चीज है ठीक है हाँ अभी आते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फॉर्मूला याद रखिए एन इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू एल्व अंडर अच्छा यहां पर एल मतलब क्या लेंथ एम मतलब लिनियर डेंसिटी एम मतलब क्या होता है लीनियर डेंसिटी

ये आपके तीन लॉज हो गए जिसे आप लोग लॉ ऑफ लेंथ लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी कहते हो ठीक है सर चलेगा देन एक सोनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट होता है साउआ चैप्टर सा ठीक है चलिए देन सोनोमीटर देखिए सोनोमीटर सोनोमीटर मतलब क्या है एक वुडन बॉक्स होता है वुडन बॉक्स जिस पर ऐसे दो जो नेम प्लेट वाले होते हैं ना कहीं ऑफिस में लगाए हुए वैसे दो वुडन के ट्राइंगर प्लेट्स लगाए गए उस पर एक स्ट्रिंग लगा दिया गया है यहां पर पुली और ये वेट्स लगा दिए गए यहाँ पर सोनोमीटर एक वो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उससे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो इसमें कितना फ्रीक्वेंसी आएगा क्या आएगा वो आपको निकालना होता है इस अरेंजमेंट को हम लोग सोनोमीटर कहते हैं अच्छा सोनोमीटर में भी कुछ नहीं है वो जो अंडर रूट देखा था ना बस वही वाला यहाँ पर भी यूज करना होता है है आपको उसी के लॉस का वेरिफिकेशन जैसे थर्मोडाइनिक्स में प्रोसेस में कुछ कॉन्स्टेंट था तो उससे एक इक्वेशन बना रहे थे हम लोग बस वैसे ही इसमें भी इक्वेशन बनाना है ठीक है देन बीट्स बीट्स मतलब क्या होता है देखो बीट्स एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है मैक्सिमम इंटेंसिटी वैक्सिंग कहलाता है और मिनिमम इंटेंसिटी वैनिंग कहलाता है एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलकर हम लोग कहेंगे कि एक बीट बनता है और नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी इसे हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बीट फ्रीक्वेंसी वाला देन इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है अच्छा ये डेरिवेशन पर अब मैं टाइम बिल्कुल भी, भी वेस्ट नहीं करूंगा क्यों पता है बिल्कुल पिछले वाले डेरिवेशन जैसा सेम है सभी स्टेप्स भी सेम है यहाँ पर देखो इक्वेशन भी आपको देखा देखा लग रहा वेव का होता है एक बार ये दोनों भी बस इसमें क्या होता है दोनों भी सेम डिरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में एज्यूम कर लेते हैं बस बाकी सारी स्टेप सेम है इसमें क्या करना होता है आपको टी निकालना होता है टी मतलब क्या एक दो बीट्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम पीरियड का और हर बीट के बीच में टाइम पीरियड का डिफरेंस सेम आता है जो कि होता है वन डिवाइडेड बाई एन वन माइनस एन टू वेयर एन वन मतलब फर्स्ट बीट का फ्रीक्वेंसी एन टू मतलब सेकेंड बीट का फ्रीक्वेंसी आवाज का ठीक है एक मिनट दाम एक आदित्य एक मिनट हां अभी देखिए एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स ये पढ़ लीजिएगा थ्योरेटिकल पॉइंट है देन लास्ट पॉइंट आता है इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या अलग अलग टाइप के होते हैं प्लग स्ट्रिंग टाइप जैसे गिटार होता है वीना होता है ये आता है इसमें देन बोर्ड स्ट्रिंग टाइप में क्या होता है वॉयलन होता है सरंगी होता है देन स्ट्रंग स्ट्रिप टाइप में संतूर पियानो ये आपने देखा होगा ये बस पढ़ लीजिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विंड इंस्ट्रूमेंट्स में फ्री विंड टाइप आता है फ्री विंड टाइप में हारमोनियम देन फ्लूट आता है इस टाइप में रीड पाइप में आपने शादी वगैरह में देखा होगा शहनाई वो होता है रीड पाइप्स में देन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिस पर ऐसे मेमब्रेन जैसा लगा हुआ होता है जैसे कि ढोल ड्रम एक मेमब्रेन जैसा फिट किया होता है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये था आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव हम लोग दो मिनट का मैं यही पर हूं अभी दो मिनट का ब्रेक लेंगे तब तक मैं सेल चेंज कर लेता हूँ ठीक है हेलो हेलो मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो थम्सअप कर दो बस चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला चैप्टर हमारा है जो कि बच्चों को डर लगता है वेव ऑप्टिक्स चलो वेव ऑप्टिक्स में कुछ नहीं है बहुत इजी सा चैप्टर है देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या कहना है वेव ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट पहले कॉर्पस्कुलर नेचर कहा था न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर नेचर मतलब क्या पता है मतलब लाइट कॉर्पसल पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है उसे कॉर्पसल्स कहा गया था देन उसके बाद आता था वेव नेचर वेव नेचर अच्छा लाइट के दो नेचर होते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्यों दोनों मतलब नेचर अज्यूम किए गए कंसीडर किए गए पार्टिकल नेचर से लाइट के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉpton इफेक्ट ये फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए

कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफर करने का सोर्स बनाते हैं इसे मैं वेवलेट्स कहता हूं और ये वेवलेट्स को जब मैं ज्वाइन कर लू तो इस ज्वाइन किए हुए वेवलेट्स के एक जो सरफेस है उसे मैं वेव फ्रंट कहता हूं और याद रखना वेव फ्रंट हमेशा लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रपेगेशन को परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट मतलब ऐसा ऐसा सरफेस जहां पर सभी पार्टिकल सेम एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं और वेवलेट्स मतलब क्या होता है

वेवलेट मतलब क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो ये सिंपल सा चीज हुआ then, आगे हम लोग जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या जो खुद का खुद लाइट प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी सोर्स मतलब उसे प्राइमरी सोर्स का हेल्प लेना पड़ता है हाइजींस प्रिंसिपल क्या होता है ये जो मैं अभी बता रहा था ना आपको बस वही हाइजींस प्रिंसिपल होता है देखो देन आगे जब मैं जाऊंगा ना आगे जब जाऊंगा तो आगे क्या होता है यहां पर ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला एक पॉइंट होता है रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट में क्या होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सेम होता है ये बस इसमें प्रूफ किया गया है सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके ये प्रूफ किया गया है आपको देन आगे एक आता है कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मतलब क्या जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो तब रिफ्रैक्शन होता है मतलब वो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं इसमें क्या प्रूफ किया गया है इसमें प्रूफ किया गया है एन वन साइन आई टू एन टू साइन आर अच्छा इसका मीनिंग क्या एन वन एन टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो मीडियम के आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन ये तो इजी था देन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है यह बताने के लिए टॉपिक है, इसको हम लोग होता है पर यही प्रूफ किया गया है तो क्या डिपेंड नहीं होता है फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है ना वो मीडियम लाइट का सेम होता है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल भी कर जाए तो देन एक चीज आता है पोलराइजेशन देखो अगर लाइट का रे है और उसका लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब लाइट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हर डिरेक्शन में है हर डिरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसे हम लोग कहते हैं अनपोलराइज लाइट इसे हम लोग कहते हैं अनपोलराइज लाइट अच्छा अनपोलराइज लाइट का कन्वर्जन पोलराइज लाइट में करने के प्रोसीजर्स को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज लाइट टू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन और इसके लिए जो भी यूज होता है ना जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पोलराइड बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पोलराइजेशन में देन ये देखो जो मैं जो मैं बता रहा था ये वही चीजें है सारी देन पोलराइजेशन देन देखो पोलराइजेशन बाय ब्रिविस्टर लॉ ब्रिविस्टर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कुछ नहीं उन्होंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना आय उसे उन्होंने थीटा भी कह दिया था

ठीक है देन इंटरफरेंस मतलब क्या जब दो वेव लाइट के एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे इंटरफेयर करेंगे उसे हम लोग इंटरफरेंस कहते हैं इंटरफरेंस दो टाइप के होते थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या क्रेस्ट क्रेस्ट मिले या ट्रफ ट्रफ मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस कहते थे डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या क्रेस्ट ट्रफ से मिले या ट्रस्ट ट्रफ क्रेस्ट से मिले उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस कहते थे ठीक है सर देन इसमें आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको वीडियो मिल जाएगा चलो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है दो स्लिट्स होते थे ठीक है अगर दो स्लिट्स होते थे दो स्लिट्स में इसमें आपको क्या निकालना होता है पाथ डिफरेंस निकालना है पाथ डिफरेंस मतलब क्या अगर दो वेव्स ट्रैवल कर रही है अगर वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो मैं कहूंगा कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस आया है तो यहाँ पर देखिए ये एक स्लिट एस वन है ये एक स्लिट एस टू है इधर से लाइट जा रहा है तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा लाइट कहाँ से आ रहा है मुझे लगेगा

ये हमारा पांच डिफरेंस आ गया था देन, फ्रिंज तो नाम का एक चीज होता है फ्रिंज मतलब वो फ्रिंजेश, ब्राइट फ्रिंजेश जो होते, उनका विड्थ होगा कुछ ना कुछ उस विजड़ा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल और ब्राइट दोनों का भी फ्रिंज सेम होता है टू पाए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा टू पाई इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा चलो देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक चीज याद रखना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये चीज आप आप याद रखना देन थ्योरी पढ़ लेना कंडीशन क्या क्या है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को प्राप्त करने के देन मेथड्स फॉर ऑप्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज ये दोनों भी पढ़ लीजिएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेशनल बायोप्रिज ऑप्टिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या जब दो पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों में मीडियम में चेंज कर दिया जाए तो उनमें पाथ का डिफरेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पाथ चलो देन एक होता है इंटरफरेंस अभी हो गया हमारा अभी होता है डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन मतलब क्या होता है लाइट डिफ्रैक्ट होना मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम दी एजेस कॉर्नर से जब लाइट बेंड होती है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन दो टाइप के होते हैं फ्रेशनल और फ्रॉन ऑफर फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन मतलब क्या जो स्लिट्स थे ना दो होल वाले तो अभी एक ही होल होगा वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा वो फ्रॉन डिफ्रेक्शन कहलाएगा फ्रेशनल डिफ्रेक्शन मतलब वो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस कम होगा हम लोग फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन ही यूज करते हैं क्यों पता है क्या फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन में स्मॉल एंगल अप्रोक्सिमेशन वैलिड होते हैं और फ्रेशनल डिफ्रेक्शन में स्मॉल एंगल अप्रोक्सिमेशन वैलिड नहीं होते बस इतना ही डिफरेंस है उन दोनों में चलिए ये तो मैंने बता दिया आपको देन फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट का उसका डेरिवेशन भी है वो याद रखना उसमें आपको क्या निकालना होता है डिफ्रेक्शन में सेंटर में आपको ब्राइट मिलता है देन डार्क मिलता है देन वापस से ब्राइट मिलता है आपको और क्या होता है डिफ्रैक्शन में सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है लाइट का देन कम 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 होते होते जाता है ठीक है यह हुआ आपका फ्रेशनल फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेबल को स्टार मार्क कर लीजिएगा डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे इसमें इंटरफरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों भी चीजें दी हुई है ठीक है देन आता है डबल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन आपका लास्ट पॉइंट आता है रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप रिजोल्विंग पावर मतलब क्या जब आप दूर से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो अगर आपको अच्छे से रिजोल्व हुए हुए मिले तो उसे आप कहोगे वेल रिजोल्व अगर दो अलग अलग हुए बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो जस्ट रिजोल्व और वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं तो उसे आप लोग कहते हो अनरिजोल्व तो ये रिजोल्विंग पावर पर डिपेंड करता है रिजोल्विंग पावर ज्यादा तो आपको ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करने का ज्यादा पावर मिलेगा चलो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला वन बाय ए होता है एन ए मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स वन लैबड़ा यह आपका फार्मूला किसके लिए होता है माइक्रोस्कोप विथ नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए अलग फार्मूला आता है वो आता है लैमडा डिवाइडेड बाय टू एन ए का होता है रिजॉल्विंग पावर मतलब वन डिवाइडेड बाय ए होता है रिजॉल्विंग पावर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए ये टू एन ए बायड़ा ये कुछ नहीं ये आप फॉर्मुलेज याद रखिए इसमें रिजॉल्विंग पावर पर क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे ठीक है यस yes, फास्ट हो रहा है यस yes, जल्दी जल्दी करो यस yes, यस yes, जल्दी जल्दी हो रहा है ये आपका हुआ वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर इसमें डेरिवेशन हार्ड लग सकते हैं बट प्रैक्टिस कीजिए कल का दिन है आपके पास अच्छे से हो जाएगा चलो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जंप कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया पर आप बोलोगे बीच में के चैप्टर्स बचे सर तो मुकेश सर आएंगे मुकेश सर वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट करेंगे तो अभी हम लोग जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया के ऊपर चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर अभी ये चैप्टर पहले दो पार्ट थे एटम्स एंड न्यूक्लियर तो यहां पर हम लोग एटम और न्यूक्लियर वैसे ही पढ़ेंगे पहले एटम वाला पार्ट है एटम में क्या होता है ना पता है क्या पहले रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था फिर प्लम पुडिंग मॉडल था थौंसंस का थौंसंस प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा था जो तरबूज जैसा प्लम पुडिंग वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था जो रेड कलर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्लैक सीड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो बाद में जाकर डिस्क्वालीफाई हो गया था वो एक्सपेरिमेंट देन

एन इक्वल्स टू फाइव और हम फेरी मतलब एन इक्वल टू सिक्स चलो देन आपको इंपॉर्टेंट क्या है देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल ही है इसमें अच्छा अभी ये डेरिवेशन थे इसमें आपको फॉर्मुलेस कौन से याद रखने है? देखो ये डेरिवेशन आर एन इक्वल्स टू ए नॉट एन आता है वेयर ए नॉट का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि होता है देन मतलब हो आप, वेलोसिटी आप का. का जो फॉर्मूला आया था वेलोसिटी के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो बताए कितर गया कितर गया चलो यहाँ पे मिल नहीं रहा है बट तो मैं लिख दूंगा कोई टेंशन नहीं है ठीक है चलिए देखिए इधर ही लिख देता आपको मिलता है देन एनर्जी का, मतलब का भी डेरिवेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सा डेरिवेशन है बस यहाँ पर एक चीज याद रखना यहाँ पर माइनस साइन पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड टू न्यूक्लियस होते हैं वो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है ये फॉर्मुला भी इंपॉर्टेंट है ई एन इक्वल्स टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स क्यर बाय एन स्क्र ये आपको किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी दे देगा जेड का वैल्यू पुट कर दो उस एटम का और एन का वैल्यू शेल नंबर पुट कर दो तो आपको एनर्जी का आंसर भी मिल जाएगा ईवी में अच्छा ये आप डुअल नेचर में अभी पढ़ोगे ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ठीक है देन ये वाला ही डायग्राम जो मैं बता रहा था आपको देखो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट होता है ये फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड ये एन के वैल्यूज दे रखे हैं यहां पर अगर आ रहा है तो लीमन सीरीज यहाँ पर बालमर यहां पर पाश्चन यहाँ पर ब्रैकेट पी फंड हम फेरी ऐसे चलता जाता है ये ई के वैल्यूज हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक -like एटम्स के लिए था यस चलो ये हुआ एनर्जी लेवल्स वाला देन आपको एक्साइटेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर एक्साइट कराना अगर है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा आपको उसे आप लोग कहते हो एक्साइटेशन एनर्जी देन लिमिटेशन क्या क्या थे बोर्स मॉडल के वो देख लेना देन डीप रॉगली एक्सप्लेनेशन आता है डीप रॉगली में ये चीज इंपॉर्टेंट है डीप रॉगली एक्सप्लेनेशन में एमवीआर टू एमवीआर टू होता है एन एच अपॉइन टू पाई ये कहा जाता है एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए देन अभी ये था एटम्स वाला पार्ट देन जस्ट एक सेकेंड ये था एटम्स वाला पार्ट देन अभी न्यूक्लियर वाला पार्ट आता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आप लोगों को पता है न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अच्छा आपने ये सुना होगा कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उसका रीजन यही है कि न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो कांस्टेंट होने के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है उनका रिपल्शन बढ़ जाता है इसीलिए वो अनस्टेबल होता है अच्छा अभी ध्यान दीजिए तो तुरंत तो ब्रेक नहीं होता है तो उनको पकड़ के भी कुछ तो रख रहा होता है तो आगे आएगा कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर रख रहा है वो फोर्स उसको एनर्जी लगेगी कुछ ना कुछ उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं ठीक है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं और दोनों को मिलकर कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं देन ये आपको वैल्यूज याद रखने मास के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है अप्रोक्सिमेटली देन एक एटॉमिक मास यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास यूनिट मतलब C12 कार्बन 12 आइसोटोप का मास निकाल लीजिए उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा वन एटॉमिक मास यूनिट ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वैल्यूज एटॉमिक मास यूनिट्स में ठीक है देन साइज ऑफ न्यूक्लियस ये सिंपल था जो मैं आपको बोल रहा था रेडियस आप निकाल सकते हो देन डेंसिटी जब आप निकालोगे ना तो डेंसिटी का एक वैल्यू कांस्टेंट आएगा इसका मतलब हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है ये उसमें से बताने का ट्राई किया गया है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे जो मैं आर का डेरिवेशन बताया वी का बताया और एनर्जी का बताया चलो देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देखो इज इक्वल्स टू एमसी स्क् ना यस इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर होता है बस बाइंडिंग एनर्जी का भी वही फॉर्मूला है डेल्टा एम इन टू सी स्क्वेयर वह डेल्टा एम आप लोग कहते हो मास डिफेक्ट अच्छा मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है पता है क्या जब आप मास निकालते हो कोई भी न्यूक्लियस का तो आप एक्सपेरिमेंटल थियोरटिकल मास जो निकालते हो और एक्सपेरिमेंटल जो निकालते हो उसमें ना डिफरेंस आता है उसे आप कहते हो मास डिफेक्ट ये क्यों आता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास निगलिजिबल कंसिडर करते हैं वजह से वो प्रॉब्लम आता है देन ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक होता है एक होता है बाइंडिंग एनर्जी और एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी डिवाइडेड बाय ए जिस एलिमेंट का जिस एटम का बी बाय ए का वैल्यू ज्यादा उसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल तो ये ग्राफ जब आप देखोगे इस ग्राफ में देखते हुए आपको पता चलेगा कि एफी का जो वैल्यू है ना तो ये एफी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है और बाकी ये स्पाइक्स इसीलिए आ रहे हैं ताकि आजू बाजू वाले एलिमेंट अनस्टेबल है उससे इसीलिए वो स्पाइक्स दिखाए गए ठीक है देन रेडियो एक्टिव डीकेज डीके डीके में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम जाता है ध्यान दीजिए डीके मतलब क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के कारण वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है ना कि एटम को डिस्ट्रॉय कर देता है तो इसलिए हम लोग डीके के चार टाइप्स होते हैं अल्फा डीके एक बीटा डीके एक गामा डीके और एक के कैप्चर जो आपके सिलेबस में नहीं है अल्फा डीके में क्या होता है अल्फा पार्टिकल इमिट कर किया जाता है अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम टू प्लस बस देन बीटा डीके बीटा डीके में क्या होता है बीटा डीके में भी दो होता है एक बीटा नेगेटिव होता है और एक बीटा पॉजिटिव होता है बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट किया जाता है बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन इमिट किया जाता है बस इतना ही डिफरेंस है जब पार्टिकल अल्फा डीके कर ले न्यूक्लियस और स्टेबल ना हो तो बीटा डीके करेगा बीटा डीके करके भी स्टेबल नहीं है तो गामा डीके पे जाएगा तो गामा डीके क्या है सर गामा डीके कुछ नहीं है जो गामा रेडिएशन इमिट होते हैं उसे, उसे गामा डीके कहते हैं हम लोग देन नेक्स्ट चीज आता है रिएक्शंस वाला रिएक्शंस वाला नेक्स्ट चीज मतलब और ये जो है लॉ ऑफ

Fuson मतलब टूटना अगर एक हेवी दो लाइट न्यूक्लियर में टूट रहा है तो उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे इसका रिएक्शन याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है देन न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या दो लाइट न्यूक्लियर मिलकर एक हेवी न्यूक्लियर बनता है उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं देन चेन रिएक्शन एक चीज होता है चेन रिएक्शन मतलब क्या एक रिएक्शन जो कंटिन्यूअसली है मतलब कंटिन्यूअसली प्लेस हो रहा होता है मतलब हो रिएक्शन

तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर में ठीक है चलो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से देखो अभी अभी हमने फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ रोटेशनल डायनेमिक्स फ्लूड्स हो गया है केटीजी एंड रेडिएशन हुआ थर्मोडायनेमिक्स हुआ ऑसिलेशन हुआ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हुआ वेव ऑप्टिक्स हुआ और अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर हुआ है आपका ओके okay, इतने हो गए सर यस yes. बहुत बढ़िया अब मैं आ रहा हूँ भैया अभी, तो अभी सर आए तो अभी सर जोरदार बैटिंग करेंगे अभी सर कंटिन्यू दस बजे से लेक्चर चालू है आज ठीक है कंटिन्यू हाँ बीच में थोड़ी ही सर आए कौन से जिशान, जिशान सर हाँ। जिशान सर ने भी बहुत हेल्प की है और बाद में आज लगातार बारह घंटे का टारगेट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है बीच में समय मिला तो उस समय में हमने क्या किया होगा सर पता है वीडियो शूट किया था वो न्यूज का अच्छा हाँ, वो, वो मतलब खाली टाइम बैठे ही नहीं सर आज यस और बीच में टाइम मिला है तो भैया नाश्ता करने गए थे मतलब वो काम ही होता है नाश्ता करके जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है के लिए एनर्जी चाहिए यस तो।, हाँ, हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है मैं सर बिल्कुल बैटिंग करूंगा अभी हम <laughs> सेंटर कॉपी नहीं चलत रहे हूँ कॉपी नहीं चलती है बहुत बढ़िया बात है अच्छी बात है ठीक है चलिए फटाफट लेता हूँ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि सर मुझे और भी बहुत सारे वीडियो शूट करना है बच्चों के लिए तो भाई चलो बढ़ते हैं आगे ऐसे ही जाता हूँ आगे है ना क्योंकि ये सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर पे आ जाओ भाई कहा गया बेचारा अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देखनी है जिनको ये डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए ये ब्लॉक डायग्राम होती है ब्लॉक डायग्राम आती है एग्जाम में ठीक है ना तो ये एग्जाम में कर लेना एसी सर्किट मेन लगाते हैं ट्रांसफार्मर जैसे कि आपके घर में भी पता है ना आपको डीपी से लाइट आती है वहां पे हाई वोल्टेज होता है वहां से 230 220 का वोल्टेज आता है ना तो ये ट्रांसफार्मर ही होता है वो डीपी को ट्रांसफार्मर बोलते हैं ठीक है ओके okay, बाद में रेक्टिफायर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे यस yes, रेक्टिफायर सर कल का तीन बजे सेशन ठीक है ओके रख देता हूँ चलिए बाद में फिल्टर है बेटा फिल्टर कर दिया वोल्टेज रेगुलेटर लगाया ठीक है ना तो ये डायग्राम आप लोगों के सामने है थोड़ी सी याद होनी चाहिए अच्छी तरह से याद करना है कोई भी हालत में ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट हाफ प्योरेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाफ प्योरेक्टिफायर में हम लोगों को क्या करते बेटा एक ही डायोड लगाते हैं ठीक है ना ये यहाँ पे ए लगाते दो का वोल्टेज ए है बेटा ये ए, ये रेक्टिफायर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं रेक्टिफाई करते हैं हाफ साइकिल ओनली होती है तो यहां पे जब पॉजिटिव साइकिल होती है मैं लिख के देता हूं आप लोगों को पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो कोई टेंशन नहीं है कर देते ठीक है शायद यहाँ पे हमारे पास ओके थोड़ा सा ऐसे डायग्राम निकालता हूं ताकि पता लगे ठीक है बच्चे देखते हैं ओके ये है हमारी फुल साइकिल ठीक है अब जब पॉजिटिव साइकिल होती है तभी डायोड कंडक्ट होता बेटा मतलब पहले साइकिल में यहां पे डायोड कंडक्ट होगा बाद में यहां पे देख पा रहे आप लोग यहां डायोड कंडक्ट होगा मतलब ये जो है पॉजिटिव साइकिल हाफ जो साइकिल वो रेक्टिफाई होती है हाफ साइकिल नहीं होती है ठीक है ना इसी को हाफ योर एक्टिफाई कहते बेटा इसी को हाफ योर क्योंकि यहां पे जो साइकिल पॉजिटिव है मतलब एनोड को हाइयर पोटेंशियल होना चाहिए और इस यहां लोअर

जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल लेंगे ये पॉजिटिव साइकिल है बेटा ये ये पॉजिटिव साइकिल है ठीक है यहाँ पे तो पॉजिटिव जब साइकिल रही तो डायोड डी वन कंडक्ट होता बेटा कौन सा है डी वन कंडक्ट होता है ठीक है क्योंकि इसके एनोड को हाइयर और कैथोड को लोअर पोटेंशियल है ये फॉरवर्ड बायस होगा डायोड डायट डी टू रिवर्स बायस में क्योंकि इसके एनोड को निगेटिव है समझे मतलब आप निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल आप देखते यहाँ हाइयर यहाँ लोअर राह तो तो डायोड को देखते हैं एनोड है कनेक्ट को तो ये रिवर्स बायस तो है। है तो करते -करते यही कॉन्सेप्ट बताना है आपके एग्जाम में बाकी कुछ नहीं बताना बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का इतना सारा प्यार के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू हमारे यहाँ पे सभी फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक की फैमिली तीन लाख बीस हजार हो चुकी है यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात लगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को थैंक यू यार मुझे तो लग रहा है कि एग्जाम के दिन तक तो दो लाख मतलब पच्चीस तक तीन लाख पच्चीस तक पहुंचा दोगे आप है ना पहुंचाने का आपका वादा है तो वादा कंप्लीट और लाइक भी पच्चीस सौ कर दोगे ये भी मुझे लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों फटाफट है ना बस ये बोलना मैंने जैसे बोला है वैसे ही बोलना बेटा ठीक है ना हाँ उसके बाद में हमारे पास

रिपल फैक्टर कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं रिपल फैक्टर का फॉर्मूला याद करके जाओ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी का मतलब डीसी में एसी का कितना कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसको रिपल फैक्टर कहते हैं फिल्टर सर्किट है बेटा फिल्टर में क्या होता है हमारे पास एक्चुअल में व्हाई ये बच्चों कि हमारा जो ये अरे हाँ, हमारा जो एसी है करेक्ट है ये एसी है इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा डी से में ये कंपोनेंट मिल रहा है इसे बराबर है लेकिन ये प्योर डीसी है क्या नहीं तो प्योर डीसी करना है तो यहां पे ऐसे बन के ये जो बेटा ऐसे बन बनकर ऐसी ऐसा ये काम करता है ये कैपेसिटर इसको पाइट फिल्टर भी बोलते हैं लेकिन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं अंदर जाने वाला हूं देखो ये एसी इंटू डीसी करने का काम कर रहा है ठीक है जीनर ब्रेकडाउन जीनर एक ऐसा डायड बेटा ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है जीनर डायड एक रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है इसी को जीनर डायड कहते हैं यहाँ पे जीनर के कैरेक्टरिस्टिक देख सकते बच्चों कैरेक्टरिस्टिक से मैं ध्यान रखना है हम लोगों को ग्राफ लिखना पड़ता है यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल किसका है वो इंपॉर्टेंट है अगर सिलिकॉन हो तो जीरो होल्ड पे वो क्या करता है अपने अंदर का जो भी करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है क्योंकि वहां पे जो जंक्शन है वो तोड़ने में ताकत लगती है इसको और वही नहीं सिलिकॉन में जीरो पॉइंट सेवन है और जर्मनी में जीरो पॉइंट थ्री है बेटा ठीक है डिपेंड मटेरियल पे करता है करंट फ्लो नहीं होता है होता नहीं है बाद में एक कंडीशन आ जाती है जिसपे हमारा ब्रेक डाउन रीजन हो जाता है ठीक है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग द दिनर डायरबोल के रेगुलेट करना मतलब कांस्टेंट आउटपुट देना भले इनपुट में कितना भी चेंज हो जाए आउटपुट कांस्टेंट मिलता है बेटा इसी को वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं इसी को ये डायग्राम ड्रा करनी है भले आपका इनपुट कितना भी चेंज हुआ लेकिन आउटपुट हमको कांस्टेंट मिलता है ठीक है चलो बढ़ते आगे आगे बढ़ते बच्चों ज्यादा ये नहीं करना है हां जिनर के थोड़े से इक्वेशन देख सकते हैं यहां पे ओके ये इक्वेशंस कर सकते हैं जिनर के लिए हमारे पास

बहुत ऑपरेशन फास्ट होता है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम सेल सोलर सेल काम होता है सोलर एनर्जी कैन यूज टू मेनी वे इट पोल्यूशन फ्री आपके घर पे ऊपर भी होगा सोलर कितने लोगों के घर पे है बताओ एक बार कितने घर पे है? कितने लोगों के घर पे है सोलार सेल लगाया वही सोलर सेल देखो यहां पे कैसा होता है यहां पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोट होती बेटा, यहाँ पे ये देखो, अच्छी से है फ्रंट कॉन्टेक्ट होता है इमेटर होता है बेटा इसके ऊपर ग्लास जैसे कोई प्लेट होती है ताकि सन से लाइट आएगी तो डस्ट पार्टिकल कुछ ना जाए अंदर जैसे जाएगी पीएन जंक्शन जो बेस है रेयर है यहां पे क्या होता है बेटा जैसे ही लाइट आ गई वैसे इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है राइट है बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है आगे बढ़ देते हैं आगे देखो यहाँ पे देख सकते यही ये देखो जैसे लाइट आ गई इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो गए इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर और होल्स आ गए नीचे तो क्या होगा इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो करंट फ्लो होता है पता इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट होगा इसके अपोजिट में फ्लो होगा

जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं मैं बाकी ज्यादा नहीं आपको लग रहा है कि पढ़ के बताना है क्या नहीं बताऊंगा मैं लाइट इमिटिंग लाइट इमिट कब होता है तो लाइट इमिटिंग डायोड का काम होता है बेटा यहाँ पे एलईडी बोलते हैं कॉमनली डायोड आर द लाइट लार्ज फॉरवर्ड करंट पास होता है तब होता है लाइट बाहर आती है फोटो डायोड में अंदर आती है यहाँ बाहर जाती है तीन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है लिख के दे रहा हूं ये डायोड का सिंबल है ये डायोड का सिंबल है बेटा एमसीक्यू जाता है इसके ऊपर है दूसरा है जीनर डायड का सिंबल होता है आपको पता होगा ऐसे ये जीनर डायड देखो ये डायड जीनर डायड एक और एक डायड है बेटा जिसमें हमारे पास लाइट अंदर आती है फोटो डायड कहते हैं और एक होती है जिसकी लाइट बाहर जाती है यमसी क्यों जाता है बेटा हाँ ये है हमारा एलईडी ये एलईडी है ये कौन है बेटा ये है फोटो डायोड है फोटो डायोड है बेटा ये ये कौन है जीनर डायोड है बेटा जीनर डायोड है ठीक है डे टाइम आपको पता है <laughs> जैसे कि दिन भर चार्ज करो रात में यूज करो आजकल तो वॉचेस घड़े सब इसके सोलार सेल पे चल रही है।, है ना चल रही है हमारी देखते यहाँ पे जैसे जैसे यहां पर देखते हैं लाइट डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत है बायस में कैसे करंट फ्लो होता है ठीक है मैं थोड़ा सा एक डायग्राम मेरे हिसाब से निकालता हूं यहां पे जैसे कि ये सीबी जंक्शन है कंडक्शन और वीबी जंक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है सीबी जंक्शन में वीबी में जब आता है

ये सॉलिड स्टेट में लाइट बनाने वाला है है ना मतलब ये टुट्टा फुट्टा नहीं जल्दी से बहुत ही अच्छा होता है ऑलमोस्ट वार्म अप टाइम नहीं लेता पहले गर्म होते थे लाइट बाद में चालू होते थे आजकल ऐसा नहीं है एक्सलेंट कलर अलग अलग कलर के लाइट आजकल मिल रहे आप लोगों ने देखा होगा सिग्नल पे रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट देखा है क्या आपने अलग अलग कलर के लाइट बना सकते इससे ठीक है चलिए एप्लीकेशन एलईडी एलईडी है ना वेराइटी ऑफ वे सच द बलगर अलार्म सिस्टम काउंटर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंडिकेटर लैम्प है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आजकल बड़े बड़े होल्डिंग मशीन बनाई है एलईडी से बनाए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं नाम होते हैं एलईडी है घड़ी में भी एलईडी है कहां कहां एलईडी नहीं है भैया जहां देखो वहां एलईडी ही एलईडी है मेरे भाई समझे क्या आप बीजेटी बायपोला जंक्शन ट्रांजिस्टर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं बच्चों शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है बहुत ज्यादा कैसे सर देखो हमारे पास कैसे पहचाने सर तो करण कहां से कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो जहां से करंट जाता है उसको बोलना है पॉजिटिव से करंट जाता है निगेटिव की तरफ समझे जो यहां लिखा वही यहां लिखना है आई विल रिपीट करण कहां से जाता है बेटा पॉजिटिव से देखो करण ऐसा जा रहा है अंदर मतलब करंट का डायरेक्शन करंट करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है लिखा जो यहां लिखा वही लिखो करण कहां से कहा जाता है बेटा पॉजिटिव से मतलब ये पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव की तरफ जो यह है यहां यही लिखना खत्म किस्सा इसमें गलती नहीं होगी मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे बच्चे इसमें गलती किसी की नहीं हो सकती ठीक है हंड्रेड परसेंट नहीं होती हंड्रेड परसेंट गलती नहीं होगी आपकी गारंटी बोलता हूं मैं चलिए आगे बढ़ते बच्चों तो इसी से हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर ठीक है तो एनपीएन पीएनपी तो यहाँ इमीटर बेस एंड कलेक्टर होता है ठीक है इमीटर किसको किसको बोलते है, बेस किसको बोलते हैं हैं बेस ये भी यहाँ पे दिया है था? आप लोग देख सकते हैं इमीटर मतलब ठीक हेवीली डोप होता है ले सप्लाई लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता हैं मेजोरिटी चार्ज कर बेस मतलब वेरी थिन और लाइटली डोप होता है सेंट्रल में होता है कलेक्टर कलेक्ट करने का काम करता है मॉडरेटर साइज का होता है ठीक है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं है, वो फॉरवर्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए रिवर्स बायस होना चाहिए फिर वो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आपको पता होना चाहिए लेकिन उसके लिए ठीक है वही कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉमन इमीटर करना है हम लोगों को कॉमन इमीटर करके यहाँ पे एम्पलीफायर एम्पलीफाई का, का काम क्या होता है बेटा क्या होता है जैसे मेरी आवाज है। अगर आपको बड़ी सुनिए तो आप लोग क्या लगाते हो एम्पलीफायर लगाते हो आवाज बड़ी आप करते, ना, करते है। पता है आपको मतलब सिग्नल कितना भी वीक हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम यह एम्पलीफायर करता है तो इसके इनपुट आउटपुट बहुत है बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्ञान दूंगा आपको कुछ बीटा डीसी और अल्फा डीसी देखो सिंपल सी बात है बीटा क्या होता है आईसी अपॉन आईबी हमारे पास तीन करंट है एक तो पहले थोड़ा सा यहां पे ज्ञान की बात हो जाए तो मजा आ जाए ठीक है यहाँ पे ज्ञान देता हूं देखो हमारे पास एक तो जो इमिटर करंट होता है बेटा वो करंट होता है IB plus IC तीन ही करंट तीनच करंट है ठीक है ठेके? फिर यहाँ बीटा लिखते हैं और यहाँ अल्फा इनका रेशियो देखते हैं IC 100% ऊपर ही लिखना है IC 100% ऊपर ही लिखना है, क्योंकि ये आउटपुट है देखो बीटा है तो बेस करंट लिखो जो बचा है इसके नीचे लिखो क्या आपको समझ में आ गया बेटा देखो तीन करंट है आई बी आईसी और आई आईसी हंड्रेड परसेंट ऊपर बीटा बेस बीटा बेस जो रहा ये. खत्म किस्सा कोई टेंशन तो नहीं है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा आईई e करंट जो होता है वो होता है आईबी प्लस आईसी ठीक है ये बात समझ में आ गई ये देखो ये इक्वेशन लिखा मैंने ये लिखा मैंने ये भी आपको पता लगा भी कि अल्फा जो होता है बेटा मुझे बताना है आईसी अपॉन आई बच्चों को वैल्यू समझ में नहीं आती मैं थोड़ा सा वैल्यू क्लियर कर देता हूं बेस इज वेरी इट बहुत कम करंट फ्लो होता है बेस में बहुत करंट फ्लो होता है तो बेटा ये ये लार्ज होगा ये लार्ज ज्यादा आंसर मिलेगा क्योंकि आईसी बाईबी ना के बराबर ही होता है तो ये बड़ा डिवाइडेड आईसी ज्यादा है करेक्ट है अब आई तो बड़ा है बहुत बड़ा है क्योंकि हमने क्या किया था देखो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी लिखा है समझ में आ रहा है ऐसा भी बोला जाता है यहां पे सी लिखते आई बी वेरी लेस आई बी वेरी लेस ठीक है कॉन्सेप्ट को समझो अभी बहुत छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर से डिवाइड किया तो लार्ज अब आईसी छोटा है ना छोटा है क्योंकि आईबी आईई बड़ा है

वीसी कांस्टेंट रखा तो हम लोगों को 0.7 0.3 पे कैसे ये होता है वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर एम्प्लीफायर पढ़ के जा रहा ये है इनपुट है और आउटपुट कैरेक्टर ठीक है हाँ जी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अब मुझे लगता है कि लॉजिक गेट में तो बताने की जरूरत नहीं, नहीं होगी थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा लॉजिक गेट में ये एमसी आता है गेट के बारे में ये देखो और गेट में प्लस होता है ए प्लस भी देखो यहाँ पे एडिशन हो होती है जीरो प्लस जीरो 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 प्लस वन 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 प्लस जीरो जीरो सॉरी एंड गेट में क्या होता है जो हो रहा है उसका उल्टा सिंबल ध्यान में रखो जो हो रहा है उसका उल्टा जीरो का वन वन का जीरो बाद में एंड गेट में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी होता है ए डॉट बी होता है ठीक है मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होने के नाते यहां पे इसका ये कहा गया भैया हाँ मल्टीप्लिकेशन होने के नाते ये कहा गया भाई कहा गया रे इसका ट्रू टेबल नहीं मिल रहा है कि है, है ये देखो यार मल्टीप्लिकेशन जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो वन मल्टीप्लाई जीरो और नॉर गेट क्या होता है और गेट का उल्टा पहले नाइन गेट देखता हूं देखते हैं यहां पे गेट पर उल्टा देखो जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो, 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 वन वन जीरो समझे क्या है? और इसका लॉजिक भी समझ में आना चाहिए इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई अदरवाइज जीरो ऐसे बोलते लॉजिक भी समझ में आना चाहिए चलिए नॉर्गेट भी समझा होगा नॉर्गेट देखो उल्टा जीरो प्लस जीरो

ठीक है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के तरफ बढ़ते हम लोग और खत्म कर देते फटाफट क्योंकि अभी हम लोगों को ज्यादा समय लेना भी नहीं है फटाफट खत्म करना है बस क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट था इसलिए रिवीजन ले रहे क्योंकि हमने न्यूमेरिकल सीरीज ठीक है न्यूमेरिकल सीरीज भी ली है और सब सीरीज जो है न्यूमेरिकल डेरिवेशन दो मार्क के लिए भी कल जो बच्चों को फेल होने का डर है जिनको लगता है मेरा रिवीजन अच्छा हो जाए उनके लिए कल सेशन रखेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से ताकि सभी बच्चों को फायदा हो जाए ठीक है ये मकसद है बाकी कुछ नहीं चलो बस बस ना बाबा बाश ना बाश, ओके आ गया आ गया आ गया दिल चुराने आ गया भाई चल हाँ चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले तो गौसला पता होना चाहिए गौसला ध्यान में रखो बच्चा है ना फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू अपॉन अफ्सलॉन नॉट ठीक है और close integer e dot इसी को हम लोग e ds cos theta लिख सकते e ds cos theta. समझ में आ रहा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बेटा ठीक है ये है डायग्राम डायग्राम में ध्यान रखना है हमारे स्पीय पे कोई चार्ज है. चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ये और गॉसियन सरफेस क्लोज निकालनी पड़ती है ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होगी किसके पॉजिटिव चार्ज से और इसका गिवन एरिया तो एरिया पे राइट हैंड रूल लगा के ऐसे एरिया भी डी पैरेलल पैर तो ये कॉस थीटा का वन मिलेगा और मिलेगा क्या ई इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या बेटा अभी फोर पाई आर स्क्वायर समझ में आ रहा है आपको फोर पाई आर स्क्वायर लेकिन चार्ज क्या है तो यहां पे जो फ्लक्स था वो फ्लक्स है चार्ज अपॉन एप्सलॉन नॉट इज तो इक्वल टू ई फोर पाए आर सी वन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकता हूं इसी से यहाँ पे वन बाय फोर पाए एप्सलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर सी वन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिला है सिंपल है ना ओके अभी चार्ज क्या होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी था चार्ज पर यूनिट एरिया फोर पाए आर यस बेटा क्यू इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क होगा क्यू के जगह तो लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू के जगह पे लिखना था फोर पाईर सिकमा डिवाइडेड बाय फोर पा नॉट आर स्क्र फोर पाई फोर पाई कैंसल तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है सिग्मा आर स्क्र और एफ्सलॉन स्मॉल अब capital r, small r से रखो तो कैपिटलॉन मिल जाएगा खत्म साथ ज्यादा मत जाओ ना इसके अंदर अभी समय नहीं है समय के साथ चलना पड़ेगा यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल डेरिवेशन लगता है मुझे ये देखो सिंपल सी बात है हम लोगों को यहां से मैं चालू कर रहा हूं है ना इॉट e डी होता है ये तो सबको पता है e इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है बेटा बताओ टू पाई आर लेकिन ये फ्लक्स बेटा और फ्लक्स होता है यहां पे Q अपॉन अफ्सला नॉट इज इक्वल टू ई टू पाई आर एल ठीक है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा और चार्ज होगा बेटा लैमडा इंटू यल चलो वैल्यू प्रोटेक्ट कर देते तो चार्ज इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय E बेटा ठीक तो है तो गेट भी कैंसिल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास ई इज इक्वल टू ये होगा बेटा यहाँ पे टू पांग नॉट और ये आर यही इलेक्ट्रिक फील्ड फील्डिटी मिलगी खत्म किस्सा मिलेगी नहीं हाँ भैया शॉर्टकट में बड़ा डेरिवेशन करने का ही नहीं है जब पॉजिटिव रहा तो आउटसाइड में होती है इनसाइड कब होती है अंदर कब होती, होती है बेटा सबको पता चाहिए अंदर कब होती है निगेटिव चार्ज रहा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है चलिए बढ़ते आगे प्लेन सीट रही तो दो सरफेस चार्ज डाला तो इधर भी जाता है चार्ज इसीलिए हम लोगों ने यहां पे ई e ए e तो फ्लक्स इज इक्वल टू टू डाला है फ्लक्स क्या होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू ई e ए समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है है ना चलिए चार्ज क्या बेटा तो सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू ए चलो सिग्मा ए नॉट बेटा ए ए। तो ए ए तो तो ना ना? डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को मुझे लगता है कि सादे भाषा में बताने की कोशिश है मेरी बाकी कोई दूसरा कुछ नहीं है ठीक है ना आप जितना सादे भाषा में बताओगे उतना मजा आएगा बोलना सर ओके

क्वल टू वन बाय फोर पा ये Q Q नॉट ठीक है, है बेटा यहां पे one by R2 minus one by R1. समझ पा रहे हो यही मेरे पास फार्मूला मिला है करेक्ट मिला है बेटा या आप लोगों को आर टू इज इक्वल टू आर वन डालना है और आर वन इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आता है तो यही फार्मूला वन बाय फोर पा एफ्सल नॉट आपके बुक्स में लिखा है बेटा क्यू क्यू नॉट है ना और ये यहाँ पे आर ऐसे लिख सकते हैं ये भी फार्मूला सही है सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश चालू है बहुत ज्यादा खिचिड़ी नहीं करने का मेरे को देखो यही फार्मूला लिखा है बाद में हम लोगों को पोटेंशियल का भी फार्मूला निकालना था आई थिंक पोटेंशियल का फार्मूला निकालना है ये हो गया यहाँ तक का देखो ये जो मैंने प्रूफ दिया अभी ये प्रूफ है यू इज इक्वल टू वन बाय फोर क्यू नाट ना ठीक है ओके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल

V1 बोलना पड़ेगा ठीक है इन दोनों का रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई कैसे लाया थी? बता देता बेटा वर्क का फॉर्मूला है देखो क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेकिन इसी को मैं E इंटू डी आर लिख सकता हूं dX लिखा तो dX क्यों सर क्योंकि एफ होता है क्या एफ इज इक्वल बेटा या क्यू इंटू

ये पोटेंशियल का सेम डेरिवेशन से जैसे मैंने बताया था देखो फोर से फोर से यहां पे फोर्स युवल टू वन बाय फोर नॉट क्यू बाय स्क्तर है ना सेम सेम खाली बस फोर्स इंटू लिखा है आर की जगह पे क्या है बेटा यक्स पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का सेम खाली बस यहां पे क्यू नहीं लिखना है क्यू नॉट को नहीं लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू वन लिखनी बेटा क्या लिखनी है वन लिखनी है बात समझ में आ रही है सेम 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 क्वेश्चन बस ये क्यू नहीं है बाकी कुछ नहीं एक क्यों नहीं है पोटेंशियल का सेम इसका ग्राफ भी ध्यान रखो बच्चों ठीक है इसका थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई अच्छी तरह से करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो भी मैं पोटेंशियल बता देता हूं यहाँ पे वन बाय फोर पा एफसे क्यू वन है ना यहाँ पॉजिटिव क्यू लिखो सर ताकि बच्चों को पता लगे और ये आर

और आर टू की वैल्यू है आर प्लस यल थीटा ठीक है बेटा मेरा डेरिवेशन देखो वो उसी हिसाब से करना पड़ेगा आपको ठीक है उसी हिसाब से करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे मैंने करके दिया बेटा तो पोटेंशियल मिलता है यूनिट वेक्टर तो आर स्क्वेर है ठीक है या एक्सीएल पे है यहाँ पे भी एक चार्ज के कारण कितने पोटेंशियल इक्की पोटेंशियल सर्पेस है फिर ये कोई भी सरफेस पे कहीं पे भी, भी गिनो यहां गिनो यहां गिनो कहीं पे भी, भी गिनोगे तो पोटेंशियल सेम मिलता है ठीक है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो हाँ एक डेरिवेशन अच्छी तरह से करो बेटा टॉर्क लगाते हैं हम लोग और टॉर्क में आता है डेरिवेशन टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा करेक्ट है मुझे वर्क डन निकालना है तो टॉर्क थीटा पे डिपेंड है और ये डी थीटा यस बच्चों तो वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है पीई इंटीग्रेशन -E में साइन थीटा इंटू डी थीटा ला क्या करना नहीं यहां पे देखते हैं देखो पी है ना इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता, मिलता तो है माइनस थीटा मिलता बेटा तो हाइयर लोअर लिमिट माइनस ये माइनस माइनस प्लस होता है न्यूमेरिकल तो भी आता है हा? ओके ये याद रखना ये हमारे पास जो मिला है पोटेंशियल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखने से ओके एक फार्मूला याद रखो चलिए उसके केसेस भी है यहां पे उसके केसेस भी रखे डाइलेक्ट्रिकल क्या होता है बेटा तो डायलेक्ट्रिकल एक इंसुलेटर है विच कैन बी यूज टू स्टोर टो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने में काम आता है ओके यहां पे सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव का होता है वो सेंटर सेंटर में सेंटर में का भी होता है तो इसको डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग पोलराइजेशन करने वाले पॉजिटिव तरफ निगेटिव तरफ पोलर नॉन पोलर पढ़ेंगे इसी से इसी से हा फ्री चार्ज क्या होता है जो कि इलेक्ट्रिकल व्यूअर्स कंडक्टर इंसुलेटर अंडरस्टूड दिस बेसिस मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है इसको इजीली लूज है इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं है ना इसको फ्री चार्ज करते हैं और बाउंड चार्ज जो न्यूक्लियस में होते हैं उसको फ्री करना आसान नहीं उसको बाउंड चार्ज कहते हैं बेटा ठीक है पोलर मॉलिक्यूल क्या कहते हैं जिसके है ना पोल पोल तैयार होना चाहिए है ना मॉलिक्यूल विथ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कॉन्सेट मतलब

है ना यस सी है और नॉन पोलर मतलब क्या नॉन पोलर मतलब क्या बेटा नॉन पोलर मतलब होता है इसके जो भी ठीक है नॉन पोलर मतलब सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और निगेटिव का एक ही जगह पे देखो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव का सेंटर यहां है ठीक है और निगेटिव इसका इलेक्ट्रॉन का निगेटिव का यहां है मतलब एक दूसरे के ऊपर कोलाइड से ठीक है समझ में आ रहा है लेकिन जब भी बेटा हमारे पास कोई सब्सटेंस है ठीक है शो द नॉन पोलर इलेक्ट्रिकल है इंटरनल फील्ड अप्लाई नहीं किए तो पॉजिटिव निगेटिव एक के ऊपर एक है ये दिख रहा नहीं लेकिन एक के ऊपर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा आपको इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मतलब इधर प्लेट होगी बेटा पॉजिटिव और इधर होगी निगेटिव क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जाती है तो इधर के निगेटिव इधर क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है ये है? है? समझ में आ रहा है पॉजिटिव है। समझ में आ है है? तो रहा है अभी बच्चों को लगेगा कि सर पोलर में तो ऑलरेडी पोल्स है फिर क्या प्रॉब्लम है नहीं लेकिन रिजल्टेंट उसका पोलराइजेशन गिना तो कुछ नहीं मिलेगा ऐसा क्यों सर इसका कारण ऐसा है क्योंकि हम लोगों ने एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में थर्मल एनर्जी होती है और वो रैंडम डिसऑर्डर मोशन करते हैं इसलिए इसका रिजल्ट मूवमेंट नहीं मिलता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो पोलराइजेशन हो जाता है तो सर क्या यहाँ पे हमारे पास प्लेस के एक्सटर्नल फील्ड डायपोल मोमेंट देखो कोई प्लेट रखोगे तो उसका पोलराइजेशन हो गया देखो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव आगे निगेटिव की तरफ पॉजिटिव पोलराइजेशन हो चुका है है ना इससे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है ठीक है रिडक्शन भी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर वे हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है ठीक है जैसे चार्ज लाओगे बेटा चार्ज जैसे चार्ज लाओगे वैसा पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा चार्ज लाया पहले उसके कारण पोटेंशियल दूसरा चार्ज लाओ उसके कारण पोटेंशियल तीसरा चार्ज ला तब भी पोटेंशियल और क्यू इज इक्वल टू सी भी लिख सकता हो तो सी इज इक्वल टू q बाय v ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बेटा q बाय v लेकिन कैपेसिटी की कैपेसिटी ना चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड है वो डिपेंड होती है इसके एरिया एंड शेप के ऊपर ये फार्मूला है बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को ओके देखो सी इज इक्वल टू q बाय v ओके चलो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते बेटा इसकी यूनिट डी माइक्रो मतलब -6 नैनो मतलब -9 पीको मतलब 10 रे टू -12 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो या ज्यादा सेल कनेक्ट किए सीरीज में हो तो बेटा पोटेंशियल को ऐड किया जाता पोटेंशियल क्या था q c1 q बाई, मतलब इसका जब हम लोग गिनेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी सीरीज में हो तो ऐसे लिखना है 1 c1 1 c2 1 c3 ठीक है दो ही कैपेसिटर रही है, तो c1 c2 c1 c2 आइडेंटिकल कैपेसिटर रहे बेटा

c1 प्लस c2 plus c3 बात समझ में आ रही बेटा ये पैरेलल में सीधा ऐड किया जाता है ओके चार्ज फ्लोइंग इच कैपेसिटर डिफरेंस और है ना पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी कैपेसिटर की तो सी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों ज्यादा समय ना लेते हुए है ना तो थोड़ा सा शॉर्टकट बताना है तो थोड़ा सा पेज को बड़ा करता हूं देखते क्या बेटा सिंपल हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता सिग्मा क्या होता बेटा चार्ज अपॉन है ना एरिया तो चार्ज ए एप्सिलॉन नॉट यहां पे हमारे पास पोटेंशियल होता बेटा ई इंटू डी तो ये होगा ई की वैल्यू क्यू एप्सिलॉन नॉट और ये डी ठीक है हम लोगों को सी निकालना है तो क्यू बाई वी होता है तो ये क्यू वी की वैल्यू बेटा क्यू डी डिवाइड बाई एफ नॉट तो क्या करोगे Q क्यू क्यू गेट भी कैंसल सर कैपेसिटर की कैपेसिटी एफ नॉट बाई डी समझे सिंपल है सिंपल है ठीक है ना अभी बस डायलेक्ट्रिकल मीडियम डाला तो क्या करना पड़ता है थोड़ा सा यहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहाँ क्या होता है बेटा देखते इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है और इनसाइड साइड जो कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिकल मीडियम डाला तो ई इंटू डी क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है सिंपल पोटेंशियल e तो फिर ई e को ई नॉट बाई के बोलते नॉट को कॉमन निकाला तो ई नॉट का फार्मूला क्यू बाई एफसेल नॉट है अभी सिंपल सा फार्मूला है अभी क्या करोगे डाल तो तो दो क्यू बाई एफसेल नॉट देखते हैं डी माइनस टी प्लस टी d के जगह पे डी डाल ले तो डी तो माइनस डी ठीक है डी बाय के ठीक है तो डी डी कैंसल तो यहां पे हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटी मिलेगी एफ सलॉन नॉट पे डी बाई तो के जाएगा? तो कैपेसिटर डायलेक्ट्रिकल मीडियम डालने से बाई डी मिलता है खत्म समझे ओके डिस्प्लेसमेंट हाँ। ऑफ करंट ये एक ध्यान रखना है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट अभी अभी क्या करना है भाई हाँ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर मैं यहां पे शॉर्टकट में बता देता हूं देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी अभी लिखा आपने Q बाई वी तो V इज इक्वल टू क्यू इंटू सी क्यू सर क्योंकि वर्क का फॉर्मूला बेटा पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटीग्रेशन करते हैं चलिए तो ये वर्क मिला V के फार्मूला मुझे किसका गड़बड़ कर रहा हूं मैं गड़बड़ तो नहीं भाई हाँ मुझे v की वैल्यू चाहिए थी v is equal to सारी q by c होगा तो ये q by c और ये d q है इंटीग्रेशन है बेटा तो ये one by c इसका इंटीग्रेशन q square by two होगा और चार्ज जीरो से q तक होता है करेक्ट है बेटा तो क्या मिलेगा वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी one by two c हाइयर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है हो गया कि नहीं शॉर्टकट में शॉर्टक

या बेल्ट से ऊपर जाते हैं खड़ी मशीन देखिए आपने क्रेशर मशीन उसमें जैसा बेल्ट होता है वैसा बेल्ट होता है। इसमें से चार्ज जाता है याट्रक करता है और डोम पे छोड़ देता है बाद में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, नेक है करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला लॉ है पहला कौन सा बताओ एलजेब्रिक समू जीरो आई आर प्लस समेशन ऑफ इज इक्वल टू दूसरा वोल्टेज लॉ और ये एनर्जी चार्ज को कंजर्व करता है दूसरा एनर्जी को कंजर्व करता है ये बात आपको याद होनी चाहिए दोनों लॉ याद होने चाहिए ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा ठीक है ये साइन कन्वेंशन ये थोड़ा सा देखना है यहाँ पे अभी विस्टोन ब्रिज की तरफ दो ड्रॉ भाई विस्टोन ब्रिज देखो विस्टोन ब्रिज स्टोन ब्रिजोन ब्रिज कहाँ गया कहाँ गए भाई ये गया अरे तू डायग्राम भाई इसकी खाली क्या नहीं हाथ ध्यान रखना बेटा सिंपल सी यहां से करंट जाने वाला जीरो होता है आईजी बैलेंस कंडीशन लेते हैं और यहां पे पी ये बाई ये करना है पी बाय क्यू ठीक है और ये, ये? ठीक है ना ऐसे कर सकते हैं हम लोग ओके पी बाय क्यू आर बायस कुछ गलत कर रहा हूं मैं यस पी बाय क्यू और यस बाहर देखो पी बाय क्यू यस बहर इसमें से अननोन रजिस्टेंस कोई भी निकाल सकते देखो पी बाय क्यू यस बैर चारों में से कोई भी एक रजिस्टेंस निकालना है अब सेम कॉन्सेप्ट है बेटा वही कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं

यक्स इसी का फार्मूला लिखा था मैंने यक्स देखो यक्स इज इक्वल टू यल एक्स अपॉन है ना इन टू ओके ऐसे भी लिख सकते कोई टेंशन नहीं है अननोन रेजिस्टेंस से ये ध्यान रखना हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल देखना की को क्लोज करो ये डायग्राम अच्छी तरह से इसी डायग्राम को एक मार्क भी मिल सकता है तो ध्यान रखना है सादे सादे चीजें ठीक है ना ओके ओके अभी पोटेंशियोमीटर है इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट v by l पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसी के दो सेल को कंपेयर करने का फार्मूला बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर ने बोला भी था याद होगा कितना इजी है कि पहले क्या करना की को क्लोज करो यहाँ पे हाँ, बाद में इसको क्लोज करो k1 इज क्लोज k2 इज ओपन जॉकी टच पॉइंट डिफरेंस बट तो कैसे लिखोगे e1 kl1 हो गया ओके okay. अभी K1 वन ओपन के वन इज ओपन ऐसा लिखना पड़ता है और K2 टू इज क्लोज ऐसा लिखना पड़ता है बेटा समझे क्या ओके के टू इज क्लोज तब क्या लिखोगे E2 और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जब की टच किया उसका लेंथ यल टू है दोनों को डिवाइड करो बेटा एल एल गेट भी कैंसल हो गया खत्म हिस्सा ई वन बाय ई टू यहां परल टू ओके okay? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अभी दो सेल को कंपेयर तो करेंगे हम लोग लेकिन यहाँ पे कैसे बेटा सम एंड डिफरेंस ध्यान रखना अगर पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव के साथ कनेक्ट हो मतलब यहाँ पे K1 होगा तो यहाँ K3 की को क्लोज करोगे तो पहले का लोअर पोटेंशियल दूसरे का हाइयर पोटेंशियल तब ई को ऐड किया जाता ऐसे E1 प्लस लेंथ बेटा के समझे आप ओके okay, समझ में आ गया अभी K1 और K3 इज ओपन और K2 और K4 क्लोज किया तो ये है मेरा पहले का निगेटिव दूसरे के स, निगेटिव के साथ निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो तब डिफरेंस होता है मतलब minus E1 minus E2 is equal to K L2 दोनों को डिवाइड करो ये जाने दो और इसी को क्या करना बेटा यहां पे डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं सम करना है इसलिए L1 L2 L1 L2 आना चाहिए सम एंड डिफरेंस में इस सवाल, में, other, ऐसा कुछ सवाल आता, other, और अभी इंटरनल रजिस्टेंस गिनना है उसका फार्मूला आता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यल वन बाई एल टू माइनस वन ये फार्मूला आता बेटा समझे क्या आप सिंपल फार्मूला है ज्यादा टफ फार्मूला नहीं है ये फार्मूले को एक बार देख लो आंखें आंखें भर के थोड़ा सा मुझे पता जरा सा लेंथी है लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन ईजी है लेकिन ठीक है ये इस्तेमाल करना है डायग्राम इसके बाद में एम सी जी मोहिंग ग्लानोमीटर यूज करते हुए सेंड रजिस्टेंस बनाना है मुझे इसके डायग्राम देख लेते एक बार अच्छी तरह से देखो पैरेलल में मुझे करंट गिनना है तो रजिस्टेंस को कम करो रजिस्टेंस को कम करना है क्या पंडा है रेजिस्टेंस लगाओ, करंट कम मतलब ज्यादा फ्लो हो जाएगा देखो इसलिए पर, और ये छोटा होना चाहिए कैसे होना चाहिए छोटा तो यस का एक फार्मूला पे याद करना है मुझे, यस इज़ इक्वल टू आई जी है ना ये आई माइनस आई जी है और ये जी है बेटा ठीक है ना ऐसे ही फार्मूला होगा कहीं देख लो देख लो देख लो भाई देख लो बाद में यहां पे सर ये देखो है फार्मूला यहां पे करेक्ट बेटा उसी को शॉर्टकट में यस इज इक्वल टू जी एन वन माइनस वन लिख सकता हूं और सेम रेजिस्टेंस का करंट निकालना तो रेजिस्टेंस इधर आना चाहिए जी यस प्लस जी सेम टू सेम अब ये हम लोग निकालने वाले हैं होल्ट मीटर होल्ट मीटर में सीरीज में शायद इस बुक में ऐसा दिया मुझे ऐसा पसंद है देखो मुझे क्या पसंद है एक लाहना मीटर एक रजिस्टेंस यहां लगा तो इसका रेजिस्टेंस जी इसका एक्स बेटा इसके अक्रॉस में जो होता है इसको वीजी बोलता हूं मैं और इसके अक्रॉस में वीएक्स बोलता हूं बराबर है वीएक्स तो वी को हम ऐड कर सकते हैं आई जी और यहां पे भी आई जी जी इज द करंट इसमें से जाने वाला हां और ये एक्स तो यहां पे वी बाय आईजी कॉमन निकालते हुए बचा है बेटा देखो जी प्लस एक्स बचा है बचा है कि नहीं ओके okay, मुझे यक्स निकालना है तो टू यहां पे अपॉन आई जी और माइनस ये जी करते हैं कोई टेंशन है भाई कोई टेंशन है समझ में आना चाहिए बस ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है ठीक है ये चैप्टर खत्म हो चुका है अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ इसमें सबसे मेन क्या है आप लोगों को राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना चाहिए करंट अगर फ्लो चल रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कर फिंगर में होती है और राइट हैंड थम रूल जो होता है वो मेरे मन से निकाल के देता हूं ये छोटी सी उंगली छोटी सी मेरे हाथों की उंगली है ये मेरा हाथ है भाई यहां पे एक तो करंट या पॉजिटिव चार्ज की जो भी वेलोसिटी तो वो डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स होता है समझे कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है देखो ये अंदर है करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ इसलिए लगा है यह अंदर या अंदर

ओके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यफ बाई क्यू वी फोर्स का यूनिट न्यूटन चार्ज का वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ऊपर गया बेटा इससे आप लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हो टेस्ला भी एक यूनिट है कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है वो गोल घूमता बेटा साइक्लोट्रॉन इसी को कहते हैं मतलब यहां पर क्यूवी भी ये मैग्नेटिक फोर्स है और सेंट्री गोल घूमना मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है इसीलिए लिखता हूं मैं

गेटिव रखता हूं यहां पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन इसलिए इधर जा रहा है बाद में मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल दिख रहे नहीं लेकिन होते हैं इस ये गोल घुमाएगा और ये सामने इसकी स्पीड बढ़ाने का काम इलेक्ट्रिक फोर्स करता है और मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है गोल घुमाने का काम ऐसे करते करते हमारे टारगेट से बाहर आता है तो यहाँ पे पीरियड के फार्मूले दिए होंगे देखो यम इज इक्वल टू क्यूबीआर अभी जो बताया था

ये हिलिकल क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है बेटा हिलिकल तो आपको सभी को पता है कि यहां पे कोई चार्ज हमारे पास ऐसा जाना चाहता है तो इसके दो कंपोनेंट इधर और, और ये परपेंडिकुलर आगे लेके जाएगा और परपेंडिकुलर वाला क्या गोल घुमाएगा आप समझ रहे हो समझ रहे ना बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्ज का फॉर्मूला ड्यूटी टाइम लेकिन टाइम क्या होता है मतलब वेलोसिटी का सही में फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या बेटा यल और वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए करंट टाइम का यल बाई वी डी फार्मूला रखा है सही है आगे बढ़ता हूं क्यू वी बी ये मैग्नेटिक फोर्स है क्यू का फार्मूला आई एल वी डी वीडी वीडी, 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 वीडी कैंसिल तो आई एल बी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो आई एल बी साइंटीटा फॉर्मूला मिलता है कौन सा आई एल बी फार्मूला मिलता है बेटा यस अभी यार आप लोग इतने सारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कि लाइक मांगना पड़ती है बच्चों को और मुकेश सर चैनल को भी लाइक करना है मुकेश सर चैनल की वहाँ पे मुझे लगता है कि पिन किया है मुकेश सर चैनल की लिंक दी वाली है उसको भी थोड़ा सा आप लोग सोच सकते कि हम लोग बारह घंटे आज पढ़ाने जा रहे हैं बारह घंटे बारह घंटे किसको कहते भाई एल बी साइन ध्यान रखना आई एल बी साइन आई एल बी ठीक है चलिए जी क्लोज रहा तो जीरो होता है ठीक है यहां पे भी टॉर्क लगता है सभी को पता है टॉर्क इज इक्वल टू यहां A B साइन theta फार्मूला मिलेगा ठीक है ये एक ध्यान रखना है सी जी. अभी देखो टॉर्क का फार्मूला था हमारे पास मैक्सिमम एन आई ए बी लेकिन याद रखना जब रेस्टोरिंग टॉर्क होता है तो रेस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स पे जितना ज्यादा होगा उतना रेस्टोरिंग टॉर्क तो टॉर्क इज इक्वल टू के फाइव होना चाहिए लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए एन आई ए बी ऐसा साइन तो वन है अभी टॉर्क क्या बेटा हमारे पास के फाइव इज इक्वल टू एन आई ए बी ऐसा रखता हूं मैं तो मुझे क्या लग रहा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू लिखता हूं यन ए बी के को कॉन्स्टेंट रखते हैं और ये करंट मतलब क्या मिल रहा है सर तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट मिल रहा है जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ यहां पे ये जो बेटा ये म्यू है म्यू मतलब क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेट एन आई ई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं इसको ओके

पॉजिटिव होगा मतलब मैक्सिमम होगा बेटा ये है बॉइंड सरमेंट लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है बॉइंड सरमेंट लॉ बॉइंड सरमेंट लॉ क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्मॉल एलिमेंट और एंगल बिटवीन जो भी एंगल होगा इसके अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट रखना है तो μ0 4π कांस्टेंट रखा मैंने और इसकी वैल्यू बेटा μ की 4π 10 टू माइनस 7 है ना टेस्ला मीटर पर एंपियर ओके

इसीलिए निकालना होता है तो वो टू इंटीग्रेशन तो बी मैगनेटिक्ड और ये का अगर मैं देख लू, तो मुझे लगता है रखते इंटीग्रेशन ऑफ डी ये साइन थीटा बेटा आर स्क लेकिन आर क्या होगा बताओ बोला क्या होगा बेटा ये प्लस आर स्क्वे ओके और थीटा क्या होगा ये थीटा 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 होता है पाई थीटा होगा इसका अपोजिट यह कैंसल तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट बाय टू पाए रहेगा ठीक है अब इंटीग्रेशन में इज रखते हैं और साइन थीटा भी पता है मुझे अभी आर तो ये रूट में येर प्लस आर और यहां पे आर की है आर स्क्र और यल ही बात है ठीक है ना मुझे, मुझे, मुझे कॉमन निकालो तो इसका इंटीग्रेशन बेटा वन बायर स्क्वेयर मिलता है इसका इंटीग्रेशन वो अभी हम लोग नहीं करेंगे आर आर गेट भी कैंसिल तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को खुशखबरी रही है यहां पे सॉरी ये म्यू नॉट देखो म्यू नॉट बाय आई देखो म्यू नॉट आई यहां पे टू पाई एक आर बचाता आर लिखा है अगर हाफ हो तो इसको मल्टीप्लाई वन बाय टू करो तो क्या मिलेगा बेटा ये मिलेगा म्यू नॉट आई फोर पाए मिल रहा है कोई टेंशन तो नहीं बच्चों ठीक है चलिए अभी दो कंडक्टर रहे और पैरेलल करंट फ्लो करता है तब अट्रैक्शन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी निकालिए ट्रेड कंडक्टर म्यू जीरो आई टू पायर आर की जगह पे डी आ गया अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है तो ये होता है सर करंट जिसमें से समझो सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट यूज के अंदर और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इसका तो फोर्स इसका इंटीग्रेशन यल होता है ध्यान देना बी की वैल्यू मेरे पास म्यू नॉट आई और ये आई हो गया निकल गया ना फार्मूला म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड फार्मूला जी अभी कोई सर्कुलर आर्क रहा तब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फार्मूला सिंपल है म्यू जीरो आर लिखा तो ये आर कट हो जाएगा आर ही बोलो नाइनटी को साइन नाइनटी क्यू क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है देखो कभी भी रेडियस तो इस आर को तो इसलिए म्यू जीरो आर फोर पा आर म्यू जीरो फोर पा आई आर स्क्र अभी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सभी को पता है कि

है ना थीटा खत्म वही फॉर्मूला कैंसिल होता है यही काम करता है तो डी बी कॉस सीटा लिखते है बस अभी आर की वैल्यू तो पता ये आर की वैल्यू मुझे पता है झेड स्क्वेयर और ये आर स्क्वे और कॉस थीटा क्या होगा सर थीटा देखो

फिर जिस डायरेक्शन में स्लूप है उस डायरेक्शन डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव लिखना मतलब लिखेंगे क्योंकि ये अपोजिट इसका प्रूफ भी दिया है देखो पे है इसका। है? सोलानेड, सोलानेड मतलब क्या होता है? देखो इसके चार टुकड़े किए है मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं हाँ ये इसको ध्यान ध्यान देना इसके ऊपर ध्यान दो ठीक है हाँ ए से बी बी डी एल बी से ध्यान रखना बच्चों ये जीरो मिलने वाला है क्योंकि परपेंडिकुलर क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम नहीं है तो बता देता हूं थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे हाँ यहां पे क्या होता बेटा यहां पे बी डी एल है अब ये परपेंडिकुलर इसलिए जीरो ये भी जीरो आउटसाइड में ये भी जीरो ओनली ये बी एल मिल रहा है म्यू नॉट आई लेकिन आई करण किसकी किसके ऊपर डिपेंड है सर एक तो नंबर सब टर्न पे डिपेंड है आई छोटा करण और लेंथ कितनी उसके ऊपर डिपेंड है तो यहां पे बी एल और ये म्यू नॉट एन आई एल तो गेट तो बी कैंसल टू म्यू नॉट एन आई ये मुझे मिल रहा है अब सोलह नाइट रहा तो ये ट्रॉइड रहा तो यानी कि वाले बेटा नंबर सब टेन पर यूनिट लेंथ लेंथ कैसी है गोल है क्योंकि हम लोगों ने ट्रॉइड को गोल करते गोल करते हैं ऐसे है ना तो टू पायर डालो तो डाल देते यहां पे देखो म्यू नॉट एन आई बाय टू पार खत्म किस्सा ट्रॉइड का ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं अभी कौन सा बेटा मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर है करेक्ट है हाँ मैग्नेटिक मटेरियल में ये थोड़ा सा करो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू म्यू था म्यू यहां थीटा इस्तेमाल किया ये डेरिवेशन है छोटा सा एक ठीक है ना ये यहां पे डेरिवेशन ध्यान देना है ओके देखो टॉर्क ये ऑलरेडी मैंने निकाला याद है यम बी साइन थीटा तो माइनस पांच थीटा होता है तो इसका थीटा जीरो रखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे किया अभी देखो टॉर्क इज इक्वल टू तो माइनस एम बी क्योंकि वापिस आने वाला है इसलिए माइनस यहाँ पे बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आई डी स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी थीटा थि। बस इसका मैक्सिमम रखा है मैंने बाद में इसको डिवाइड लिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे किया मैंने यहां पे देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्सुलेशन में किया था वैसे पीरियड निकाला टी इज इक्वल टू आई पाई रूट ऑफ एम बी सेम टू सेम वहां पे भी है ऑक्सुलेशन में भी है यहां पे थोड़ा सा ध्यान ध्यान देते देते, बेटा, यहाँ पे देते, important है, होता है time, लेकिन टाइम होता है होता होता लेकिन ओमेगा देखते यहां पे पीरियड के फार्मूले में हम लोगों को करंट के फार्मूले में देखो आई बाई टी तो आई टी की वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा यहां पे डालना था आई इंटू ए

बाद में यम इधर गया तो बी बाई म्यू नॉट माइनस यम तो हम लोगों को यम की वैल्यू एच पता है तो इसी हिसाब से रखो तो यह तो दोबारा निकालोगे को फॉर्मूला वन प्लस जाए जा जा तो रिलेशन दिखा है यहाँ पे ठीक है अभी थोड़ा सा डायमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस है ये वीकली रिपेल करता निगेटिव और स्मॉल होती है ठीक है वीकली रिपेल करता है फिर एग्जाम्पल दे सकते हो मैग्नेट के बीच में कोई ऐसा किसके बीच में मैग्नेट रखोगे तो तो रिपेल होता है है ना किसी यूट्यूब में डालोगे तो वो भी फॉल होता है जिस तरफ स्ट्रांग है और ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये कौन से रहते बेटा पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते ध्यान रखना ये देखो रिपेल कर रहा है यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाने देना बाद में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें डायपोल के ऊपर अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए तो वह अलाइन होते हैं और इसी के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका डायपोल मोशन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लूज होती है तो वही फार्मूले बेटा फार्मूले में थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पे फार्मूला देखो यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड मतलब जितनी फील्ड उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा और टेम्परेचर से इनवर्स लिए तो ये फार्मूले थोड़े से याद रखना है ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूमेरिकल याद रखना प्रोपोर्शनलिटी ठीक है ये होती है, है सबको पता है लार्ज होती है, okay? होता है और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इसी का एक ग्राफ है बेटा वो ग्राफ ध्यान रखना ये ओके ये एक और ये ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है ये इसमें जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे मैग्नेटाइजेशन होते रहेगा बाद में होता है जैसे डायमैग्नेटिक फील्ड निकालोगे लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती नहीं है भले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने जीरो की हो ठीक है तो ये ग्राफ एक बार करके जाओ तो बाद में बेटा इसमें मैग्नेटिक शील्डिंग होता है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रो मैग्नेट कहा बड़े बड़े कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है और मैग्नेटिक शील्डिंग होती है जो प्रोटेक्शन करती है बेटा किसको प्रोटेक्ट करती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड से बचना है ठीक है मुझे लगता है दो चैप्टर बाकी है दो चैप्टर करवा देते हैं ठीक है मैं ही करवा दूंगा फटाफट ज्यादा नहीं करूंगा यहां पे क्योंकि अभी एनर्जी तो खत्म हो चुकी है सबको पता इसमें ये चैप्टर कल करवा के देता हूं मैं फैरडेज का फर्स्ट लॉ पता है चलो अभी बोलने की कैपेसिटी खत्म होगी <laughs> बोल नहीं पा रहा हूं मैं ठीक है सेशन को लाइक करना है बच्चों सब्सक्राइब करना है चैनल को क्योंकि आपने इतना सपोर्ट मुझे अच्छा भी लगा कि इतना बच्चे तो भी रहते हैं भले मेरी एनर्जी खत्म क्यों ना हो जाए हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चे अपनी ही चैनल ये किया जाए फिजिक्स के पहले क्या हो सकता है 325 के हो सकता है ओके लाइक भी करना है सब लोगों ने इतनी एनर्जी बच्चों 10 से अभी 10 बज गए देखो घंटे 10 10, चालू चालू था अपने 10 to 10 चालू बेटा. आप सोच सकते हो इसमें भी हमको पीपीटी बनानी होती है बीच में जब ब्रेक मिलता था तो पीपीटी बनाना ये बनाना सब काम करते थे हम लोग और आपका इतना प्यार आपका ये देख के थैंक यू बेटा थैंक यू गोपाल पवार थैंक यू बेटा ओके अभिषेक गुजर सर आप ग्रेट हो थैंक यू बेटा सविता दीदी मराठित मरा पन बोलते तो का टेंशन घू ना का एक टारगेट कंप्लीट करा थ्री टू फाइव के करोगे उम्मीद करो और लाइक भी करना सेशंस को एनर्जी खत्म हो चुकी है अभी क्योंकि अगर मैं अभी ये चैप्टर ले लू दो शायद मुझे चक्कर आ सकता है भाई चक्कर आ सकता है चक्कर तो उम्मीद कर रहे कल एक बहुत बढ़िया सेशन ला रहा हूं जो बच्चे को फेल होने का डर है उनको सबको बोलना की मुकेश सर गारंटी दे के आएंगे उतना करना मैं जितना बोल रहा हूँ मेरे साथ भी करोगे तो भी मिलेगी गारंटी यस बेटा थैंक यू चलो